हेलो हेलो वन टू फोर वन टू फोर हलो हेलो हेलो वन टू फोर वन टू फोर हेलो हेलो स्टूडेंट्स कैसे हैं आप सभी लोग मैं पूरी उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग बढ़िया मैं भी यहां पर एकदम मौज में हम सभी लोग एफ का बूस्टर बैच कर रहे हैं नवंबर ट्वेंटी थ्री के लिए जिसके अंदर हमारे दो सेशन लगे थे वैसे हमारी प्लानिंग ये थी कि आज हम दो सेशन लगाएंगे पर थोड़ा सा यहाँ पे लाइट की दिक्कतें भी हुई लाइट नहीं आ रही है तो उस वजह से दो सेशन हो नहीं पाए कोई बात नहीं एक सेशन हम कल सुबह जल्दी लेंगे दस बजे के आसपास कल एक सेशन लेंगे तो हमारे पास बूस्टर बैच में फर्स्ट लेक्चर में दो चैप्टर हुए थे फिर सेकेंड में दो हुए थे थर्ड सेशन में वर्किंग कैपिटल फोर्थ में रेशो फिफ्थ में कैपिटल बजटिंग आज हमारा सिक्स सेशन है जिसमें कॉस्ट ऑफ कैपिटल और कैपिटल स्ट्रक्चर होगा और सेवंथ सेशन हम लोग कल लेंगे मॉर्निंग में किसी टाइम में वो टाइम मैं बता दूंगा क्लास के एंड में और आपके पास आ, पूरा का पूरा काम खत्म हो जाएगा हाँ जी अब सबसे पहले तो मुझे आप लोग ये बताइए ऐसे कितने स्टूडेंट हैं जिन्होंने कैपिटल बजटिंग के क्वेश्चन राइटिंग में कर लिए हैं जल्दी से बताइए जल्दी से बताइए कितने बच्चों ने कैपिटल बजटिंग के क्वेश्चंस को राइटिंग में कर लिया हां जी बहुत ही बढ़िया बहुत ही बढ़िया हाँ 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 विक्कू माही दृष्टि और बहुत नीचे चला गया तो हाँ जी विक्कू माही दृष्टि कविंदर साहिल अरुण ईशान निखिल तुषार श्रेया विपिन साहिल मनीषा मासूद इस्लाम यश जैन माही साहिल जोशी अनुष्का लॉर्ड पार्श्व हनी कन्हैया दिशा बीशु गुड्डू महक परशवा भारती नीतू अरुण निखिल काजल कुलदीप विशाल जेम्स बॉन्ड कन्हैया दीपिका विपिन निखिल मनीष काजल चिराग निखिल महक अतमाज ईशान अक्षिता अक्षिताज आज करेंगे अक्षिताज करेंगे अतमाज फीलिंग कॉन्फिडेंट हैं चिराग भी आज करेंगे अरुण कर चुके हैं विष्णु मनीष दीपिका पार्स ज्योति कुलदीप कुलदीप का लास्ट ईयर एम और आर रहता है और पाशर विष्णु इनका हो गया राधे श्याम अवर दीपिका मतलब बहुत सारे बच्चे कर चुके हैं ये बहुत अच्छी बात है इस टाइम पे हम लोग को यही चाहिए था अच्छा कितने बच्चों को कैपिटल वर्स्टिंग करके भी ये लगा कि हाँ सर अब कोई भी चैप्टर भारी नहीं लग रहा सारे चैप्टर आसान हो गए पूरा एफ ही आसान हो गया अब आप पूरा एफ उठा के देखेंगे तो आपको रिवाइज करने में लगेगा कि अरे ये तो बहुत ही सिंपल सब्जेक्ट है आज हम लोग करने वाले हैं कॉस्ट ऑफ कैपिटल और कैपिटल स्ट्रक्चर दो चैप्टर्स को बहुत आराम से देखेंगे इनको बहुत सिंपल से ओवर से चैप्टर हैं हम लोगों के पास एक बूस्टर बैच का मैं ब्रीफ दे देता हूं बच्चों को जो कोई वैसे तो सबको पता ही है बूस्टर बैच एक रिवीजन बैच है जो हम एग्जाम से पहले रिवीजन करवाते हैं बच्चों को इसमें हंड्रेड परसेंट कॉन्सेप्ट और क्वेश्चंस करवाए जाते हैं क्वेश्चंस का नाम हम बीबीक्यू रखते हैं जिसका मतलब है बूस्टर बैच क्वेश्चन और आपके पास में इसमें 102 क्वेश्चन हमने सेलेक्ट किए हुए हैं इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको लगते हैं तो आप उन्हें सेलेक्ट कर लीजिए ये बीबीक्यू बी क्यू आर टी पी एस एम एम टी पी पी एम पास्ट ईयर क्वेश्चन जो आईसीआई के हैं उसमें से सेलेक्टेड क्वेश्चन है एग्जाम ओरिएंटेड हमारा बैच एक अक्टूबर शुरू हुआ था इसके पाँच सेशन ऑलरेडी अपलोड हो चुके हैं सिक्स सेशन आ जाए एक सेशन और लगेगा पूरा एफ खत्म हो जाएगा कंसेप्ट हंड्रेड स्पीड नॉर्मल रहती है टाइमिंग फाइव टू सेवन रही थी लाइव सेशनस की ये वीडियोज अवेलेबल रहती हैं <coughs> हमारे YouTube चैनल पर हम कोई वीडियो हटाते नहीं हैं जो अपलोड हो गई वो हो गई और इसके अलावा आपको नोट्स कहाँ से मिलेंगे आप सी ए नमी सर्च करेंगे तो वहाँ पर जाएंगे तो पिन मैसेज में जाना वहाँ पर मैंने कोस्टिंग के बूस्टर बैच के नोट्स फिर दोबारा पिन करेंगे सेलेक्ट एफएम के बूस्टर नोट्स और इको के बूस्टर नोट्स आपको मिल जाएंगे तो यहाँ से आप ये बूस्टर नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं और एग्जाम से पहले आपके पास इसका प्रिंट आउट होना ही होना चाहिए क्योंकि एग्जाम वाले दिन भी जो आपको वन मिलता है टाइम वन डे का टाइम मिलता है उसमें मोस्ट प्रोबेबली आप बूस्टर बैच ही कर पाएंगे उससे ज़्यादा आप नहीं कर पाएंगे तो इसके प्रिंट आउट आप लोग बिल्कुल निकलवा कर रख लें आज हमारे पास है कॉस्ट ऑफ कैपिटल और कैपिटल स्ट्रक्चर हाँ जी और इसके बाद में हमारे पास आ, दिन 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 दिन। इसके अलावा कोई और मुद्दा ठीक 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 ईको के लिए हमारा कोई ईको में कोई चेंज नहीं है तो जो पुराना बूस्टर अवेलेबल है आप उसे देख सकते हैं उसमें जितने भी हेडिंग्स हैं सारे हेडिंग्स को कंपाइल करके एक जगह पर रख दिया गया है उसके अंदर न्यूमेरिकल्स भी कवर हैं जितने भी न्यूमेरिकल हैं नेशनल इनकम के मॉनेटरी uh, पॉलिसी के वो सारे के सारे वहां पर कवर्ड हैं और उसके अंदर जितनी भी आपकी एडजस्टमेंट्स होती हैं कीवर्ड्स होते हैं हेडलाइंस होती हैं वो सारी सारी एक जगह पर इकट्ठी करी है शॉर्ट में थर्टी नाइन पेजेज के अंदर पूरा का पूरा इको वहाँ पर कवर है तो आप उसको जरूर करें उसके नोट्स भी टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल है अब हम लोग स्टार्ट करते हैं कॉस्ट ऑफ कैपिटल और आपके पास कैपिटल स्ट्रक्चर जी देखेगा कॉस्ट ऑफ कैपिटल बहुत ही सिंपल सा चैप्टर है बहुत ज्यादा आसान इसको आराम से करेंगे तो बहुत सिंपल लगेगा कॉस्ट ऑफ कैपिटल का मतलब क्या होता है बेसिकली हमारे पास देखिए सोर्सेज ऑफ फंड्स सोर्सेज ऑफ फंड से हमारे पास जो पैसा आता है बिजनेस के अंदर उस पैसे को हम एप्लीकेशन ऑफ फंड्स में लगाते हैं एप्लीकेशन ऑफ फंड में हमारे को एक वर्किंग कैपिटल हो गई और दूसरा फिक्स्ड एसेट्स एंड इन्वेस्टमेंट्स हो गए तो कैपिटल बजटिंग हमारे पास चैप्टर रहता है जिसके अंदर हम फिक्स्ड एसेट्स को ख़रीदना है नहीं इन्वेस्टमेंट करना है या नहीं इस बात का डिसीजन लेते हैं डिसीजन लेने के लिए हम करते क्या है जो हमारे पास कैश फ्लो होता है उस कैश फ्लो को हम करते हैं डिस्काउंट डिस्काउंट कैसे करते हैं बाई यूजिंग डिस्काउंट रेट और वो डिस्काउंट रेट क्या होता है कॉस्ट ऑफ कैपिटल आखिर ये कॉस्ट ऑफ कैपिटल है क्या जिससे हम इस कैश फ्लो को डिस्काउंट कर रहे हैं बेसिकली यहाँ पर आपने बिजनेस में जो भी पैसा लगाया मान लीजिए वन हंड्रेड करोड़ आपने लगाए हुए हैं तो वह वन हंड्रेड करोड़ आपने सोर्सेजो फंड से मंगवाए होंगे तो सोर्सेज ऑफ फंड से जो आपने पैसा मंगवाया वो फ्री में नहीं आता पैसा किस किस से आया हमारे पास पैसा हमारे पास इक्विटी से आता है प्रीफ्रेंस से आता है और डेट से आता है इक्विटी के अंदर भी फर्दर हमारे पास दो तरीके से फंडिंग है एक फ्रेश इशू करना जैसे इक्विटी शेयर कैपिटल और दूसरा रिटेन अर्निंग रिटेन अर्निंग का मतलब बिजनेस में जो कमाई हुई वो आपने डिस्ट्रीब्यूट नहीं करी बल्कि बिजनेस में ही रिटेन कर ली तो ये हमारे पास सोर्सेज रहते हैं तो इन सोर्सेज को हमें जितनी आफ्टर टैक्स पेमेंट देनी होती है इन सोर्सेज को आफ्टर टैक्स जो भी पेमेंट करनी होती है उसे हम बोलते हैं आफ्टर टैक्स कॉस्ट जो भी यहां पर आएगी उसे हम बोलते हैं कॉस्ट ऑफ कैपिटल जैसे मान लीजिए पंद्रह परसेंट आ गया इसका मतलब इन लोगों को हंड्रेड करोड़ पे पंद्रह परसेंट आपको देना है तो फिर हम जब कैपिटल बस्टिंग में डिसीजन मेकिंग करते हैं वहां पर जो भी कैश फ्लो हमारे पास आता है हम ये सोचकर पैसा लगाते हैं कि हम पैसा तभी लगाएंगे जब कम से कम ये फिफ्टीन परसेंट तो हमें मिलेगा ही मिलेगा अगर ये फिफ्टीन परसेंट कैश फ्लो को डिस्काउंट करने के बाद में भी कैश पॉजिटिव होता है तो हम उसको कहते हैं पॉजिटिव एन आ गया वो जो पॉजिटिव एन होता है वो सरप्लस मनी होती है जिससे आपके इक्विटी शेयर की मार्केट वैल्यू बढ़ जाती है आपने सुना भी होगा कोई भी कंपनी अगर कोई डिसीजन लेती है किसी को खरीदती है या कोई एक उसको टेंडर मिलता है तो उसके मार्केट प्राइस ऑफ शेयर बढ़ जाते हैं तो भाई टेंडर मिलते ही कैसे प्राइस बढ़ जाते हैं प्राइस तो तब बढ़ना चाहिए जब टेंडर मिलने के बाद में काम एग्जीक्यूट हो और प्रॉफिट हो जाए लेकिन टेंडर मिलते ही प्राइस बढ़ जाता है प्राइस इसलिए बढ़ जाता है कि पता होता है कि अब फ्यूचर में कैश फ्लो आएगा तो आज की ही डेट पर प्रेजेंट वैल्यू पर ही उसके प्राइस बढ़ा दिए जाते हैं तो कैपिटल बस्टिंग लॉन्ग टर्म के सारे पैसे को आज की डेट में लाकर देखता है और बताता है आप पॉजिटिव जाओगे या नेगेटिव जाओगे उसके लिए वो कॉस्ट ऑफ कैपिटल का इस्तेमाल करता है वो कॉस्ट ऑफ कैपिटल बेसिकली आफ्टर टैक्स कॉस्ट है सोर्सेज ऑफ फंड की तो हमारे पास यहां पर हमें सिंपली कॉस्ट ऑफ डेट निकालना है जो के डी होगा ध्यान रखना है कि हमारे को आफ्टर टैक्स कॉस्ट चाहिए इसीलिए हम जो कैपिटल बजटिंग के अंदर डिस्काउंटिंग भी करते हैं वो कैश फ्लो आफ्टर टैक्स की करते हैं जिससे मैचिंग कॉन्सेप्ट है तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल आफ्टर टैक्स रेट निकालना है और उसी रेट को हमें अप्लाई करना है आफ्टर टैक्स कैश फ्लो पर जो कैपिटल बजटिंग में काम में आ जाता है हमारे पास कॉस्ट ऑफ डेट के डी के नाम से कहलाएगा कॉस्ट ऑफ प्रीफ्रेंस शेयर के के नाम से कॉस्ट ऑफ इक्विटी के के नाम से और कॉस्ट ऑफ रिटर्न रर्निंग के के नाम से फेमस है और ये पूरी ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल को के या फिर के ओ बोला जाता है वैसे इसको सिंपली बोलते हैं डब्ल्यू यानी वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल तो अगर हमारे को के ई के पी के टी और के आर निकालना आ जाए तो हमारे पास के ओ सिर्फ उसका वेटेड एवरेज निकालना है के केसी बोलते हैं इसको उसका वेटेड एवरेज जो भी निकल कर आएगा वो हमारी कॉस्ट ऑफ कैपिटल बन जाएगी बहुत ही सिंपल है पांच नंबर का इसका क्वेश्चन आता है कई बार के डी के ई के पी के आर पूछ लेता है सिंपली और कई बार पूरी वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल पूछ लेता है तो हमारे पास कॉस्ट ऑफ कैपिटल के अंदर के डी के पी के ई और के आर हम लोग निकालेंगे सबसे पहले हम बात करने वाले हैं कॉस्ट ऑफ डेट की कॉस्ट ऑफ डेट के अंदर हमारे पास जो डेट होता है जो लोन होता है एक होता है इन रिडीमेबल इिडीमेबल का मतलब है कि हमें पैसा वापस ही नहीं देना तो ये परपिचुअल इसको डेट बोलते हैं कि लाइफ टाइम हमारे पास रहेगा इस तरीके के डेट होते नहीं है फिर भी इसकी कॉस्ट निकाली जाएगी एक होता है रिडीमेबल लमसम में और इंस्टॉलमेंट में तो इंस्टॉलमेंट में अगर आप पैसा वापस कर रहे हो तो तोड़ तोड़ के पैसा दे रहे हो और लमसम में यानी आप वन शॉर्ट पेमेंट कर देंगे इसके जो फॉर्मूले हमारे पास रहेंगे वो बड़े सिंपल हम एक एक एग्जाम्पल इनके साथ लेते आई का मतलब है इंटरेस्ट क्या आप कितना इंटरेस्ट दे रहे हो एनपी का मतलब है नेट प्रोसीड नेट प्रोसीड का मतलब होता है इशू प्राइस माइनस इशू एक्सपेंस अगर क्वेश्चन में नेट प्रोसीड आपको नहीं मिलती और मार्केट प्राइस ऑफ शेयर दिया हुआ है तो आप मार्केट प्राइस ऑफ शेयर को ही नेट प्रोसीड मान सकते हो अब जैसे मान लीजिए हमारे डिवेंचर की फेस वैल्यू सौ रुपए है हमारा इशू प्राइस एक सौ दस रुपए पांच रुपए हैं तो हमारे पास नेट प्रोसीड वन जीरो फाइव आ जाएगी ठीक है जी अब हमारे पास जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो रेट है टेन परसेंट तो ये रेट हमेशा फेस वैल्यू से लिंक करा जाता है तो इसका मतलब आप दस रुपए का इंटरेस्ट पे करेंगे टैक्स का रेट हम मान लेते हैं थर्टी परसेंट है तो हमारे पास यहां पर के डीक्स टू आई में हमारे पास आ जाएगा टेन परसेंट ऑफ सौ रुपए टेन वन माइनस टैक्स डिवाइडेड बाई नेट प्रोसिड में वन जीरो मल्टीप्लाई बाई वन हंड्रेड तो यह हमारे पास आ गया सिक्स पॉइंट सिक्स सेवन परसेंट इस तरह से आपका के डी रिडीमेबल निकलेगा इसमें कोई ज्यादा कैलकुलेशन नहीं है एकदम सिंपल ओवर होता है कई बार आपके सामने क्या होता है कि जो हमारा फेस वैल्यू है और नेट प्रोसीड है वो इक्वल हो जाती है यानी कि फेस वैल्यू भी सौ रुपए हो जाए और मान लीजिए नेट प्रोसीड भी सौ रुपए हो जाए अगर ऐसा हो जाए तो होगा क्या आप ऊपर जब इंटरेस्ट लेंगे तो आप लेंगे टेन परसेंट ऑफ वन हंड्रेड दस तभी आएगा और डिनोमिनेटर में आप क्या लेंगे सौ तो अगर हम इस तरह से करेंगे टेन वन माइनस टैक्स डिवाइड बाई सौ रुपये मल्टीप्लाई बाई वन हंड्रेड तो इसका आंसर सेवन परसेंट आएगा तो ऐसी सिचुएशन में क्वेश्चन आपको कहता है कि आप सिंपली फिर एक काम करो जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है उसे वन माइनस टैक्स कर दो तो हमारे पास रेट ऑफ इंटरेस्ट था टेन परसेंट अगर हम इसे वन माइनस टैक्स करें तो सीधे सेवन परसेंट हमारे पास आ जाएगा तो अगर आपकी फेस वैल्यू और नेट प्रोसीड सेम होती है तो रेट ऑफ इंटरेस्ट वन माइनस टैक्स ले लेते हैं अगर किसी क्वेश्चन में आप जाते हो वहां लिखा हुआ है टेन परसेंट डिवेंचर टेन परसेंट डेट उसके बाद में उसका इशू प्राइस रिडेम्शन वैल्यू कुछ कुछ डेटा नहीं है तो इसका मतलब सिंपली आपकी फेस वैल्यू और नेट प्रोसीड सेम है फिर आप आई वन माइनस टैक्स लगाकर क्वेश्चन को सोल्व करेंगे ठीक है इसके बाद हमारे पास आते हैं रिडीमेबल डिवेंचर रिडीमेबल डिवेंचर हमारे पास लमसम में हो सकते हैं तो लमसम में अगर आपके पास रिडीमेबल है तो इसके दो मेथड हैं एक अप्रोक्सीमेशन मेथड एक वाई टी एम मेथड वाई टी एम मेथड को प्रेजेंट वैल्यू मेथड भी कहते हैं इसमें हम सिंपली कैपिटल आई आर आर निकालते हैं तो पहले हमारे पास रहता है एप्रोक्सिमेशन मेथर्ड। एप्रोक्सिमेशन मेथर्ड में दो दिए हुए वन प्लस आपका पर एन एम लॉस को बता देता है इसके बाद में डिनोमिनेटर में एवरेज वैल्यू आरवी प्लस एनपी डिवाइड बाई टू लेते हैं मल्टीप्लाई बाई हंड्रेड कर देते हैं कई बार जो वन माइनस टैक्स है ये I और आर वी माइनस एन पी डिवाइड बाई एन के बाहर आ जाता है तो ये जनरली हमने कभी भी सजेस्टेड आंसर में नहीं देखा इसीलिए जो हमारा प्रीफर्ड फॉर्मूला रहता है वो I वन माइनस टैक्स वाला रहता है ये फॉर्मूला कैसे काम करता है ये चीज़ देखते हैं जरा जैसे मान लीजिए हमारे पास फेस वैल्यू है सौ रुपये प्राइस है एक सौ पाँच रुपये एक्सपेंस है दस रुपये तो नेट प्रोसीड आपके पास कितनी आ गई नाइन्टी फाइव जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो फिफ्टीन परसेंट है टैक्स का रेट थर्टी परसेंट है और रिडेम्पन वैल्यू एक सौ पच्चीस रुपए है इसकी लाइफ फाइव ईयर्स है अब इस सिचुएशन में हमारे पास फिफ्टीन परसेंट तो इंटरेस्ट का रेट है तो सौ रुपए का फिफ्टीन परसेंट यानी इंटरेस्ट पंद्रह रुपए हर साल जाया करेगा ठीक है दूसरा आपने जो इशू किया नेट प्रोसीडर नाइनटी फाइव और जो रिडेमशन वैल्यू है वो है एक तो 95 आपने लिए हैं और 125 आपको वापस करने पड़ेंगे तो आपका पांच साल, तो साल तो इसका मतलब छह रुपए पर एन का आपका रिडेम्पन पे नुकसान है तो फिफ्टीन रुपीज का इंटरेस्ट और छह रुपए का नुकसान ये हमारे दो खर्चे बन जाते हैं तो हमारे पास फॉर्मूला के का सिंपली आ जाता है आई वन माइनस टी प्लस आर वी माइनस एन पी डिवाइड बाई एन और फिर अब हमें लेनी है वैल्यू कि भाई की क्या वैल्यू नीचे दें तो ये रिडीम कितने में होगा 125 में और नेट प्रोसीड कितनी है 95 तो ये एक टाइम पे 95 का है और एक टाइम पर 125 का हो जाएगा तो अब हम 125 वैल्यू वाली वैल्यू लें या 95 वाली वैल्यू लें तो इसका सिंपल सा तरीका होता है कि आप एवरेज वैल्यू ले लो आर वी प्लस एन पी डिवाइड बाई टू जब भी किसी चीज में दो प्राइस होते हैं अलग अलग टाइम पर तो नेट प्रोसीड के टाइम पे वो 95 है और रिडेम्पशन के टाइम पे 125 तो जब भी दो प्राइस होते हैं ऐसी सिचुएशन में एवरेज वैल्यू को हमेशा लिया जाएगा तो इंटरेस्ट था 15 1 माइनस टैक्स प्लस आर वी माइनस एन पी हो गया 125 माइनस आपका 95, डिवाइडेड बाई एन में आपके पास आ गए फाइव इन वन ट्वेंटी फाइव प्लस नाइन्टी फाइव डिवाइडेड बाई टू मल्टीप्लाई बाई वन हंड्रेड तो हमारे पास आ गया फिफ्टीन परसेंट फिफ्टीन परसेंट हमारे पास रेट निकलकर आ गया तो अप्रोक्सीमेशन मेथड हमारे पास कैसे चलेगा

तो यहां पर आपको सिंपली आई आर आर निकालना होता है तो लोअर रेट एनपीवी लोअर रेट पर एनपीवी लोअर रेट माइनस एनपीवी हायर रेट हायर माइनस लोअर रेट का डिफरेंस तो आई आर का जो फॉर्मूला है वो लगाना है जब तक क्वेश्चन आपको ना बोले कि वाई टी एम मेथड लगाओ तब तक आप अप्रोक्सीमेशन मेथड ही लगाएंगे अब आई आर आर निकालने के लिए हमें दो रेट चाहिए होते हैं तो अगर हम दो रेट की बात करते हैं तो फिर हमारे पास टेबल होनी चाहिए तो मैं आपको बता दूं कॉस्ट ऑफ कैपिटल के अंदर आपको टेबल नहीं मिलेगी टेबल मिलती है कैपिटल बस्टिंग के क्वेश्चन में कॉस्ट ऑफ कैपिटल के क्वेश्चन अप्रोक्सीमेशन मैथड अप्लाई कर देंगे अप्रोक्सीमेशन मैथड को अप्लाई करने के बाद आपके पास जो रेट आएगा ये कैलकुलेटर पर निकाल लेंगे आप तो ये आगे जी पंद्रह परसेंट आ गया हमारे पास इतना सही तो फॉर्मुलसेंट तो आ गया तो आप ये मानकर चलिए वाई टी से भी पंद्रह परसेंट के आसपास ही निकल कर आएगा तो एक रेट ले लीजिए पंद्रह परसेंट से एक दो परसेंट कम एक रेट ले लीजिए पंद्रह परसेंट से एक दो परसेंट ऊपर तो दो रेट नीचे ले लेते हैं दो रेट ऊपर पंद्रह माइनस एक ले लेते हैं तेरह परसेंट एक ले लेते हैं सत्रह परसेंट तो यहां पर हमारे पास अगर हम इसी को वाई मेथड से करें तो हमारे पास रहेगा ईयर जीरो ईयर पर आपकी जेब में पैसा आएगा वन से लेकर फिफ्थ ईयर तक पांच साल की लाइफ है आपकी जेब से पैसा जाएगा और फिर रिडेम्शन वैल्यू आपके पास आ जाएगी दो अलग अलग रेट हम ले लेंगे यहां पर मैं लिख रहा हूं कैश फ्लो किस तरह से चलेगा यहां पर हम लेंगे डिस्काउंट रेट और यहां पर आ जाएगा डिस्काउंटेड कैश फ्लो इसके बाद में एक दूसरा रेट ले लेंगे डिस्काउंटिंग और यहां पर फिर से आ जाएगा डिस्काउंटेड कैश फ्लो इसमें आप दो तरीके से कर सकते हैं एक तो इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से सोच सकते हैं और एक आप सोच सकते हैं कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से तो आप लोगों ने कैपिटल बस्टिंग में जो पढ़ा था अगर हम कैपिटल बजटिंग में देखें तो शुरू में क्या होता था हमारा इन्वेस्टमेंट होता था और फिर हमारी टी वन से टी एन तक रिटर्न आती थी और फिर टी एन पर सेलवेज आ जाती थी इस तरह से चलता था तो आप इसी तरीके से यहाँ पे भी कर सकते हैं कि इन्वेस्टर का शुरू में पैसा गया जब उसने डिवेंचर खरीदा फिर उसको इंटरेस्ट मिला और उसके बाद में लास्ट में उसे रिडेम्शन वैल्यू मिल गई और दूसरा आप कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी कर सकते हैं कि शुरू में पैसा हमारे पास आया उसके बाद में टी वन से टी एन तक हमारी जेब से इंटरेस्ट गया और लास्ट में हमारे पास रिडेमशन वैल्यू हमारी जेब से चली गई तो दोनों से आंसर सेम आता है तो आप पहला साइन माइनस का दूसर, बाकी के दो प्लस के रख लीजिए या फिर पहला प्लस का बाकी के दो माइनस के रख लीजिए अल्टीमेटली आंसर सेम आएगा तो मेरे को ऐसा लगता है जैसे कैपिटल बस्टिंग में हमने करा था कि शुरू में पैसा गया और बाद में आया वो बच्चे के लिए आसान रहता है इसमें बच्चा कंफ्यूज नहीं होता तो जी सबसे पहले इसी वाले क्वेश्चन को मैं बता रहा हूं आपको नेट प्रोसीड नाइन्टी हम ये मान रहे हैं इन्वेस्टर की जेब से नाइनटी गए ठीक है जी अब उसके बाद में हमारे पास एक साल से पाँच साल तक हर साल पंद्रह रुपये का इंटरेस्ट वन माइनस टैक्स कट कर आएगा तो पंद्रह रुपये माइनस थर्टी परसेंट टेन पॉइंट फाइव का इंटरेस्ट अगले पाँच साल तक आफ्टर टैक्स कस्टमर को मिलेगा और लास्ट में उसे रिडम्पन वैल्यू एक मिल जाएगी डिस्काउंटिंग रेट आपके पास वन रहेगा जीरो ईयर का एक रेट ले रहा हूं मैं तेरह परसेंट एक रेट ले रहा हूं सत्रह परसेंट इसके बाद में हमारे पास तेरह का वन पॉइंट वन थ्री डिवाइड बाई एक दो तीन चार पांच जीरो पॉइंट पॉइंट फाइव फाइव फोर थ्री थ्री वन सेवन और यहां पर वन पॉइंट वन सेवन डिवाइड बाई इक्व टू एक दो तीन चार पांच जीरो पॉइंट फोर फाइव सिक्स और थ्री पॉइंट वन नाइन नाइन ठीक है जी अब यहां पर देखते हैं नाइनटी फाइव हमारे पास से चले गए थ्री पॉइंट फाइव वन सेवन मल्टीप्लाई वे टेन पॉइंट फाइव थर्टी सिक्स पॉइंट नाइन टू हमारे पास आ गए ओके वन ट्वेंटी फाइव मल्टीप्लाई वे पॉइंट फाइव फोर थ्री सिक्सटी सेवन पॉइंट एट एट हमारे पास आ गए सिक्सटी सेवन पॉइंट एट एट थर्टी सिक्स पॉइंट नाइन टू माइनस नाइनटी फाइव पॉजिटिव नाइन पॉइंट एट आ गया ठीक है जी अब यहां पर नाइन्टी फाइव गए थ्री पॉइंट वन डबल नाइन मल्टीप्लाई विन पॉइंट फाइव थर्टी थ्री पॉइंट फाइव नाइन आ गए और वन ट्वेंटी मल्टीप्लाई पॉइंट फोर फाइव सिक्स फिफ्टी सेवन आ गए थर्टी थ्री पॉइंट फाइव नाइन प्लस फिफ्टी सेवन माइनस नाइन्टी फाइव माइनस का फोर पॉइंट फोर वन आ गया डन ठीक है अब हमारे पास हम लगा देंगे आईआरआर तो केडी का फॉर्मूला आ जाएगा लोअर रेट प्लस एन पी वी लोअर रेट एन पी वी लोअर माइनस एन पी वी हायर मल्टीप्लाई वाई हायर रेट माइनस लोअर रेट तो यहाँ पर लोअर रेट था आपके पास थर्टीन परसेंट ध्यान रखिएगा टेबल नहीं दी जाएगी तो आपको रफ में कैलकुलेटर पर अप्रोक्सीमेशन मेथड अप्लाई करना होगा वाई टी एम के लिए अप्रोक्सीमेशन मेथड से जो भी रेट निकल कर आएगा उससे एक दो परसेंट नीचे ले लो एक दो परसेंट ऊपर ले लो क्योंकि वाई से जो मेथड आता है जो अप्रॉक्सीमेशन से आता है वाई से भी लगभग उतना ही आपका आंसर आ जाता है एन लोअर रेट का हो गया नाइन पॉइंट एट एन लोअर रेट नाइन पॉइंट एट माइनस माइनस प्लस हो गया फोर पॉइंट फोर वन और यहाँ पर रेट है हमारे पास सेवनटीन परसेंट और थर्टीन परसेंट चार परसेंट का डिफरेंस है तो थर्टीन परसेंट प्लस टू पॉइंट सेवन सिक्स परसेंट यह आपका के डी इस तरह से हमारे पास वाई टी एम से के डी निकल जाएगा ओके okay. तो आपके पास में आपका एक हो गया अप्रोक्सीमेशन अगर क्वेश्चन साइलेंट रहे कुछ ना बोले तो कौन सा मेथड लगाएंगे <coughs> तो हमेशा अप्रोक्सीमेशन मेथड लगाएंगे वाई टी एम मैथड कहेगा तभी लगाएंगे बह फालतू मेहनत हम क्यों करें जब नंबर सेम मिलने हैं इसके बाद में आता है कि भाई रिडीमेबल है डिवेंचर इंस्टॉलमेंट में तो जो लमसम वाला था उसके तो दो तरीके थे अप्रोक्सीमेशन और वाई लेकिन अगर इंस्टॉलमेंट में है तो आई ही आपको लगाना पड़ेगा यानी इसके दो मेथड नहीं है इंस्टॉलमेंट में है तो आपको वाई मेथड से ही कैलकुलेट करना होगा जैसे जैसे इंस्टॉलमेंट जाता जाए उसके दो रेट लेकर आप कैलकुलेशन कर लीजिए एक पॉजिटिव एनपी एक नेगेटिव और आपके पास आई का फॉर्मूला लगा दीजिए फिर हमारे पास आता है जीरो कूपन बॉन्ड जेड इसको बोलते हैं आई आई ने एक

यहां पर टी जीरो पर इशू करना है जीरो कूपन बॉन्ड और टी फाइव पांच साल बाद इसकी मैच्योरिटी है यहां पर इसकी मैच्योरिटी आएगी तो मैच्योरिटी पे जो फेस वैल्यू होती है वो मिलती है तो इसकी फेस वैल्यू मान लीजिए एक हजार रुपए मैंने रख दी कि भाई फेस वैल्यू एक हजार रुपए अब मान लीजिए मेरे को दस परसेंट इंटरेस्ट देना है तो पांच साल है तो दस परसेंट इंटरेस्ट देना है तो वन पॉइंट वन डिवाइड बाई एक दो तीन चार पांच मल्टीप्लाई बाई थाउजेंड सिक्स हंड्रेड ट्वेंटी वन मैंने इसकी प्रेजेंट वैल्यू निकाल दी दस परसेंट पांच साल का लेकर छ सौ इक्कीस रुपए में मैं इसको इशू कर दूंगा अब आपके सामने क्वेश्चन कैसे आएगा कि सिक्स ट्वेंटी वन में इशू हुआ है वन थाउजेंड में रिडीम होगा तो आप बताइए जीरो कूपन बॉन्ड की रेट ऑफ इंटरेस्ट के डी क्या रहेगा तो सिंपली कॉस्ट ऑफ जीरो कूपन बॉन्ड इक्व टू आपको सिंपली इंटरेस्ट का रेट निकालना है एंड यहां पर आप लेंगे इसकी फेस वैल्यू या रिडेम्पशन वैल्यू जो भी क्वेश्चन बोले और यहां लेंगे प्राइस माइनस तो बता देता हूं सबसे पहले वन थाउजेंड डिवाइडेड बाई सिक्स ट्वेंटी वन कर लो कैलकुलेटर पर वन थाउजेंड डिवाइडेड बाई सिक्स ट्वेंटी मेरे पास आ गया वन पॉइंट सिक्स वन जीरो अब आप अंडर रूट का बटन बारह बार प्रेस कर दीजिए एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह अब आप माइनस वन का बटन दबा दीजिए माइनस वन इक्व टू ठीक है जी माइनस वन इक्वस टू कर दिया अब इसके बाद में आप देखिए कि यहाँ पर क्या बैठा हुआ है फाइव है यहाँ पर तो अंडर रूट के अंदर फाइव बैठा हुआ है पावर फाइव है यहां पर तो अब आप फाइव से डिवाइड कर दीजिए इसको डिवाइड बाई फाइव इक्व टू अब आप इसको प्लस वन कर दीजिए प्लस वन इक्वस टू अब जो भी आया है उसको आप मल्टीप्लाई इक्व टू ट्वेल्व टाइम्स करेंगे मल्टीप्लाई इक्व टू मल्टीप्लाई इक्व टू तो एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस ग्यारह बारह ये आ गया मेरे पास वन पॉइंट वन जीरो वन पॉइंट वन जीरो यहां पर माइनस वन है इसमें से माइनस वन करिए पॉइंट वन जीरो और टेन परसेंट का आपका रेट निकल आया तो आपके पास फॉर्मूला क्या रहेगा अंडर रूट में फेस वैल्यू डिवाइड बाय इशू प्राइस पावर में एन और माइनस वन अगर पावर फाइव की जगह फोर होती तो हमें यह सब ना करना पड़ता बस दो बार अंडर रूट का बटन दबा के काम हो जाता तो हमारे पास यहां पर के डी इक्व टू आरबी माइनस आईपी रिडेम्पशन वैल्यू इशू प्राइस यहां एन और पावर सॉरी माइनस वन ठीक है अब अगर वापस जाके देखते हैं हम तो हमारे पास कॉस्ट ऑफ डेट के अंदर क्या क्या है इंटरेस्ट टैक्स नेट इसके बाद में लमसम में अगर हम बात करते हैं तो आपके पास अप्रोक्सीमेशन मेथड और दूसरा वाई टी एम मेथड ये दो मैथड रहेंगे और इंस्टॉलमेंट में बात करते हैं तो सिर्फ वाई टी एम मैथड रहेगा जीरो कूपन की बात करते हैं तो सिंपल आपको रूट डिवाइड पावर रहेगा यानी जो इंटरेस्ट रेट निकालने का फॉर्मूला होता है कंपाउंड का वो निकालना है, या आप कह सकते inflow, वाला जो का है वो यहाँ पर अप्लाई हो जाएगा ध्यान रखने वाली बातें क्या है कन्वर्टेबल डिवेंचर के अंदर जो रिडेम्पशन वैल्यू है वो उसकी कन्वर्टेबल वैल्यू रहेगी जैसे आपको कह दिया क्वेश्चन ने कि हमने एक कन्वर्टेबल डिवेंचर इशू हैं जो इक्विटी शेयर में कन्वर्ट हो जाएंगे पांच साल बाद तो पांच साल बाद इक्विटी शेयर की जो वैल्यू होगी वही हमारा रिडेम्पन वैल्यू मानकर हम क्वेश्चन करेंगे कि इनको पांच साल बाद इक्विटी शेयर्स मिल जाएंगे तो इक्विटी शेयर्स की जो वैल्यू है वो यहां पर रिडेम्पन वैल्यू हो जाएगी तो कन्वर्जन में आपको जो भी मिलने वाला है उसी को हम रिडेम्पन वैल्यू मानेंगे जिस दिन कन्वर्ट होगा हम मान लेंगे कि डिवेंचर रिडीम हो गया इसके अलावा इशू प्राइस के बारे में कुछ ना बताएं तो मार्केट वैल्यू लीजिए और अगर मार्केट वैल्यू अवेलेबल नहीं है तो मान लीजिए पार पर इशू किया है रिडेम्शन वैल्यू ना दी हो तो पार वैल्यू पर रिडीन करेंगे फ्लोटेशन कॉस्ट के बारे में या तो क्वेश्चन बताएगा अगर नहीं बताएगा तो फ्लोटेशन कॉस्ट इशू प्राइस या फिर फेस वैल्यू जो भी ज्यादा होगा उस पर लगाया जाएगा जैसे मान लीजिए फेस वैल्यू है सौ रुपए और इशू प्राइस है 105 तो हम 105 पर लगा देंगे और मान लीजिए इशू प्राइस है 95. तो हम फेस वैल्यू पे लगा देंगे वैसे अगर क्वेश्चन साइलेंट होता है फ्लोटेशन कॉस्ट के लिए तो आप अपनी एजेंशन लेकर कर सकते हैं पर मोस्ट ऑफ द सजेस्टेड आंसर में देखा गया है कि विच एवरेज हायर को एग्जामिनर ने इस्तेमाल किया है तो विच एवरेज हायर पर आप लगाएंगे एजेंशन लिखाएंगे कि हमने फ्लोटेशन कॉस्ट इशू प्राइस पे लिए या फिर फेस वैल्यू पे लिए जो डिवेंचर का प्राइस होना चाहिए अभी डिवेंचर भी आएगा फिर प्रिफ्रेंस शेयर आएगा फिर इक्विटी आएगा जो डिवेंचर का प्राइस होना चाहिए वो एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट होना चाहिए होता क्या है जैसे मान लीजिए डिवेंचर आपने इशू किया है फर्स्ट जनवरी को ठीक है जी और थर्टी फर्स्ट दिसंबर को इसका इंटरेस्ट पे होता है तो मान लीजिए डिवेंचर की जो मार्केट प्राइस है वो एक सौ दो रुपये है और पूरे साल का जो इंटरेस्ट है वो बारह रुपये बन रहा है तो होता क्या है अगर आप इकतीस तारीख से पहले इसको बेचोगे मान लीजिए मैं तीस तारीख को इसे बेचूँ तो इसका मार्केट में प्राइस वन हंड्रेड फोर्टीन होगा रीजन इसके जो भी इसको खरीदेगा इकतीस तारीख को जिसके भी पास होगा उसे बारह रुपए का इंटरेस्ट भी मिलेगा तो अगर डिवेंचर इंक्लूडिंग इंटरेस्ट है तो उसमें से पहले इंटरेस्ट को स्प्लिट करके हटा दीजिए हमें जो नेट प्रोसीड या मार्केट वैल्यू चाहिए वो एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट चाहिए ऐसे ही अगर इक्विटी शेयर की मार्केट प्राइस की बात की जाएगी तो इक्विटी शेयर का मार्केट प्राइस एक्सक्लूडिंग इक्विटी डिविडेंड होना चाहिए

डिनोमिनेटर में ई वन हंड्रेड अगर हम प्रेजेंट वैल्यू वैल्यूटी मेथड लगाते हैं तो सिंपली दो रेट निकालो और आई आर आर से कैलकुलेट कर दो एल एन पी वी एल एन पी वी एल माइनस एन पी वी एच और यहाँ पर डिफरेंस इन रेट एच माइनस एल अगर हम रिडीमेबल प्रिफरेंस शेयर इंस्टॉलमेंट में बात करते हैं तो सिर्फ एक ही मेथड है आई आर आर मेथड तो हमारे पास रिडीमेबल शेयर्स के केस में पी डी डिवाइड बाई एन पी मल्टीप्लाई बाई हंड्रेड लमसम में अप्रोक्सीमेशन और वाई टी एम मैथड और इंस्टॉलमेंट में सिर्फ वाई टी एम मैथड रहेगा फॉर्मुले हर चीज़ सेम है सिर्फ इंटरेस्ट की जगह पी डी हो जाएगा और वन माइनस टैक्स एलिमिनेट हो जाएगा इसके बाद में हमारे पास आते हैं कॉस्ट ऑफ इक्विटी शेयर कॉस्ट ऑफ इक्विटी शेयर के अंदर डिविडेंड प्राइस अर्निंग प्राइस ग्रोथ अप्रोच रियलाइड यील्ड और सी ए पी एम मॉडल ये पांच हमारे पास मॉडल रहते हैं इनमें से सबसे ज़्यादा एक तो एक ग्रोथ वाला और एक ये सी ए पी एम वाला एग्जाम में आपको देखने के लिए मिलता है बाकी अगर देखने के लिए मिल जाते हैं तो ठीक है फ्री के नंबर आपके हो जाएंगे सबसे पहला है डिविडेंड प्राइस या डिविडेंड ईल्ड अप्रोच ये कहता है के ई इक्व टू डी डिवाइडेड बाई पी जीरो मल्टीप्लाई बाई वन हंड्रेड यहां डी का मतलब है डिविडेंड ठीक है इसके अंदर कोई ग्रोथ नहीं होती यहां पर ये यह मानते हैं कि हमारा जो डिविडेंड है वो कांस्टेंट डिविडेंड है इसमें कोई ग्रोथ नहीं है तो जो भी आप डिविडेंड देने वाले हैं और जो आपने पीछे डिविडेंड दिया है वो सेम होगा अगर आपने दस रुपए का डिविडेंड लास्ट ईयर दिया तो आगे भी आप दस रुपए देंगे जिंदगी भर आप दस रुपए ही डिविडेंड देते रहेंगे कॉन्स्टेंट डिविडेंड तो डिविडेंड डिवाइड बाई पी जीरो मल्टीप्लाई बाई वन हंड्रेड अर्निंग प्राइस या अर्निंग यील्ड मेथड कहता है कि आप डिविडेंड की जगह ईपीएस को रखो तो डिविडेंड यहां पर है डीपीएस डी का मतलब डीपीएस यहां पर ईपीएस रखो आप अर्निंग पर शेयर डिवाइड बाई पी जीरो मल्टीप्लाई वन हंड्रेड और आपके पास के ई आ जाएगा तो ये दोनों फॉर्मूले बहुत कम देखने के लिए मिलते हैं बड़ा सिंपल है डिविडेंड डिवाइड बाई पी जीरो मल्टीप्लाई बाई वन हंड्रेड दूसरा ईपीएस डिवाइड बाई पी जीरो मल्टीप्लाई बाई वन हंड्रेड इसके बाद में हमारे पास आता है ग्रोथ मैथड या फिर गोल्डन मॉडल सेम यही मॉडल आपको डिविडेंड डिसीजन में भी देखने के लिए मिलेगा ये मॉडल कहता है के ई इक्व टू डी वन डिवाइड बाई पी जीरो प्लस जी रखो और यहां यहाँ D1 का मतलब है कि क्वेश्चन के अंदर आपके पास ग्रोथ होगी तो अगर आपने पहले डिविडेंड दस रुपए दिया है लास्ट ईयर और ग्रोथ है पांच परसेंट तो अब पांच परसेंट ग्रोथ बढ़कर टेन पॉइंट फाइव जीरो का डिविडेंड आप आगे दोगे तो दस रुपए अगर D0 जीरो था तो दस रुपए पचास पैसे डी बनेगा तो यहां पर आपको डी वन डिवाइड बाई पी जीरो प्लस जी लेना है डी निकलेगा कैसे जो भी आपका डी है मान लीजिए दस उसमें वन प्लस ग्रोथ से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो वन प्लस डी हाँ तो वन, तो वन, वन का मतलब एक्सपेक्टेड या फिर कमिंग डिविडेंड तो के डी वन डिवाइड बाई पी जीरो प्लस जी हम रखेंगे क्वेश्चन में डी वन की जगह पर आप डी जीरो वन प्लस जी भी रख सकते हो क्योंकि d1 का मतलब d01 जीरो वन प्लस जी ही है तो आप ऊपर d1 या फिर d01 जीरो वन प्लस जी में से कुछ भी रख सकते हो कई बार बच्चा कंफ्यूज भी होता है कि सर कब हमें d1 रखना है कब डी जीरो का एक ही मतलब है आप ऊपर d1 रखिए या d01 जीरो वन प्लस जी रखिए दोनों का एक ही मतलब है तो ग्रोथ मॉडल के अंदर हमारे पास ये रहेगा इसके बाद में अगर d1 पूछा जाए तो d01 जीरो वन प्लस जी पी जीरो का मतलब मार्केट प्राइस ऑफ शेयर जी का मतलब ग्रोथ रेट ओके अब हमारे पास अगर क्वेश्चन में फ्रेश इशू कहा जाता है इक्विटी शेयर का कि हम नया इशू कर रहे हैं फ्रेश इशू कर रहे हैं तो ऐसी सिचुएशन में पी जीरो नहीं लिया जाता बल्कि नेट प्रोसीड ली जाती है पी जीरो का मतलब है मार्केट प्राइस ऑफ शेयर तो अगर नए शेयर की बात होगी तो आप फ्रेश इशू के केस में पी जीरो यानी मार्केट प्राइस ऑफ शेयर की जगह पर नेट प्रोसीड लेंगे तो अगर एग्जिस्टिंग या ओल्ड शेयर है तो पी जीरो और न्यू शेयर है तो नेट प्रोसीड कई बार नए शेयर में नेट प्रोसीड के लिए लिया जाता है मार्केट प्राइस ऑफ शेयर माइनस फ्लोटेशन कॉस्ट पी जीरो माइनस एफ प्लस जी ये आपका कई निकल जाएगा नए शेयर्स का अब आजकल क्या देखा जा रहा है स्टडी मैट के अंदर आर टीपी में एम टीपी में तीन चार अटेम्प्ट अगर क्वेश्चन ने आपको फ्लोटेशन कॉस्ट दी हुई है तो आप नया शेयर मान के ही क्वेश्चन करें यानी अगर आपको फ्लोटेशन कॉस्ट गिवन है किसी भी क्वेश्चन में तो आपके ई का फॉर्मूला डी वन डिवाइडेड बाई पी जीरो माइनस एफ ही लेंगे ये आजकल आर टी पी एम टी पी और स्टडी मॉड्यूल तीनों चीजों में चेंज हुआ है तो अगर एग्जाम के अंदर आपको इक्विटी शेयर के साथ में डिविडेंड मॉडल में फ्लोटेशन कॉस्ट दी जाए तो आप पी जीरो माइनस एफ ही लेना चाहे उसमें नए शेयर के बारे में ना भी लिखा हो अब हमारे पास इसके बाद में अगर फ्लोटेशन कॉस्ट दिस हाँ फ्लोटेशन कॉस्ट के बारे में ना बताए तो ईशू प्राइस और फेस वैल्यू विचारे हायर पे लेंगे इक्विटी शेयर का प्राइस एक्स डिविडेंड होना चाहिए उसमें डिविडेंड नहीं होना चाहिए एक्सक्लूडिंग डिविडेंड फिर हमारे पास आता है ग्रोथ कैसे निकालेंगे तो क्वेश्चन क्या करेगा क्वेश्चन आपको कह देगा कि भाई आज से पाँच साल पहले दस रुपये सत्तर पैसे का डिविडेंड दिया था और पाँच साल बाद अभी हमने थर्टीन रुपीज़ का डिविडेंड दिया है तो यहां पर ये आपने कब दिया था टी जीरो पर ये कब दिया है? टी एन पे पांच साल का डिफरेंस है ना टी फाइव ऐसे क्वेश्चन बता देगा तो सिंपली जो हमारे पास इंटरेस्ट निकालने का फॉर्मूला होता है वही ग्रोथ का फॉर्मूला बन जाएगा कि भाई आपके पास थर्टीन रुपीज हो गए टेन पॉइंट सेवन से पढ़ के कितने साल में पांच साल में माइनस वन तो जो सिंपल आपके पास फॉर्मूला आई आर का चला रहा है वन पॉइंट इनफ्लो वन पॉइंट आउटफ्लो या जिसे आप कहते हैं कि आप कंपाउंड इंटरेस्ट में आई कैसे निकालते हैं वही ग्रोथ का फॉर्मूला है मैं आपको बड़ी सिंपल सी बात बताता हूं अगर कोई चीज एक पीरियड पर खर्च हुई या रिसीव हुई और उसके बाद एक लंबे पीरियड के बाद किसी एक सिंगल पॉइंट पर उसका रिवर्स हुआ जैसे मान लीजिए शुरू में आपने पैसा खर्च किया पांच साल बाद पैसा मिला है या फिर किसी के अंदर ट्रेंड चलता हुआ आ रहा है और उसके दो पीरियड की आपको डेट दे दी गई तो हमेशा यही आई का या फिर कंपाउंड इंटरेस्ट वाला आई का फॉर्मूला इस्तेमाल होगा कि पांच साल बाद इतने रुपए हो गए हैं पांच साल पहले इतने रुपए थे तो पांच साल बाद हो गए हैं जी थर्टीन पांच साल पहले कितने थे टेन पॉइंट सेवन यहाँ पर फाइव रखेंगे और माइनस वन कर देंगे ग्रोथ के लिए एक ग्रोथ का दूसरा फॉर्मूला होता है गोर्डन साहब ने इसको बताया हुआ है ये हमारे को डिडेंट मॉडल डिविडेंट डिसीजन में भी देखने के लिए मिलेगा बी इन आर यहाँ पर आर का मतलब रहता है रेट ऑफ रिटर्न जो भी कंपनी कमा रही है इसको आप यहाँ पर आर ओ ई भी बोल सकते हैं कि हमारी कंपनी रिटर्न ऑन इक्विटी कितनी कमा रही है और बी का मतलब होता है रिटेंशन रेशो आप कितने अपने ई के हिस्से को बिजनेस में रिटेन करते हो मान लीजिए हमारा आर ओ ई है ट्वेंटी परसेंट और हम बिजनेस में अपना सिक्सटी परसेंट पैसा रिटेन करते हैं तो सिक्सटी परसेंट मल्टीप्लाई ट्वेंटी परसेंट हमारे पास ट्वेल्व परसेंट की ग्रोथ रेट आ जाएगा तो जी निकालने के लिए बी इन आर को मल्टीप्लाई कर देंगे हमेशा ध्यान रखिएगा जब दो परसेंटेज एक साथ मल्टीप्लाई होती हैं तो सिक्सटी मल्टीप्लाई बाई ट्वेंटी फिर परसेंटेज का बटन दबाएंगे परसेंटेज का बटन फिर एक इस बार दबता है अगर आप इसमें कंफ्यूज हो तो इससे आसान तरीका आपके लिए रहेगा कि आप इसको परसेंटेज में ना लिख के डेसीमल्स में लिखें जैसे ये पॉइंट सिक्स और ये पॉइंट टू तो यहाँ पर पॉइंट वन टू आ जाएगा पॉइंट वन टू का मतलब ट्वेल्व परसेंट हो गया ओके इसके बाद आता है रियलाइजीड अप्रोच रियलाइडीड अप्रोच में आपको पूरी कहानी बताएगा वो कहेगा कि हमने शेयर इतने का खरीदा था हमें इतना डिविडेंड मिला लास्ट में हमने इतने का बेच दिया तो सिंपली उसका आई आर आर निकाल लीजिए आपके पास आंसर आ जाएगा आई आर आर ही वहां पर केई बन जाएगा फिर हमारे पास आता है सी ए पी एम मॉडल सी ए पी एम मॉडल कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल के नाम से फेमस है ये ये मॉडल कहता है कि केई इक्व टू एक होती है रिस्क फ्री रिटर्न जैसे मान लीजिए रिस्क फ्री रिटर्न है दस परसेंट तो आप जनरली गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में बोले जाते हैं तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर बॉन्ड्स में अगर आप पैसे लगाते हो तो टेन परसेंट रिटर्न मिलेगी तो रिस्क फ्री रिटर्न हो गई आपकी ठीक है प्लस आपने लगाए हैं इक्विटी शेयर में तो आपके पास में रिटर्न ज्यादा आनी चाहिए इसे बोलते हैं आर एम माइनस आर एफ ये आर एम का मतलब है मार्केट की एवरेज रिटर्न कितनी है

ऑन एन एवरेज यहां पर एवरेज मार्केट रिटर्न आपके रिस्क को बताएगा तो बीटा यहां पर आपको निकालना नहीं है बीटाई बीटा मिलेगा।, बीटा बीटा मिलेगा कि बीटा फैक्टर हमारा इतना है तो बीटा फैक्टर दिखाता है आपकी कंपनी कितना रिस्क ले रही है तो बीटा फैक्टर वन वन से ऊपर या वन से कम हो सकता है तो जैसे मान लो पॉइंट है बीटा फैक्टर तो आपके पास दस परसेंट प्लस चार परसेंट पांच परसेंट का प्रीमियम है आपने अस्सी परसेंट रिस्क लिया है तो आपको चार परसेंट प्रीमियम मिलेगा तो आपका कई फोर्टीन परसेंट हो जाएगा अच्छा इसी की जगह अगर आपने वन पॉइंट फाइव रिस्क लिया है तो आपके पास फिफ्टीन और टेन का डिफरेंस फाइव परसेंट फाइव परसेंट मल्टीप्लाई हो जाएगा सेवन पॉइंट फाइव तो फिर आपके पास सेवनटीन पॉइंट फाइव परसेंट रिटर्न आ जाएगी डेटा सब कुछ क्वेश्चन के अंदर आपको लिखा हुआ मिलेगा ओके इसके बाद हमारे पास आएगी कॉस्ट ऑफ रिटेन लर्निंग कॉस्ट ऑफ रिटर्न लर्निंग बहुत ही सिंपल है अगर क्वेश्चन साइलेंट रहे तो के आर इक्व टू के कोई डिफरेंस ही नहीं है दोनों में जितना के आर होता है उतना के होता है कई क्वेश्चन में आपको क्या करेगा पर्सनल टैक्स दे देगा तो आप क्या करेंगे के आर इक्व टू के ई वन माइनस पर्सनल टैक्स कई क्वेश्चन में आपको पर्सनल टैक्स के साथ फ्लोटेशन कॉस्ट दे देगा इस फ्लोटेशन कॉस्ट का मतलब आपके लिए यह नहीं है कि हमारे को अगर हम शेयर इशू करेंगे डिवेंचर इशू करेंगे तो कितना खर्च होगा यहां पर फ्लोटेशन कॉस्ट का मतलब आपके लिए होगा कि इन्वेस्टर अगर बाजार में इन्वेस्ट करता है जैसे मान लीजिए कंपनी एक लाख रुपए का डिविडेंड देती है इन्वेस्टर को ठीक है वो बाजार में इन्वेस्ट करता है टेन रिटर्न आती है दस हजार रुपया आ गए इसमें फ्लोटेशन कॉस्ट या ब्रोकरेज या कमीशन कुछ चला जाता है ट्वेंटी परसेंट तो दो हजार का कमीशन ब्रोकरेज चला गया तो उसके पास कितना बचा आठ हजार तो इसका मतलब आठ हजार रुपए मिल रहे हैं उसको एक लाख रुपए पर तो एट परसेंट की रिटर्न उसे मिल रही है ये के आर बन जाएगा कैसे बनता है ये कि भाई आपका रिटर्न मार्केट में कितनी आ रही थी दस परसेंट फ्लोटेशन कॉस्ट उस दस परसेंट की कट गई तो इसका फॉर्मूला क्या रहेगा दस परसेंट यहां पर वो बोलेगा के ई के लिए और फ्लोटेशन कॉस्ट हो गई पॉइंट टू तो आपके पास एट परसेंट के आर की रिटर्न आ जाएगी वो क्वेश्चन आपको जब दिखेगा समझ में आ जाएगा कि कैसे कह रहा है तो हमारे पास जनरली जो आपको मिलेगा वो मिलेगा के आर इक्वस टू के ई और आपके पास में दूसरा अगर पर्सनल टैक्स हो तो के आर इक्वस टू केई वन माइनस पर्सनल टैक्स और अगर आपके पास फ्लोटेशन कॉस्ट भी दी जाए तो के ई वन माइनस पर्सनल टैक्स और वन माइनस एफ कर देंगे अगर फ्लोटेशन कॉस्ट दी जाए तो ठीक है इसके अंदर ध्यान रखने वाली बात यह है कि आप जब भी के आर सोल्व करेंगे तो के आर में केई का ही फॉर्मूला आप लिखेंगे तो जस्ट फॉर्मूला था डी वन प्लस जी डिवाइड बाई पी जीरो है? मैंने आपको बताया था कि अगर किसी भी क्वेश्चन में ग्रोथ मॉडल का फॉर्मूला हो और फ्लोटेशन केस में पीओ आप। के के पी माइनस एफ नहीं होगा पी जीरो का मतलब पी जीरो ही रहेगा। तो आपको पी जीरो पी जीरो ही लेना है उसमें माइनस एफ नहीं करना अब मान लीजिए एक क्वेश्चन है जिसमें कहा गया कि हमारा जो एक्सपेक्टेड डिविडेंड है वो दस रुपए है मार्केट प्राइस ऑफ शेयर पी जीरो हमारा पचास रुपये है ग्रोथ रेट हमारा बारह परसेंट है और आपके पास इन्होंने कह दिया कि हमारा जो फ्लोटेशन कॉस्ट है वो फ्लोटेशन कॉस्ट हमारी तीन रुपये है तो अगर हमसे कहा जाए के ई निकालो तो हम करेंगे डी वन आपके पास आ गया डी वन दस रुपये ग्रोथ रेट आपके पास ट्वेल्व परसेंट और डिनोमिनेटर में हम क्या रखेंगे फिफ्टी माइनस थ्री तो अगर फ्लोटेशन कॉस्ट दी है तो आर टीपी एम टी पी सजेस्टेड आंसर आजकल क्या कर रहे हैं हम ये मानेंगे नया शेयर इशू हो रहा है ओके okay. और इसी का अगर क्वेश्चन कहता है के आर निकालो तो टेन डिवाइड बाई फिफ्टी प्लस ट्वेल्व परसेंट ऐसे रहेगा इस तरह से चलेगा अब बच्चे दिमाग में कंफ्यूजन आ सकता है कि सर आपने भी कहा था कि फ्लोटेशन कॉस्ट यहाँ पर दी होगी तो यहाँ पर वन माइनस एफ करना है वो क्वेश्चन किस तरीके से आता है वो बताता हूँ क्वेश्चन आपको कहेगा कि मार्केट की एक्सपेक्टेड रिटर्न टेन परसेंट है एक्सपेक्टेड रिटर्न फिर कहेगा जो पर्सनल टैक्स है वो पर्सनल टैक्स आजकल चल रहा है थर्टी परसेंट और मार्केट की इनकम पर जो फ्लोटेशन कॉस्ट या एक्सपेंस ब्रोकरेज वगैरह खर्च हो जाती है वो खर्च हो जाती है ट्वेंटी परसेंट अब आपसे कहेगा के आर निकालो तो आप क्या करेंगे मार्केट की एक्सपेक्टेशन एक्सपेक्टेड रिटर्न उठा लेंगे इस पर पर्सनल टैक्स लगाएंगे और जो फ्लोटेशन कॉस्ट है उसे भी यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपके पास टेन मल्टीप्लाई पॉइंट सेवन मल्टीप्लाई पॉइंट एट है 5.6 परसेंट के आर निकल कर आ जाएगा तो ये फ्लोटेशन कॉस्ट पर्सनल टैक्स के साथ जब मार्केट में रिटर्न दी हो तब काम करेगी और ये वाली फ्लोटेशन कॉस्ट अमाउंट में दी जाएगी जब डिविडेंड मॉडल होगा कि दस रुपए का डिविडेंड है पचास रुपए का एमपीएस है ये पूरी कहानी अलग है तो ये डिविडेंड मॉडल की ग्रोथ है सॉरी ये डिविडेंड मॉडल के अंदर आपके पास फ्लोटेशन कॉस्ट है और के आर के लिए जो कहानी बताएगा वो फ्लोटेशन कॉस्ट ऐसे देगा मार्केट की रिटर्न इतनी है पर्सनल टैक्स इतना है फ्लोटेशन कॉस्ट इतनी है तो ऐसा क्वेश्चन आरटीपी में दो तीन बार आ भी चुका है बाकी नॉर्मली के आर इक्व टू के ही एग्जामिनर आपको बोलकर आगे बढ़ जाता है ओके इसके बाद में हमारे पास आता है वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल कुछ नहीं करना जब आपके पास के ई के डी के पी के आर सब निकल गए उनका वेटेड एवरेज कॉस्ट निकालिए और काम खत्म हो जाएगा वेटेड एवरेज निकालते हुए दो तरीके के वेट लिए जा सकते हैं एक आपके पास लिया जा सकता है मार्केट वैल्यू वेट और एक आपके पास लिया जा सकता है बुक वैल्यू वेट तो बुक वैल्यू वेट के अंदर क्या होता है जो इनकी फेस वैल्यू दी होती है बैलेंस शीट में उसके बेसिस पे वेट बनाते हैं और मार्केट वैल्यू के अंदर क्या करते हैं इनकी बुक वैल्यू को इग्नोर कर देते हैं और मार्केट वैल्यू के बेस पे वेट बनाते हैं जब मार्केट वैल्यू के बेसिस पर आप वेट क्रिएट करते हैं तो यहाँ पर आपके पास जो इक्विटी है उसकी तो मार्केट वैल्यू होती है लेकिन जो क्वेश्चन तो आपसे क्या कहेगा इक्विटी की, की नहीं है पांच लाख है ठीक है।, है ये बुक वैल्यू है अब मार्केट वैल्यू में इसने कहा कि इक्विटी शेयर की मार्केट वैल्यू ट्वेंटी लाख है और अर्निंग की जीरो है तो आप अगर मार्केट वैल्यू वेट पर कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकाल रहे हैं तो आप जो मार्केट वैल्यू इक्विटी की है उसको इक्विटी और अर्निंग में इनके बुक वैल्यू के रेशो में बांट देंगे यानी मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी आप इस तरह से निकालेंगे मार्केट वैल्यू ऑफ रिटेन अर्निंग आप निकालेंगे ट्वेंटी लाख की मार्केट वैल्यू है टेन बाई फिफ्टीन और यहां पर लेंगे फाइव बाई फिफ्टीन इनकी बुक वैल्यू के रेशो में पहले आप इनकी मार्केट वैल्यू को निकाल लेंगे थर्टीन पॉइंट थ्री थ्री लैख और यह आ जाएगा सिक्स पॉइंट सेवन लैख फिर इस वेट के आप इनका जो के और के आर होगा वो अप्लाई कर देंगे फिर डब्ल्यू एस हमारे पास निकल जाएगा ठीक है इसके अलावा एक होती है मार्जिनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल मार्जिनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल का मतलब होता है कि कोई भी पुराना लोन कोई भी पुराना इक्विटी कोई भी पुराना डिवेंचर इग्नोर मारो और जो नया पैसा मंगवा रहे हो सिर्फ उसकी कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकालो मान लो हमारे पास इक्विटी शेयर कैपिटल दस लाख है टेन परसेंट डेट है पांच लाख के इसका जो केई है वो अट्ठारह परसेंट है और इसका जो के डी है वो बारह परसेंट है ठीक है अब वो क्वेश्चन कहता है मार्जिनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकालो अगर हम न्यू डेट इशू कर रहे हैं सेवन परसेंट वाला पांच लाख का और हम स शेयर इशू कर रहे हैं बारह परसेंट के रेट से और पांच लाख रुपए के और कहता है मार्जिनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकालो तो मार्जिनल वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल की बात होगी तो ये पुराने वालों को इग्नोर करिए जो नए डेट इशू हो रहा है नया प्रीफरेंस शेयर सिर्फ उसकी निकालिए सेवन परसेंट और ट्वेल्व परसेंट है सेवन परसेंट फाइव लैख पर टोटल टेन लैख है और ट्वेल्व परसेंट भी फाइव लैख पर टोटल टेन लैख है तो बारह सात उन्नीस ये हो गए नाइन पॉइंट फाइव परसेंट मार्जिनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल और अगर कहे कि इसकी कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकालो तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल में इन सबको ले लेंगे तो आ जाएगा दस लाख रुपए एटीन परसेंट से पाँच लाख रुपए ट्वेल्व परसेंट से सेवन परसेंट से पाँच लाख और ट्वेल्व परसेंट से पाँच लाख फिर इन चारों को कंसिडर करके निकालेंगे तो वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल ओवरऑल फंड्स को लेकर चलती है मार्जिनल वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल सिर्फ न्यू फंड्स की कॉस्ट ऑफ कैपिटल होती है ये हमारे पास सारे जो भी मेथड थे के ई के डी के आर केपी वो सब और आपके डब्ल्यू एसी वगैरह सब कुछ आ गया अब इसके बाद में हम लोग यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं इसके क्वेश्चन क्वेश्चन मैंने जितने भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन है वो यहाँ पर रख लिए हैं आप लोग बिल्कुल ध्यान से देखिएगा हां जी बीबी क्यू सिक्सटी फाइव ये जीरो कूपन बॉन्ड का क्वेश्चन है आप लोग कैलकुलेटर लेकर बैठ जाइए बिल्कुल आराम से निकालेंगे आई डी बी आई इशू जीरो इंटरेस्ट डीप डिस्काउंट बॉन्ड ऑफ़ फेस वैल्यू वन लैक ईच इशू डेट ट्वेंटी फाइव हंड्रेड रिपेवल आफ्टर ट्वेंटी फाइव ईयर्स एक लाख रुपये आपको वापिस मिलेंगे पच्चीस सौ रुपये आप लगाओ तो वन लैक डिवाइड बाई ट्वेंटी फाइव हंड्रेड यहाँ पर अंडर रूट में कितने साल बाद मिलेंगे पच्चीस साल बाद माइनस वन इसको अब हम सोल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा फिफ्टीन पॉइंट नाइन वन परसेंट सिंपल फॉर्मूला है इसमें तो कोई दिमाग नहीं लगाना ओके कंपनी इन ओके सौ रुपए का इशू किया है पंद्रह परसेंट इंटरेस्ट का रेट है विद्योरिटी ऑफ फाइव इन पांच साल बाद यह मैच्योर होगा एट मेच्योरिटी द डिवेंचर होल्डर विल हैव द ऑप्शन टू कन्वर्ट द डिवेंचर इन टू इक्विटी शेयर तो डिवेंचर होल्डर चाहे तो

एंड हिस्टोरिकली द ग्रोथ रेट ऑफ द शेयर्स आर फाइव परसेंट पर एन ग्रोथ रेट है फाइव परसेंट पर एन तो पांच साल बाद इस शेयर्स का प्राइस कितना होगा सबसे पहले तो हमें ये निकालना होगा तो अभी कितने का है बारह रुपए का पांच साल के बाद कितना होगा पांच परसेंट से सीधे ले लो बारह रुपए प्लस पांच परसेंट 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 वन पॉइंट सॉरी फिफ्टीन पॉइंट थ्री टू ये इसका प्राइस होगा ओके जी अब हमारे पास 15.32 का प्राइस होगा एक डिवेंचर पर 10 शेयर मिलने थे अगर हम 10 शेयर देंगे तो 153.20 के आसपास आपके पास कन्वर्जन वैल्यू आ जाएगी अब मुझे सबसे पहले तो ये बताइए कि डिवेंचर होल्डर को करना क्या चाहिए उसे पांच साल के बाद सौ रुपए लेकर चले जाना चाहिए या उसको कन्वर्ट करवा लेना चाहिए तो कन्वर्ट करवाने में फायदा है चीज भी ध्यान रखिएगा कि आपको ये चेक करना होगा मान लीजिए यहीं पर वैल्यू निकल कर आ है मिलेंगे तो फिर होल्डर अपने को रिडीम करवाएगा वो लेगा और चला जाएगा वो कन्वर्ट करवाने के चक्कर में नहीं पड़ेगा यहाँ पर देखिए क्या लाइन लिखी होती है एट द मेच्योरिटी डिवेंचर होल्डर विल हैव द ऑप्शन ये ऑप्शन है उनके पास यानी वो चाहे तो कन्वर्ट करवा सकते हैं चाहे तो अपने पैसे लेके जा सकते हैं तो या तो सौ रुपए ले जाओ वन 153 के शेयर्स ले तो भाई 153 के शेयर्स लेना कोई भी प्रीफर करेगा अब इसकी कन्वर्जन वैल्यू कितनी हो गई 153 फिफ्टी थ्री आगे वन फिफ्टी अब आगे कह रहे हैं कंप्यूट द कॉस्ट ऑफ डिवेंचर एज्यूमिंग 35 परसेंट टैक्स रेट तो डिवेंचर की कन्वर्जन की कॉस्ट निकालिए सॉरी के डी निकालिए थर्टी टैक्स रेट है अब मुझे बताइए सिंपल तरीका कौन सा होता है अप्रोक्सीमेशन मैथड तो एग्जाम में अप्रोक्सीमेशन मैथड आप लगा कर आएंगे यहां पर मैंने दोनों तरीके से निकाल दिया है ऑल्टरनेटिव वन जिससे आपका हाथ हाँ सेट हो जाए सबसे पहले के डी आ गया आई वन माइनस टैक्स आर वी माइनस एन पी डिवाइड बाई एन आर वी प्लस एन डिवाइड बाई टू मल्टीप्लाई वन हंड्रेड पंद्रह रुपये का इंटरेस्ट थर्टी फाइव परसेंट टैक्स वन फिफ्टी थ्री मिलेंगे सौ रुपये में इशू किया पाँच साल के बाद नीचे एवरेज वैल्यू ले ली और हमारे पास सिक्सटीन पॉइंट जीरो नाइन परसेंट रेट आ गया आपके पास अप्रोक्सीमेशन से यहाँ पर मैंने प्रेजेंट वैल्यू मेथड इसको वाई टी एम मैथड या आई आर आर मैथड भी बोला जाता है इससे निकालेंगे तो मैं आपको बताता हूं सिक्सटीन पॉइंट जीरो नाइन आ रहा है तो आप ये मानकर चलिए इसके आसपास ही निकलेगा वाई से तो एक रेट आप एक दो परसेंट नीचे ले लो एक दो परसेंट रेट ऊपर ले लो तो एक रेट ले लिया पंद्रह एक रेट ले लिया बीस वैसे जो आप रेट ले सकते थे वो ले सकते थे एक फोर्टीन ले लो एक एटीन ले लो दो परसेंट ऊपर दो परसेंट नीचे तो ज्यादा करीबी मामला होता है ज्यादा एक्यूरेट आंसर आता है पर एग्जाम में फ्री है आपके लिए आप जो भी दो रेट लोगे ले चलेगा लेकिन रेट बहुत ज्यादा गैप के मत ले लेना कि दस बीस परसेंट का गैप ले लिया कोशिश करिएगा कि चार पाँच परसेंट का गैप हो टोटल ओके अब जीरो ईयर पर क्या हुआ सौ चले गए ठीक है जी तो सौ चले गए सौ चले गए एक साल से लेकर पाँच साल तक पंद्रह का इंटरेस्ट टैक्स काट कर आपको मिलेगा तो पंद्रह पैंतीस इंटरेस्ट मिलेगा ये इंटरेस्ट आ गया जी इसकी प्रेजेंट वैल्यू आ गई इसके बाद में ईयर पर आपको रुपीज मिल जाएंगे ठीक है जी इसकी वैल्यू आ गई पॉजिटिव एनपी भी आ गया नेगेटिव एनपी भी आ गया लोअर रेट कितना फिफ्टीन परसेंट पॉजिटिव एनपी भी रखिए एनपी भी लोअर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ऊपर फाइव परसेंट का डिफरेंस है आपका आंसर आ गया इस तरह से निकालना है एग्जाम में अगर क्वेश्चन साइलेंट रहे तो आप कैसे निकालेंगे साइलेंट रहेगा तो आप एप्रोक्सीमेशन मेथड से निकालिएगा वायटीएम की कोई नीड नहीं है क्वेश्चन कहे वायटीएम ही लगाओ तभी वायटीएम लगाइएगा बीबीक्यू 67 आरबीएमएल इज प्रपोजिंग टू सेल ऑफ फाइव ईयर बॉन्ड ऑफ 5000 एट 8% रेट ऑफ इंटरेस्ट पर है तो 5 साल का बॉन्ड है 5000 इसकी फेस वैल्यू है

तो अगर सामने वाला 6 की रिटर्न चाहता है तो उसके लिए की तो तो इंटरेस्ट कितना मिलेगा तो अगर मैं बात करूं फर्स्ट ईयर की तो पांच हजार रुपए पूरा बॉन्ड है आठ परसेंट इंटरेस्ट चार सौ रुपए प्लस एक हजार रुपए रिडेमशन वैल्यू फोर्टीन हंड्रेड रुपये मिल जाएंगे सेकेंड ईयर में अब आपकी वैल्यू कितनी रह जाएगी बॉन्ड की चार तो हजार का बॉन्ड रह गया आठ परसेंट से टू फोर्टी का इंटरेस्ट हो गया और वन थाउजेंड आपकी रिडेम्पशन वैल्यू वन टू फोर जीरो आ गया फोर्थ ईयर में आपके पास दो हजार की वैल्यू बची बॉन्ड की आठ परसेंट इंटरेस्ट से आ गया प्लस एक हजार का आपका रिडेम्शन वन वन सिक्स जीरो आ गया और फिफ्थ ईयर में आपके पास एक हजार रुपए का बॉन्ड बचा था आठ परसेंट से अस्सी रुपए इंटरेस्ट एक हजार रुपए उन्होंने और वापस दे दिए और आपके पास पूरा काम खत्म हो गया अब इसको आप डिस्काउंट रेट ले लीजिए डिस्काउंट रेट आप सिक्स से इसका डिस्काउंटिंग फैक्टर या प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर लेकर निकाल दीजिए तो हमारे पास वन डिवाइड बाई इक्व टू ये हमारे पास पॉइंट पॉइंट एट एट नाइन नाइन और जी पॉइंट एट थ्री नाइन सिक्स चलो कोई बात नहीं पॉइंट सेवन नाइन टू और पॉइंट सेवन फोर सेवन इससे डिस्काउंट कर लीजिए डिस्काउंटेड कैश फ्लो आएगा जो भी डिस्काउंटेड कैश फ्लो आएगा उसको टोटल कर लीजिए वही होगी प्रेजेंट वैल्यू ऑफ बॉन्ड इन्वेस्टर के लिए बॉन्ड की आज की डेट में क्या कीमत मतलब? है प्रेजेंट वैल्यू का मतलब होता है फ्यूचर में मिलने वाले बेनिफिट्स को अपने डिस्काउंट रेट से करंट पर लेकर आना तो हमारे पास यहाँ पर हमने निकाल लिया फोर्टीन हंड्रेड इतना इतना मिलेगा सिक्स से इसको डिस्काउंट कर दिया डिस्काउंट करने में या तो पावर लगाकर डिनोमिनेटर में रख लो या फिर प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर निकालकर मल्टीप्लाई कर दो वैल्यू निकल कर आ गई फाइव टू सिक्स टू तो इन्वेस्टर के लिए फिफ्टी टू हंड्रेड सिक्सटी टू का बॉन्ड है आज की डेट में अगर इन्वेस्टर को ये पाँच हज़ार में मिल जाता है तो उसका फायदा है फिफ्टी वन हंड्रेड में भी मिल जाता है तो भी फायदा है तो आपको अब आप समझ में आएगा कि मार्केट वैल्यू किसी चीज़ की कैसे ज़्यादा या कम होती है बेसिकली हर इन्वेस्टर प्रेजेंट वैल्यू निकाल कर देखता है अगर प्रेजेंट वैल्यू इसकी मान लीजिए फोर्टी एट हंड्रेड आ जाए तो इन्वेस्टर इस पाँच हज़ार के बॉन्ड के फोर्टी एट हंड्रेड से ज़्यादा नहीं देगा लेकिन अब इन्वेस्टर इसके कितने दे सकता है फिफ्टी टू हंड्रेड सिक्सटी टू तक वो दे देगा कि इतने तक मेरे को एक्सेप्टेबल है तो ये बॉन्ड जनरली प्रीमियम पर इश्यू होना चाहिए बीबीक्यू अप्रोच का इक्विटी शेयर का क्वेश्चन। मिस्टर मेहरा परचेज शेयर ऑफ एल्फा लिमिटेड फॉर वन थाउजेंड एक हजार का शेयर परचेज किया उन्होंने पूरी कहानी बताएगा क्या क्या हुआ तो एक हजार रुपए इनकी जेब से चले गए ही रिसीव डिविडेंड फॉर अ पीरियड ऑफ फाइव इन एट द रेट ऑफ टेन परसेंट तो एक हज़ार का टेन परसेंट यानी सौ रुपए का डिविडेंड अगले पांच साल तक मिला तो स्टार्टिंग में एक हजार गए फिर सौ रुपये अगले पांच साल तक मिलते रहे एट द एंड ऑफ फिफ्थ ईयर ही सोल्ड द शेयर एट वन 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 टू लास्ट में वन 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 टू उनको और रिसीव हो गए यू आर रिक्वायर्ड टू कंप्यूट कॉस्ट ऑफ इक्विटी एज पर रियलाइज अप्रोच इन्होंने ये नहीं बताया कि इन्होंने इसके दो रेट कैसे लिए हैं तो दो रेट लेने का सिंपल तरीका इसमें क्या रहेगा जो रेट ऑफ डिविडेंड होना उसके आसपास ले लीजिए आप क्योंकि वही मेन आपका फायदा रहेगा इसमें तो जैसे दस है तो आप एक ले लो नौ परसेंट एक ले लो तेरह परसेंट बारह परसेंट ऐसे कुछ तो इन्होंने एक ग्यारह और एक तेहरा लिया है इसके बीच में आ गया ये लेकिन आपको जैसे दस परसेंट का रेट है तो एक दस परसेंट से लोअर रेट ले लो और पांच परसेंट उसमें बढ़ा देना तो जैसे दस से नीचे मान लो आपने आठ ले लिया तो दूसरा तेहरा ले, ले लेना आपने नाइन परसेंट ले लिया तो दूसरा आप फोर्टीन परसेंट ले लेना इस तरीके से आप कर सकते हैं तो दो रेट ले लिए शुरू में एक गए फिर सौ रुपए अगले पांच साल तक आए फिर वन वन टू एट लास्ट में आ गए एक पॉजिटिव एक नेगेटिव आपके पास आई आर आर लगाइए यही के ई की वैल्यू हो गई इसी को कहते हैं रियलाइज ईल्ड अप्रोच जो एक्चुअल में मिला वो निकाल दो तो आई आर आर निकालना होता है इसके बाद में हमारे पास है बीबी क्यू सिक्सटी नाइन लिमिटेड इज प्लानिंग एन इक्विटी इशू इन करंट ईयर ये इशू करने का प्लान कर रहे हैं ओके मतलब है अभी डिविडेंड दिया जाना है तो बीस रुपए का सिक्सटी परसेंट कितना हो गया बारह रुपए ये हमारे पास डी वन हो गया कि बारह रुपए का डिविडेंट अभी एक्सपेक्टेड है एट द करंट ईयर एंड विद अ पी रेशो ऑफ 6.25 पॉइंट टू फाइव पी रेशो सिक्स दे दिया पी रेशो -E का फॉर्मूला क्या होता है मार्केट प्राइस ऑफ शेयर डिवाइडेड बाई अर्निंग पर शेयर ठीक है इट वॉन्ट्स टू ऑफर द इशू एट मार्केट प्राइस द फ्लोटेशन कॉस्ट इज एक्सपेक्टेड फोर परसेंट ऑफ इशू प्राइस इशू प्राइस का फोर परसेंट हमारा फ्लोटेशन कॉस्ट चली जाएगी यू आर रिक्वायर्ड टू डिटरमाइन द रेट ऑफ रिटर्न फॉर इक्विटी शेयर दैट इज कॉस्ट ऑफ इक्विटी फोर द इशू एंड आफ्टर द इशू तो सबसे पहले इशू करने से पहले क्या आपका केई है तो केई एग्जिस्टिंग और यहां पर के ई न्यू तो यहां पर क्लियर बता दिया कि के केई दो तरीके का चाहिए नए वाला और एग्जिस्टिंग वाला तो एग्जिस्टिंग वाले में तो डी वन डिवाइडेड बाई पी जीरो प्लस जी ले लेंगे और जो नए वाला होगा उसमें डी वन डिवाइडेड बाई पी जीरो माइनस एफ प्लस जी लेंगे

उसपे चार परसेंट की फ्लोटेशन कॉस्ट लगेगी तो 125 का चार परसेंट पांच रुपए पांच रुपए हमारी फ्लोटेशन कॉस्ट आ गई तो जो नया शेयर इशू करेंगे उसमें हम रखेंगे 125 सौ पच्चीस माइनस पांच यानी एक रुपए और जो एग्जिस्टिंग शेयर है उसके अंदर हम रखेंगे पूरे एक सौ ठीक है हमारे पास इसके बाद में ग्रोथ निकालनी है तो ग्रोथ निकालने के लिए हमारे को चाहिए क्वेश्चन ने यहां पर जी नहीं दिया और हमें रिटेंशन रेशो दिया हुआ है कि सिक्सटी परसेंट हम पे कर रहे हैं यानी हम रिटेन कितना कर बी इन टू आर निकालना चालीस तो परसेंट हम रिटर्न परसेंट आप रिटर्न ऑन इक्विटी निकालने के लिए हम वन डिवाइड बाई पीई कर सकते हैं फॉर्मूला है? तो हमने कभी पढ़ा नहीं कोई बात नहीं रिटर्न ऑन इक्विटी का फॉर्मूला क्या होता है इक्विटी शेयर की कमाई डिवाइड बाई इक्विटी शेयर का फंड तो ईपीएस डिवाइडेड बाई एम अगर हम रखते हैं तो हमारे पास रिटर्न ऑन इक्विटी आ जाता है कि इतने रुपए का शेयर है और उस पर आपने इतनी कमाई करी है अब जो पी रेशो होता है वो इसका जस्ट उल्टा होता है अगर मैं वन डिवाइड बाई पी कर दूं तो मेरे पास क्या हो जाएगा वन डिवाइडेड बाई एम डिवाइडेड बाई ई अब ई ऊपर चला जाएगा वन डिवाइड बाई पी क्वस टूपीएस ऊपर चला गया और MPS नीचे आ गया ये ऊपर चला गया अब देखिए ही return on equity का है है तो P जो होता है, वो उसका उल्टा होता है तो वन डिवाइड कर देंगे तो आपके पास रिटर्न ऑन इक्विटी आ जाएगा इस क्वेश्चन में आपको P दिया हुआ है अगर P दिया हुआ नहीं होता तो आपको निकालना पड़ता तो यहां पर वन डिवाइड बाई पी रेशो है हमारे पास सिक्स पॉइंट टू फाइव यह आ गया वन डिवाइड बाई सिक्स पॉइंट टू फाइव 0.16 और 16% परसेंट। तो आपका जो आर है वो 16% परसेंट है 40% परसेंट आप रिटेन करते हो दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए आपके पास आ गया 6.4% ये आपका ग्रोथ रेट हो गया ओके अब हमें निकालना है यहां पर ये आ गई रेट ग्रोथ सब आ गया अब हमारे पास के बिफोर इशू नया शेयर इशू करने से पहले d1 p0 g बारह रुपए का हो गए रुपए एक सौ पच्चीस रुपए ले लिया परसेंट और आफ्टर इशू यानी नया कर दिया, तो पी लेना है तो P0 -F में एक सौ पच्चीस तो ट्वेल्व डिवाइड बाई एक सौ बीस रुपए प्लस सिक्स पॉइंट फोर सिक्सटीन पॉइंट फोर परसेंट आपकी रिटर्न आ जाएगी इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन है डब्ल्यू एस सी सी के तो जनरली जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल का क्वेश्चन आएगा उसमें पूरी वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल ही आपसे पूछी जाएगी फॉलोइंग इज द कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ साइमन कंपनी लिमिटेड एज ऑन थर्टी फर्स्ट दिसंबर नाइनटी एट इक्विटी शेयर टेन थाउजेंड शेयर हैं दस लाख रुपए टोटल वैल्यू है प्रीफरेंस शेयर फोर लैख के हैं और डिवेंचर सिक्स लेख के हैं मार्केट प्राइस ऑफ द कंपनी शेयर इज वन हंड्रेड टेन पी जीरो आ गया एंड इट इज एक्सपेक्टेड दैट डिविडेंड ऑफ रुपीज टेन पर शेयर वुड बी डी वन आ गया ग्रोथ रेट सिक्स जी आ गया तो सबसे पहले हमारे पास के ई निकल गया डी वन डिवाइडेड पी जीरो प्लस जी फिफ्टीन पॉइंट जीरो नाइन इसके बाद में क्वेश्चन ने पहली रिक्वायरमेंट दी है इफ़ द कंपनी एजेंट फिफ्टी परसेंट टैक्स ब्रैकेट कंप्यूट डब्ल्यू एस सी सी बाकी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी ना प्रीफ्रेंस के बारे में कुछ करना डिवेंचर के तो प्रीफ्रेंस के बारे में अगर कुछ नहीं बोला तो के पी इक्व टू दस परसेंट का रेट है सीधे दस परसेंट आ जाएगा बात खत्म कोई दिमाग ही नहीं लगाना और आफ्टर टैक्स होता है इसको कुछ छेड़ने की जरूरत नहीं है डिवेंचर के बारे में कुछ नहीं बोला तो केई के डी इक्व टू इंटरेस्ट रेट आ जाएगा बस इसको आफ्टर टैक्स बनाना पड़ेगा तो ट्वेल्व परसेंट इंटरेस्ट है फिफ्टी परसेंट टैक्स है या आपके पास सिक्स परसेंट आ जाएगा तो हमारे पास के पी और के डी के पी में सीधे आ गया टेन परसेंट के डी में हमारे पास सिक्स परसेंट आ गया अब डब्ल्यू ए सी सी निकालना है तो आपके पास में केई से एक तो होता है पूरा स्टेटमेंट बनाकर करो एक दूसरा तरीका होता है के ई डब्ल्यू प्लस के पी डब्ल्यू पी के डी डब्ल्यू डी तो स्टेटमेंट बनाकर भी कर सकते हैं शॉर्ट में ऐसे भी लिख सकते हैं नंबर उतने ही मिलने हैं तो आपको जैसे कंफर्टेबल लगे जैसे आपने सीखा है आप वैसे बनाइएगा तो हमारे पास के ही आ गया फिफ्टीन पॉइंट जीरो नाइन वेट कितना है टेन लैक आउट ऑफ ट्वेंटी लैक तो आप वन बाई टू भी लिख सकते हो इसको टेन डिवाइड बाई ट्वेंटी भी लिख सकते हो तो यहाँ पर टेन बाई ट्वेंटी लिखा है हमने जैसे क्लियर रहे दूसरा फिर टेन परसेंट हो गया प्रिफरेंस शेयर्स फोर बाई ट्वेंटी ये आगे फोर बाई ट्वेंटी और फिर सिक्स परसेंट सिक्स बाई ट्वेंटी हो गया डिवेंचर ये रेट हमारे पास निकल कर आ गया इसमें क्वेश्चन दूसरा पॉइंट भी हमेशा पूछेगा फाइव मार्क्स से ऊपर नहीं आएगा पहले दस नंबर में आता था ये पर ये आसान इतना है पांच नंबर में आता है रिपीट बहुत होता है क्वेश्चन दैट इन ऑर्डर टू फाइनेंस एन एक्सपेंशन प्लान द कंपनी मिनट जी दैट इन ऑर्डर टू फाइनेंस एन एक्सपेंशन प्लान द कंपनी इंटेंड टू बोरो अ फंड ऑफ टेन लैक बियरिंग फोर्टीन परसेंट रेट ऑफ इंटरेस्ट अब एक नया लोन और आ रहा है फोर्टीन परसेंट के रेट से ठीक है जी और दस लाख रुपए का लोन आएगा ये अब टोटल पैसा कितना हो जाएगा थर्टी लाख ,00 अब थर्टी लाख रुपीज हमारे पास टोटल हो जाएंगे कह रहे हैं व्हाट विल बी द कंपनी रिवाइड डब्ल्यू दिस फाइनेंसिंग डिसीजन इज एक्सपेक्टेड टू इंक्रीज डिविडेंड टेन टू ट्वेल्व अब हमारा डी हो गया जी ट्वेल्व रुपीज ओके हाउ एवर मार्केट प्राइस ऑफ शेयर एक्सपेक्टेड टू डिक्लाइन फ्रॉम वन हंड्रेड टू वन जीरो फाइव तो अब हमें नया केई निकालना पड़ेगा अब हमारे पास नया केई आ गया डी वन डिवाइड बाई पी जीरो बारह रुपये और ये आ गया सेवनटीन पॉइंट फोर थ्री तो अब दस लाख रुपए पर हमारे पास हो गया सीधा सेवनटीन पॉइंट फोर थ्री परसेंट दस लाख आउट ऑफ थर्टी लाख प्रीफ्रेंस शेयर ऐसे कैसे रहेंगे तो प्रीफरेंस शेयर का रहेगा टेन परसेंट फोर लैख आउट ऑफ थर्टी लैख ट्वेल्व परसेंट डिवेंचर का सिक्स परसेंट और रखा था तो सिक्स परसेंट इंटू सिक्स लैख बाई थर्टी लैख और अब ये नया और जुड़ जाएगा फोर्टीन परसेंट इसका रेट है फिफ्टी परसेंट टैक्स तो वन माइनस टैक्स करेंगे सेवन परसेंट हो जाएगा तो सेवन परसेंट मल्टीप्लाई बाई टेन लैख आउट ऑफ थर्टी लैख इन सब को जोड़ लीजिए और डब्ल्यू ए सी सी आपके पास निकल जाएगी तो रिवाइड डब्ल्यू ए सी सी सेवनटीन पॉइंट फोर थ्री टेन बाई टेन टेन परसेंट से फोर बाई थर्टी पुराना डेट सिक्स परसेंट से सिक्स बाई थर्टी और नया डेट से टेन बाई थर्टी कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकल कर आ गई बीबी क्यू सेवेंटी बहुत पूछा जाता है क्वेश्चन इसमें एक पॉइंट और भी होता है वो पॉइंट अलग से बताऊंगा मैं आपको फॉलोइंग आर द इन्फॉर्मेशन ऑफ टी टी लिमिटेड अर्निंग पर शेयर टेन रुपीज डिविडेंट पर शेयर सिक्स रुपीज एक तो क्वेश्चन के अंदर यहाँ पर जो डिविडेंड पर शेयर यहाँ पर लिखा होता है इसमें कंफ्यूजन बहुत आता है कि सर डिविडेंड पर शेयर लिखा है बताया नहीं डी वन मानू या डी जीरो मानू तो इसका सिंपल सा तरीका बताता हूँ मैं आपको कॉस्ट ऑफ कैपिटल चैप्टर में अगर आपको कंफ्यूजन हो तो आप डी जीरो ऑफ कैपिटल में अच्छा कंफ्यूजन का मतलब है कि आप क्लियर नहीं है कि डी जीरो मानो या डी वन मानो मान लीजिए लिखा हुआ है एक्सपेक्टेड डिविडेंड एक्सपेक्टेड डिविडेंड क्या होता है dividend, तो डी वन होता है अच्छा लास्ट ईयर डिविडेंट लास्ट ईयर डिविडेंट क्या होता है पेड पेड क्या होता है ये सब तो डी होते हैं क्लियर तब नहीं होता है। जैसे लिखा है डीजीरो पर शेयर छह रुपया अब वो एक्सपेक्टेड है या पेड है नहीं पता तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल में हमेशा जब भी कंफ्यूजन होता है एग्जाम में सजेस्टेड आंसर डीजीरो से दे देते हैं और आपके पास एडजशन उसमें लिखी होती है आप डीजीरो डी मानोगे नंबर दोनों पे मिलेंगे आपको पर फिर भी सजेस्टेड है कॉस्ट ऑफ कैपिटल में डीजीरो मानो और डिविडेंड डिजन चैप्टर आएगा वहां पर डी मानकर जनरली सजेस्टेड आंसर आते हैं तो ये जनरल वो बता रहा हूं मैं वैसे आप जो भी एडमिशन लेंगे उस पर नंबर आपको मिल जाते हैं ओके अर्निंग पर शेयर दस रुपये है डिविडेंड पर शेयर सिक्स है तो जीरो मानेंगे कॉस्ट ऑफ कैपिटल में इसको डी जीरो हो गया एक्सपेक्टेड ग्रोथ रेट सिक्स परसेंट है करंट मार्केट प्राइस एक सौ बीस रुपये है तो ये हो गया हमारे पास डी जीरो ये हो गया जी और ये हो गया पी जीरो टैक्स रेट थर्टी परसेंट है रिक्वायरमेंट ऑफ एडिशनल फंड आई है थर्टी लाख ओके कह रहे हैं थर्टी लाख की हमारे पास फंड्स की रिक्वायरमेंट है डेट इक्विटी रेशियो टू इज वन रहेगा तो थर्टी लाख चाहिए डेट और इक्विटी टू इज टू वन में पैसा मंगवाएंगे यानी डेट से मंगवाओगे ट्वेंटी लाख इक्विटी से मंगवाओगे दस लाख रुपए ओके कह रहे हैं कॉस्ट ऑफ डेट जीरो से फाइव टेन परसेंट रहेगी तो पहले जो आपके फाइव लैख हैं वो टेन परसेंट पे आएंगे उसके बाद फाइव लैख से टेन लैख तक नाइन परसेंट रहेगा इसका मतलब अगले जो आपके दस लाख होंगे सॉरी पांच लाख रुपए वो आपके नाइन परसेंट के रेट से आएंगे उसके बाद में कह रहे हैं दस लाख से ऊपर एट परसेंट तो बचे दस लाख रुपए और इस पर एट रहेगा तो बीस लाख रुपए जो आएंगे उसमें पहले पांच लाख रुपए दस परसेंट से अगले पांच लाख नाइन परसेंट से अगले दस लाख एट परसेंट से रहेंगे दैट देयर इज नो रिजर्वेंट रिजर्वेंट सरप्लस सरप्लस अवेलेबल कोई नहीं है है कुछ क्वेश्चन में इसकी जगह लिख देता है कि चार लाख का रिजर्व है अगर चार लाख का रिजर्व बोल दे तो रिजर्व से आ जाएंगे चार लाख रुपए और इक्विटी शेयर कैपिटल इशू करनी पड़ेगी छह लाख रुपए की इस तरह से हो जाएगा रिजर्व नहीं है तो बात यहीं पर खत्म हो गई अब सारा पैसा इक्विटी से ही मंगवाना पड़ेगा तो बीस लाख और दस लाख सबसे पहले कहता है पैटर्न बता दो तो पैटर्न में आप सिंपली बता देंगे कि भाई थर्टी लैख जो है उसमें ट्वेंटी लैख डेट से आएगा टेन लैख इक्विटी से आएगा जो डेट से ट्वेंटी लैख आएगा उसमें पहले फाइव लैख टेन परसेंट अगले फाइव लैख नाइन परसेंट और उसके बाद में टेन लैख एट परसेंट से आ जाएंगे रिजर्व आपके पास है नहीं तो इक्विटी का दस लाख सारा का सारा इक्विटी शेयर इशू करके आएगा इसी में दस में से मान लीजिए चार लाख का रिजर्व होता तो लिखते कि इक्विटी के दस में से चार लाख रुपए रिजर्व से और छह लाख रुपए शेयर कैपिटल इशू कर आएंगे ओके इसके बाद में कह रहा है पोस्ट टैक्स एवरेज कॉस्ट ऑफ एडिशनल डेट डेट की एवरेज कॉस्ट बतानी है आपको तो यहां पर क्वेश्चन में टैक्स का रेट हमें दिया हुआ है थर्टी परसेंट देखिए हमारे पास फाइव लैख फाइव लैख और टेन लैख ये दस परसेंट से यह नाइन परसेंट से ये एट परसेंट से सबसे पहले तो आप इनके रेट निकाल लीजिए आफ्टर टैक्स कितने होंगे तो आफ्टर टैक्स इनके रेट हमारे पास वन माइनस टैक्स से मल्टीप्लाई करेंगे आ जाएगा पहले फाइव लैख का सेवन परसेंट हो गया उसके बाद हो गया सिक्स पॉइंट थ्री और फाइव पॉइंट सिक्स परसेंट ठीक है। अब ये कहता है इनकी एवरेज कॉस्ट निकाल दो तो इनकी एवरेज कॉस्ट निकालने के दो तरीके रहते हैं एक तो यह सेवन परसेंट आ रहा है फाइव लैख से पूरा पैसा ट्वेंटी लैख है सिक्स परसेंट आ रहा है फाइव लैख से पूरा पैसा ट्वेंटी लैख है और फाइव आ रहा है टेन लैख से पूरा पैसा ट्वेंटी लैख है बस इसको निकाल दीजिए एवरेज वैल्यू आ जाएगी एक तरीका यह रहता है कि सेवन परसेंट देना है पांच लाख पे सिक्स पॉइंट थ्री परसेंट देना है पांच लाख पे फाइव पॉइंट सिक्स देना है दस लाख पे टोटल टोटल जोड़ दो कितना है और बीस लाख से डिवाइड कर दो तो ये तरीका ज़्यादा आसान रहता है अगर आपको वैसे निकालना भी कर सकते हैं इसमें क्या आएगा पैंतीस हज़ार रुपये और यह आ गया सिक्स पॉइंट थ्री मल्टीप्लाई फाइव थर्टी वन थाउजेंड फाइव हंड्रेड और यह हो गया फिफ्टी सिक्स थाउजेंड तीनों को जोड़ लीजिए फिफ्टी सिक्स थाउजेंड थर्टी वन दिया है हमने कितने पर 20 लाख के फंड पर तो डिवाइड बाई 20 लाख 6.125 परसेंट आ जाएगा ऐसे भी निकाल सकते हैं तो जैसे आपका मन करे कर सकते हैं नंबर दोनों पे पूरे मिल जाएंगे यहां पर आ गया 6.125 परसेंट इसके बाद में कह रहा है कैलकुलेट कॉस्ट ऑफ इक्विटी तो कॉस्ट ऑफ इक्विटी बहुत सिंपल है आपके पास डी जीरो है जी है और पी जीरो है आ जाइए यहाँ पर के ई रखना है तो इन्होंने सिक्स को डी जीरो माना है प्लस ग्रोथ उसमें ऐड कर दिया ये आपका चुके हैं सिक्स पॉइंट तो सिक्स पॉइंट परसेंट देना है बीस लाख पर टोटल पैसा तीस लाख चाहिए और इक्विटी इलेवन पॉइंट थ्री परसेंट है इलेवन पॉइंट थ्री परसेंट इक्विटी को देना है टेन लैख पर आउट ऑफ थर्टी लैख वैल्यू आपके पास डब्ल्यू एस की निकल जाएगी आ जाएगा। ओके। यहां पर लिखी हुई, DPS, है। आप एजेंशन लेके डी वन मान सकते हैं फिर भी मैं बताऊंगा कॉस्ट ऑफ कैपिटल में आप लोग डी जीरो मान के चलिएगा जब भी डिविडेंड में कंफ्यूज हो और डिविडेंड डिसीजन चैप्टर का मोस्ट ऑफ द टाइम नाइनटी टाइम एजम्पन जो आईसीआई लेके चलता है वो मैच कर जाएगी आंसर एक्यूरेट मैच कर जाएगा आप अपनी लेके भी भी आते हैं तो उस भी हैं भी हैं तो आपको नंबर नंबर मिलते मिलते इसमें लार्ज द वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल ऑफ द कंपनी यूजिंग बुक वैल्यू वेट एंड मार्केट फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज एवेलेबल फॉर योर पर्सनल योर ए हां कह रहे हैं द कंपनी प्रेजेंट बुक वैल्यू कैपिटल स्ट्रक्चर बुक वैल्यू बता रहे हैं डिवेंचर सौ रुपए का एक है आठ लाख रुपए टोटल प्रीफरेंस शेयर सौ रुपए का एक है दो लाख रुपए टोटल इक्विटी शेयर दस रुपए का एक है टोटल दस लाख रुपए हमें बुक वैल्यू वेट जो लेने उसमें हम ये एट टू और टेन लेंगे इसके बाद में नीचे बता रहे हैं कि इनकी मार्केट वैल्यू क्या क्या है कह रहे डिवेंचर एक सौ दस रुपए का है तो सौ रुपए वाला डिवेंचर एक सौ दस रुपए का है तो इसकी मार्केट वैल्यू डिवेंचर की एट पॉइंट एट लैक हो जाएगी दस परसेंट ज्यादा है। प्रीफरेंस शेयर एक सौ बीस रुपए का है सौ रुपए वाला एक सौ बीस बीस परसेंट ऊपर हो गया तो ये टू पॉइंट फोर लैक हो जाएगा इक्विटी शेयर दस रुपए वाला बाईस रुपए का है तो दस लाख रुपए दस रुपए का एक शेयर एक लाख शेयर हो गए एक शेयर बाईस रुपया बिक रहा है तो ये ट्वेंटी टू की यहां पर कैपिटल आपकी आ जाएगी तो मार्केट वैल्यू वेट आप ये वाले लेंगे बुक वैल्यू वेट आपके पास ये वाले दिए गए हैं और Kd, तीन चीजें अब हमें चाहिए। KD, और और चाहिए के वो तीनों सेम रहेंगे चाहे बुक वैल्यू वेट लो या मार्केट वैल्यू रेट कई बार बच्चे कंफ्यूज होता है कि सर हम बुक वैल्यू से निकाल रहे हैं तो हम के ई में मार्केट प्राइस क्यों ले रहे हैं सर हम के डी में क्यों ले रहे हैं बच्चों के डी केपी और के आर इनको निकालते हो आपको ये नहीं सोचना कि डब्ल्यू बुक वैल्यू से निकलेगी या मार्केट वैल्यू से वो किसी से भी निकले के डी के ई के आर और के पी आप नॉर्मल तरीके से जैसे निकालते हैं वैसे ही निकालेंगे ये दोनों चीजें बच्चा मिक्स करने की कोशिश करता है सोचना नहीं है तो खैर हमारे पास सबसे पहली इंफॉर्मेशन हंड्रेड रुपीज पर डिवेंचर रिडीमेबल एट पार रिडेम्शन वैल्यू पार पर है इलेवन परसेंट कूपन रेट यानी इंटरेस्ट रेट इलेवन परसेंट है फोर परसेंट फ्लोटेशन कॉस्ट है यानी इशू नेट प्रोसीड जब निकालेंगे आप तो इशू प्राइस माइनस इशू एक्सपेंस आपको लेना है टेन ईयर्स मेच्योरिटी के हैं तो एन आ गया दस साल सेल प्राइस सौ रुपए सौ रुपए में इशू हुआ है तो सौ रुपए में इशू हुआ इशू एक्सपेंस चार्ट था चार रुपए का इशू एक्सपेंस हो गया नाइनटी सिक्स की नेट प्रोसीड है इसकी रिडेम्पशन वैल्यू पार है यानी सौ रुपए है और आपका इलेवन परसेंट रेट है ठीक है दस साल की लाइफ है तो के डी हमारे पास आ गया इंटरेस्ट रेट ग्यारह रुपए टैक्स रेट आ गया सौ रुपये रिडेमशन वैल्यू नाइन्टी सिक्स हमें कट कटाकर मिला है दस साल की लाइफ यहाँ पर डिनोमिनेटर ये आपका के डी निकल कर आ गया इसके बाद में प्रीफरेंस शेयर के लिए कह रहे हैं वो सौ रुपये का है रिडीमेबल पार पे है तो रिडेम्शन वैल्यू सौ रुपये हो गई ट्वेल्व परसेंट का डिविडेंड रेट है पी डी हो गया ट्वेल्व परसेंट यानी बारह रुपये इस पर वन माइनस टैक्स नहीं लगेगा फाइव परसेंट फ्लोटेशन कॉस्ट है लाइफ दस साल की है सेल प्राइस सौ रुपये है तो सौ रुपये में पाँच रुपये गए आ, ये नाइन्टी फाइव के नेट प्रोसीड के साथ चलेगा ये नाइन्टी फाइव के नेट प्रोसीड के साथ आ गया ठीक है जी इसके बाद में शेयर के लिए कह रहे हैं कि दो रुपए की फ्लोटेशन कॉस्ट है है सेल प्राइस ठीक है। और डिविडेंड डिविडेंड कितना दिया जाएगा डिविडेंड ऑन इक्टीज टू पर शेयर एंड ग्रोथ रेट सेवन परसेंट तो डी वन आ गया हमारे पास दो रुपए सेवन परसेंट के, ग्रोथ, के कैसे क्वेश्चन में अगर फ्लोटेशन कॉस्ट दी गई है तो मैं आपको बता दूं आईसीएआई क्या कर रहा है आईसीएआई के अंदर अगर आपको फ्लोटेशन कॉस्ट लिखी हुई मिल जाए तो आप पी जीरो माइनस एफ ही करिएगा आजकल कर ये ट्रेंड में चल रहा है तो हमारे पास पी जीरो हो गया बाईस रुपए माइनस दो रुपए फ्लोटेशन कॉस्ट कर देंगे ग्रोथ रेट सेवन परसेंट सेवनटीन परसेंट आपके पास के ही आ जाएगा ये आगे सेवनटीन परसेंट पी जीरो माइनस एफ रखिएगा फिर दिमाग मत लगाइएगा एग्जिस्टिंग शेयर है नया तो अगर आपको फ्लोटेशन कॉस्ट दिखती है तो पी जीरो में से माइनस जरूर करिए बस इसके बाद में डब्ल्यू एस सी निकाल देंगे काम खत्म सेवेंटी थ्री कह रहे हैं डब्ल्यूएस निकालो बुक वैल्यू से और मार्केट वैल्यू से ओके जी यहां पर कैपिटल स्ट्रक्चर दे दिया डिविडेंड सॉरी डिवेंचर प्रीफरेंस और इक्विटी फाइव फाइव टेन ये इनकी बुक वैल्यू आ गई और साथ में मार्केट वैल्यू रख लेते हैं सौ रुपए वाला डिवेंचर एक सौ पांच में पांच लाख पच्चीस हजार हो गया फाइव परसेंट बढ़ा हुआ है प्रीफ्रेंस शेयर एक सौ दस रुपए में सौ रुपए वाला दस परसेंट बड़ा हुआ है तो फाइव फिफ्टी हो गया इक्विटी शेयर वाला चौबीस में तो दस लाख चौबीस लाख बन गए सीधे ये हमारे पास तीनों की आ गई मार्केट वैल्यू तो बुक वैल्यू वेट में ये रेशो रहेगा मार्केट वैल्यू वेट में ये वाला रेशो रहेगा के टी के पी और के आर के ई के ई के पी और के टी के लिए कुछ नहीं सोचना वो सिंपल तरीके से निकलेंगे और वो दोनों में सेम रहेंगे यहां पर कह रहे हैं हंड्रेड रुपीज पर डिवेंचर एट रिडीमेबल एट पार आर वी हो गया सौ रुपए ओके टेन परसेंट कूपन रेट है तो दस रुपए का इंटरेस्ट हो गया फोर परसेंट फ्लोटेशन कॉस्ट है तो इशू प्राइस में से फोर परसेंट माइनस कर देंगे इसके बाद में कह रहे हैं दस साल की मैच्योरिटी है एन आ गया मार्केट प्राइस ऑफ डिवेंचर एक सौ इन्होंने दिया हुआ है ठीक है सौ रुपए का प्रीफ्रेंस शेयर रिडीमेबल एट पार रिडम्शन वैल्यू आ गई डिविडेंड का रेट आ गया फ्लोटेशन कॉस्ट आ गई दस साल की लाइफ आ गई इक्विटी शेयर हैज फोर रुपीज फ्लोटेशन कॉस्ट मार्केट प्राइस ट्वेंटी फोर तो इक्विटी शेयर में पी जीरो माइनस एफ रखेंगे उसमें हम ट्वेंटी फोर माइनस फोर रुपीज रखकर चलेंगे ओके

डिवेंचर रिडीमेबल है यानी रिडेमशन वैल्यू इसकी सौ रुपए अब हमें इशू प्राइस इसका नहीं दिया मार्केट प्राइस एक सौ पांच बताया पर इशू प्राइस हमें नहीं दिया तो हम लोग क्या करते हैं इशू प्राइस की जगह हमेशा मार्केट प्राइस इस्तेमाल कर लेते हैं जनरल ट्रेंड रहता है तो आईसीआई का कहना यह रहता है हमेशा अगर आप अप्रोक्सीमेशन मेथड से क्वेश्चन कर रहे हैं इशू प्राइस आपको एज्यूम करना है तो आपको एजम्पन लेनी है तो इशू प्राइस कभी भी रिटेम्पन वैल्यू से ज्यादा नहीं होना चाहिए उसके बराबर हो सकता है उससे ज्यादा नहीं हो सकता यानी कि मुझे बताइए मैं आपको बोलूं कि आज तुम मुझे एक सौ पांच रुपए दो और मैं तुम्हें बाद में सौ रुपए वापस दूंगा तो आप मुझे एक सौ पांच रुपए क्यों दोगे अगर मैं आपसे बोलूं एक सौ पांच रुपए दो तो मैं तुम्हें सौ रुपए वापिस दूंगा दस साल बाद तो तुम कहोगे भाई मैं तुम्हें एक सौ पांच क्यों दू तुम तो वापिसी में सौ रुपए दे रहे हो तो एक जनरल एजमशन आईसीआई ये लेके चलता है कि इशू प्राइस अगर आपको एज्यूम करना है तो आप रिडेम्पशन वैल्यू के बराबर या उससे कम करेंगे तो यहां पर इशू प्राइस एक सौ पांच की जगह पर सौ रुपए रहेगा ठीक है तो सौ रुपए हम इशू प्राइस लेकर चलेंगे अदरवाइज हम क्या लेते हैं मार्केट प्राइस ठीक है ये जो रूल है ये रूल सिर्फ अप्रोक्सीमेशन मेथड पे अप्लाई होता है क्वेश्चन ने कह दिया लगाना है तो लगाना है तो कोई दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है सिंपली जो आपका मार्केट प्राइस है उसे इशू प्राइस मानेंगे तो फिर से बताता हूं हम हमेशा क्वेश्चन अगर साइलेंट होता है तो मार्केट प्राइस को ही इशू प्राइस मान लेते हैं ठीक है साइलेंट होता है तो मार्केट प्राइस को ही इशू प्राइस मान लेते हैं ये जनरल ट्रेंड रहता है ठीक है अप्रोक्सीमेशन मेथड कहता है कि इशू प्राइस आप जो भी एज्यूम करने जा रहे हो वो रिटेमशन वैल्यू से ज्यादा नहीं होना चाहिए तो एज पर मेथड इशू प्राइस एप्रोक्सी से ऊपर नहीं हो सकता था तो हम एक हाँ सौ तो ऐसा कोई दिमाग नहीं लगाना तो हमारा जनरल रूल क्या रहेगा जनरल रूल रहेगा इशू प्राइस मार्केट प्राइस ले लो मार्केट प्राइस को इशू प्राइस लेके चलो बस एक इसमें एक्सेप्शन है अगर अप्रोक्सीमेशन मेथड से आप क्वेश्चन कर रहे हैं और आप एज्यूम कर रहे हैं इशू प्राइस अपनी तरफ से तो ध्यान रखिए कि वो रिडेम्शन वैल्यू से ज्यादा ना हो दैट्स इट ओके तो अगर यही क्वेश्चन अप्रोक्सिमेशन से होता तो मैं इसे 105 को इशू प्राइस नहीं लेता लेकिन अब ले लेंगे अब जरा देखिए अप्रोक्सीमेशन से करना है एक सौ पांच इशू प्राइस 4% परसेंट फ्लोटेशन कॉस्ट के चले गए तो यहां पर आपके पास में शुरू में पैसा चला गया फिर दस रुपए आफ्टर टैक्स इंटरेस्ट अगले दस साल तक आता रहेगा और लास्ट में रिडेम्पन वैल्यू सौ रुपए आपको मिल जाएगी एक पॉजिटिव एक नेगेटिव यहां पर निकालिए सिक्स पॉइंट

थ्री uh, परसेंट और फाइव परसेंट ले लिया हमने एक सौ दस रुपये दो परसेंट इस पर खर्च हो गए ये हमारी जेब से पैसा गया अब हमें अगले दस साल तक पांच रुपए का डिविडेंड मिलेगा और टेंथ ईयर पर सौ रुपए रिडेम्शन के मिल जाएंगे एक पॉजिटिव एक नेगेटिव आई आर आर का फॉर्मूला लगाइए आ गया हमारे पास और केई निकालते हुए बड़ा सिंपल सा एक रुपये का डिविडेंड ट्वेंटी फोर माइनस फोर जब भी फ्लोटेशन कॉस्ट दी हो माइनस कर दीजिए पी जीरो में से ग्रोथ रेट ऐड करिए आ गया अब हमारे पास जो केई के डी के, के पी है ये सिक्स पॉइंट एट नाइन 10. ये सब जगह पर सेम रहेगा बस ये जो वेट है ये बुक वैल्यू का है यहाँ पर और यहाँ पर मार्केट वैल्यू का है क्या सर हमें एग्जाम में स्टेटमेंट बनाना पड़ेगा आपकी मर्जी आप स्टेटमेंट बनाना चाहें स्टेटमेंट बनाइए वरना के ई डब्ल्यू के पी डब्ल्यू पी के डी डब्ल्यू डी लिखकर भी कर सकते हैं पूरे नंबर है ओके बीबी क्यू सेवेंटी फोर बड़ा फेमस क्वेश्चन है डिटरमाइन द कॉस्ट ऑफ कैपिटल ऑफ बेस्ट लक लिमिटेड यूजिंग द बुक वैल्यू एंड मार्केट वैल्यू वेट लो जी फिर से बुक वैल्यू और मार्केट वैल्यू वेट पे निकालना है बुक वैल्यू दे दी मार्केट वैल्यू दे दी यहां पर इक्विटी शेयर और रिटर्न अर्निंग दोनों है बुक वैल्यू दोनों की अलग अलग है मार्केट वैल्यू सिर्फ इक्विटी की दी गई है तो सबसे पहले हमें इक्विटी और रिजर्व की मार्केट वैल्यू डिसाइड करनी पड़ेगी तो ये है टू हंड्रेड लैख दो करोड़ रुपए है इक्विटी को कितने मिलेंगे बारह और तीस के रेशो में बटेगा ये तो वन ट्वेंटी डिवाइड बाई वन फिफ्टी इक्विटी का हिस्सा आ गया टू हंड्रेड मल्टीप्लाई वन ट्वेंटी डिवाइड बाई वन फिफ्टी इक्विटी का हिस्सा आएगा वन सिक्सटी लैख और डेट का हिस्सा और रिजर्व का हिस्सा आएगा फोर्टी लैख तो हमारे पास जब मार्केट वैल्यू वाला लेंगे बुक वैल्यू में तो ये वैल्यू आ जाएगी वैल्यू और जब आप लेंगे मार्केट वैल्यू वाला तो इक्विटी का वन सिक्सटी रिजर्व का फोर्टी लैख इसके बाद में डेट और प्रिफ्रेंस का जो बता रखा है ऐसे ही आ जाएगा सबसे पहले वेट दिखाता तो हूँ आपको बुक वैल्यू ऐसी आ गई मार्केट वैल्यू देखिए इक्विटी का सिक्सटीन रिटर्न रर्निंग का फोर्टी बाकी दोनों की जो दी हुई है वो रिवेल्यू आ गई ओके okay. अब क्वेश्चन की कहानी पढ़ते हैं एडिशनल इंफॉर्मेशन इक्विटी शेयर्स आर कोटेड एट वन थर्टी पर शेयर कोटेड यानी मार्केट में कितने रुपए बिक रहे हैं वन थर्टी अ न्यू इशूड प्राइस इज वन ट्वेंटी फाइव पर शेयर जो नया इशू प्राइस है वो एक सौ पच्चीस रुपए है विल बी फुल्ली सब्सक्राइब फ्लोटेशन कॉस्ट इज रुपी फाइव तो जो नया शेयर है वो 125 में इशू किया है फ्लोटेशन कॉस्ट पांच रुपए तो जब भी ये इंफॉर्मेशन देगा हम ये मानेंगे आईसीआई आजकल जो कर रहा है कि वो नया वाला शेयर ही आपका इशू हुआ है तो के ई के अंदर हमारे पास डी वन डिवाइड बाई इशू हुआ था 125 में पांच रुपए खर्च होगा ये निकलकर हमारे पास आ गया के इसके बाद में क्वेश्चन आपको कह रहा है डिविडेंड के बारे में ड्यूरिंग द प्रीवियस फाइव ईयर

इसके बाद में हमारे पास के आर की वैल्यू हमें जब निकालनी है तो के आर निकालते हुए हमें पी जीरो रखना होता है तब नए शेयर का कोई लेना देना नहीं है तो हम डी वन डिवाइड बाई पी जीरो रखेंगे हमारे पास किया गया के आर डी वन डिवाइड बाई पी जीरो तो एक सौ तीस रुपये रखेंगे तब नए इशू वाला कोई सीन हमें नहीं लेना प्लस सिक्स परसेंट ठीक है जी ओके इसके बाद में प्रीफरेंस शेयर्स की बात आ गई फिफ्टीन परसेंट प्रीफरेंस शेयर हैं सौ रुपये का शेयर एक सौ पांच रुपए में इशू किया है तो फिफ्टीन परसेंट का डिविडेंड एक सौ पांच रुपए हमारे पास नेट प्रोफिट मल्टीप्लाई वन हंड्रेड के पी निकल कर आ जाएगा तो केपी हमारे पास आ गया पंद्रह रुपए का डिविडेंड एक सौ पांच रुपए में इशू किया मल्टीप्लाई वन हंड्रेड कोई फ्लोटेशन कॉस्ट वगैरह नहीं दी गई इसके बाद में कह रहे हैं डिवेंचर डिवेंचर का इसमें बड़ा अच्छा पॉइंट है ये पॉइंट किसी और क्वेश्चन में मिक्स होकर आ सकता है द कंपनी प्रपोज टू इशू इलेवन ईयरस डिवेंचर बट ईल्ड ऑन डिवेंचर ऑफ सिमिलर मैच्योरिटी एंड रिस्क क्लास इज सिक्स परसेंट फ्लोटेशन कॉस्ट इज टू परसेंट और यहां दिया है फ्लोटेशन कॉस्ट फेस वैल्यू पे निकालना ये अच्छा क्वेश्चन है बात तो बता रहे हैं खुद तो यहां पर ये यह जो एक पॉइंट है कि हमने फिफ्टीन परसेंट के रेट का डिवेंचर इशू किया है और मार्केट में जो डिवेंचर है सेम क्लास का वो सिक्सटीन परसेंट रिटर्न दे रहा है अब आप एक बात बताइए आपने पंद्रह परसेंट के रेट का डिवेंचर इशू किया है दूसरे डिवेंचर सोलह परसेंट रिटर्न दे रहे हैं तो आपका डिवेंचर कम रिटर्न दे रहा है तो वो डिस्काउंट पर इशू होगा वो कम प्राइस पर इशू होगा तो इसे निकालना बड़ा सिंपल होता है सौ रुपए का डिवेंचर है तो हम इसमें क्या रखते हैं कि इनका डिवेंचर कितने परसेंट इंटरेस्ट दे रहा है फिफ्टीन परसेंट ऑफ हंड्रेड मान लीजिए पंद्रह रुपए और मार्केट में इंटरेस्ट का रेट कितना है सिक्सटीन तो जो भी मार्केट का रेट है उससे डिवाइड कर दीजिए आप तो फिफ्टीन डिवाइड बाई सिक्सटीन परसेंट आपके पास इशू प्राइस निकल कर आ जाएगा तो आपका जो डिवेंचर है वो नाइनटी थ्री पॉइंट सेवन फाइव में इशू होगा सौ रुपए वाला फेस वैल्यू जिसकी सौ रुपए अच्छा यही अगर हमारा डिवेंचर मान लो मार्केट से ज्यादा इंटरेस्ट दे रहा होता जैसे मान लो एटीन परसेंट इंटरेस्ट दे रहा होता तो एटीन परसेंट इंटरेस्ट देगा हमारा डिवेंचर मार्केट में सोलह परसेंट मिलता है तो एटीन डिवाइड बाई सोलह परसेंट फिर हमारा डिवेंचर एक सौ बारह रुपए पचास पैसे पे पर इशू होता प्रीमियम पर इशू होता जब ज्यादा इंटरेस्ट हो गए प्रीमियम पर इशू होगा कम इंटरेस्ट गया डिस्काउंट पर इशू होगा सिंपल सा तरीका होता है जितना भी इंटरेस्ट आप दे रहे हो ऊपर रखो नियोनेटर में डिनोमिनेटर में मार्केट में जो रेट चल रहा है वो रखो वैल्यू निकल कर आ जाएगी तो हमारा इशू प्राइस निकल कर आएगा नाइन क्वेश्चन ने यहाँ पर दिया हुआ है द दे कंपनी प्रपोज टू इशू इलेवन ईयर तो ग्यारह साल तो हो गया एन फिफ्टीन परसेंट डिवेंचर हम पंद्रह रुपए का इंटरेस्ट देंगे बट इड ऑफ डिवेंचर ऑफ सिमिलर क्लास सिक्सटीन परसेंट है तो इससे हमारे पास इशू प्राइस आ गया नाइन थ्री पॉइंट सेवन फाइव फ्लोटेशन कॉस्ट दो परसेंट है दो रुपये माइनस हो जाएंगे फेस वैल्यू पे निकालनी थी तो हमारी जो नेट प्रोसीड है वो नाइन्टी वन पॉइंट सेवन फाइव आई की नाइन्टी वन पॉइंट सेवन फाइव हमारी नेट प्रोसीड है ग्यारह साल की लाइफ है रिडेम्पशन वैल्यू नहीं बताई तो रिडीम सौ रुपये में होगा फेस वैल्यू पर इंटरेस्ट दे दिया अब यहाँ पर आपकी के डी निकलेगा पंद्रह रुपये का इंटरेस्ट वन माइनस टैक्स सौ रुपये पर रिडीम होगा नाइन्टी वन पॉइंट सेवन फाइव आपको कट कटा कर मिले हैं नीचे एवरेज वैल्यू रख दी यहाँ पर कैसे आपका डिवेंचर की मार्केट वैल्यू सेट हुई है ये निकल कर आ गया यहाँ पर ये कैसे बांटा है रिजर्व और इक्विटी में ये मेंशन कर दिया बस बुक वैल्यू और मार्केट वैल्यू आपके पास वेट है डब्ल्यू एस सी आप निकाल लेंगे ओके इसके बाद में हमारे पास एक ये बड़ा ही फेमस क्वेश्चन है आ, ये बहुत पूछा जाता है दस नंबर में आ जाता है इसका एक या दो हिस्सा पाँच नंबर में भी आ सकते हैं और बहुत ही बहुत ही फेमस क्वेश्चन है इसमें बच्चे कुछ उलझते भी हैं कि ये चीज़ कैसे आई है या क्या कहाँ पर क्या करना होगा ABC Limited हैज the following capital structure which is considered to be optimum. On 31st March 22, 14% debenture फोर्टीन परसेंट डिवेंचर है तीस हजार रुपए के इलेवन परसेंट प्रिफरेंस share है दस हजार के और equity share है एक लाख साठ हजार के दस हजार शेयर है इनके पास तो एक तो आपको इसका total करना होगा ये हो गया दो लाख रुपये इस question में आपको पूरे question में कहीं भी ये नहीं बताया जाएगा कि equity debt और preference हम कितना पैसा मंगवा रहे हैं तो जब आपको ये ना बताया जाए कि इक्विटी से डेट से प्रिफरेंस से कितना पैसा मंगवा रहे हैं तो हम ये मानते हैं कि जो उनका एग्जिस्टिंग कैपिटल स्ट्रक्चर है सेम वही स्ट्रक्चर आगे भी फॉलो होगा तो आप बताइए दो लाख रुपए में तीस हजार रुपए कितना हिस्सा हुआ पंद्रह परसेंट दो लाख रुपए में दस हजार पांच परसेंट और दो लाख में वन सिक्सटी एटी परसेंट इसका मतलब हमारा एटी परसेंट फंडिंग इक्विटी से और हमारी फाइव परसेंट प्रीफरेंस है और फिफ्टीन परसेंट डिवेंचर से तो हमने जो पैसा मंगवाया हुआ है अरेंज किया हुआ है वो डिवेंचर से पंद्रह परसेंट प्रिफरेंस से पांच परसेंट और इक्विटी से एटी परसेंट है तो आगे ना क्वेश्चन में आपको बताएगा नहीं कि किस रेशो में मंगवा रहे हैं तो अब अगर हमें सौ रुपये मंगवाने हैं तो हम पंद्रह रुपए डिवेंचर से मंगवाएंगे पांच रुपये प्रीफरेंस से और अस्सी रुपये इक्विटी से मंगवाएंगे द कंपनी शेयर हैज करंट मार्केट प्राइस ट्वेंटी थ्री पॉइंट सिक्स जीरो एक्सपेक्टेड डिविडेंड पर शेयर इज नेक्स्ट ईयर इन नेक्स्ट ईयर इज 50 परसेंट ऑफ 2021 थाउजेंड ट्वेंटी वन का यहाँ पर ई पी एस दिया हुआ है इसका फिफ्टी परसेंट एक्सपेक्टेडेंट है तो so, ये हमारा एक्सपेक्टेड यानी बन ई पी एस ऑफ लास्ट टेन ईयर इज गिविन बिलो पास ट्रेंड आर एक्सपेक्टेड टू कॉन्टिन्यू अब आपके पास एक दो तीन चार पांच छह सात आठ नौ दस दस साल का वो दे दिया आपके पास डिविडेंड ग्रोथ निकालनी है तो यहां पर आप ना ग्रोथ ऐसे निकाल सकते हो टू पॉइंट थ्री सिक्स डिवाइड बाई वन कितने साल में भैया दस साल में माइनस वन एक तरीका तो ये है दूसरा जब पूरे का पूरे डेटा दिया हो आपको एक एक साल का दिया हो तो आप किसी भी दो ईयर के बीच में चेक कर लीजिए आपके पास ग्रोथ आ जाएगी वन पॉइंट वन जीरो हो गया एक रुपये से बढ़कर दस पैसे बढ़ गए एक रुपये में तो एक रुपये में दस पैसे बढ़ गए यानी ग्रोथ टेन परसेंट है एक रुपये से एक रुपये दस पैसे हो गए तो टेन पैसे बढ़े हैं एक रुपये पर टेन परसेंट ग्रोथ आ गई सीधी आप आगे भी चेक करेंगे ऐसे ही पैसे बढ़े हैं 1 10 पैसे पर टेन परसेंट तो कोई भी एक की निकाल दीजिए okay. अब कह रहे कंपनी इशूड न्यू डिवेंचर कैरिंग सिक्सटीन परसेंट रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड करंट मार्केट प्राइस नाइनटी सिक्स इनकम टैक्स रेट है फिफ्टी परसेंट ओके क्वेश्चन की पहली रिक्वायरमेंट है आपको न्यू डेट की कॉस्ट बतानी है तो के इक्वल टू सिक्सटीन परसेंट इंटरेस्ट है सोलह रुपए इसके बाद में कह रहे हैं प्रीफरेंस शेयर नाइन पॉइंट टू विद डिविडेंड ऑफ वन पॉइंट वन पर शेयर ऑल्सो इशूड हमने प्रीफरेंस शेयर भी इशू किए कह रहे हैं नए प्रीफरेंस शेयर जो इशू है उनकी कॉस्ट बता दो तो के पी इक्वास्ट टू पी डी कितना है वन पॉइंट वन जीरो आपके पास में मार्केट वैल्यू नाइन पॉइंट टू मल्टीप्लाई वन हंड्रेड यह निकल कर आ गया ठीक है जी इसके बाद में कह रहे हैं द कंपनी फिफ्टी परसेंट टैक्स ब्रैकेट आगे कहाँ नहीं बता रहा है कैलकुलेट आफ्टर टैक्स कॉस्ट ऑफ न्यू डेट निकाल दिया प्रीफरेंस शेयर निकाल दिया कॉस्ट ऑफ न्यू इक्विटी शेयर नए शेयर भी हमारे को और न्यू इक्विटी शेयर की भी कॉस्ट बताइए कि इक्विटी जो फंड आ रहा है नया इक्विटी दो तरीके से आ सकता है पैसे को लेकर या तो शेयर कैपिटल इशू कर दे या अपने पैसे को बिजनेस में रिटेन कर दे तो कह रहे हैं कि आप ये मानिए न्यू इक्विटी रिटेन डरिंग सारी तो रिटेन डरिंग सारी है यानी के आर निकालना है मैं के आर इक्वस्ट के तो डी वन डिवाइड बाई पी जीरो प्लस जी D1 हमारे पास आ गया 1.18, P0 आ गया पी जीरो ट्वेंटी ग्रोथ रेट हमने निकाल लिया 10% परसेंट हमारे पास आ गया के आर यहां पर 15% परसेंट ठीक है इसके बाद में कह रहे हैं सेकेंड पॉइंट मार्जिनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल बताओ अगर नया शेयर इशू हमने नहीं किया तो कोई दिक्कत नहीं है आपके पास के आ चुका है के आ चुका है केपी आ चुका है के, चुका है, के से कितना मंगवाओगे पंद्रह परसेंट पैसा पी से मंगवाओगे पांच परसेंट पैसा और इक्विटी की फंडिंग अमाउंट दैट कैन बी स्पेंड फॉर कैपिटल इन्वेस्टमेंट बिफोर न्यू ऑर्डिनरी शेयर मस्ट बी सोल्ड एज्यूमिंग दैट रिटेन्ड अर्निंग फॉर नेक्स्ट ईयर इन्वेस्टमेंट आर फिफ्टी परसेंट ऑफ टू थाउजेंड ट्वेंटी वन कह रहे हैं हमें नया शेयर अभी इशू नहीं करना और रिटेन रनिंग हमारे पास 2021 की कमाई का 50 परसेंट है तो पहले तो 2021 की कमाई देखते हैं दस हजार शेयर हैं 2.36 हमने कमाया है 2.36 इसका मतलब 23,600 आपने कमाए हैं कह रहे हैं इसका 50 परसेंट रिटेन रनिंग में है तो इसका मतलब 11,800 हमारे पास एवेलेबल है ओके इतनी रिटर्निंग है हमारे पास कह रहे हैं अब हम इक्विटी शेयर को इश्यू नहीं करना चाहते तो बताइए कितना पैसा हम इन्वेस्ट कर सकते हैं तो देखिए पंद्रह परसेंट पैसा डिवेंचर देते हैं पांच परसेंट पैसा प्रिफरेंस शेयर देते हैं एटी परसेंट पैसा इक्विटी से आता है तो इक्विटी वालों की जो फंडिंग है वो नए शेयर इशू करके नहीं है सारी रिटर्निंग से कोई बात नहीं इलेवन की फंडिंग तो इक्विटी की तरफ से आ रही है और इक्विटी फंडिंग एटी परसेंट है इक्विटी का मतलब या तो कैपिटल इशू करो या रिटेन रर्निंग दोनों का मतलब इक्विटी है तो ग्यारह हजार आठ सौ रुपये हमारे पास हैं और हम फंडिंग करते हैं एटी परसेंट तो फोर्टीन सेवन फिफ्टी की हम अरेंजमेंट कर सकते हैं इसमें बीस परसेंट जो आएगा वो डेट और प्रिफ्रेंस लेकर आएंगे और एटी परसेंट पैसा हम लेकर आ गए जो इलेवन थाउजेंड एट हंड्रेड है तो हम कितना इन्वेस्ट कर सकते हैं भैया फोर्टीन सेवन फिफ्टी हम स्पेंड कर सकते हैं इसके बाद में कह रहा है कंप्यूट मार्जिनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल व्हेन द फंड एक्सीड द अमाउंट कैलकुलेटेड इन थ्री ये जो थर्ड पॉइंट है अगर आपको इससे ज्यादा फंड की जरूरत पड़ जाए तो क्या करेंगे इससे ज्यादा फंड की जरूरत पड़ जाए तो रिटर्न तो खत्म हो गई फिर हमें नया शेयर इशू करना पड़ेगा तो नई इक्विटी शेयर कैपिटल हमारे को रेज करनी पड़ेगी कह रहे हैं एज्यूमिंग न्यू इक्विटी इशूड एट रुपीज ट्वेंटी पर शेयर नया शेयर बीस रुपए में इशू होगा तो हमें सबसे पहले निकालना पड़ेगा नया केई नए केई के अंदर हमारे पास डी वन वन पॉइंट वन एट है P0, नया वाला 20 हो गया हमारा। आप इसको नेट प्रोसीड भी लिख सकते हो ग्रोथ आ गई तो फिफ्टीन पॉइंट नाइन हो गई हमारी केई नए वाला अब हमें निकालना है यहां पर मार्जिनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल तो ये जो नया वाला इक्विटी है इससे कितना पे फंडिंग एटी जो डेट और प्रीफरेंस है डेट और प्रीफरेंस इससे फंडिंग पंद्रह परसेंट इससे फंडिंग पांच परसेंट तीनों को जोड़ दीजिए डब्ल्यू ए आपके पास आ जाएगा तो एट पॉइंट थ्री थ्री डेट वाले पंद्रह परसेंट देंगे इलेवन पॉइंट नाइन सिक्स फाइव परसेंट और यह नई इक्विटी से जो आएगा एटी परसेंट फंडिंग ये करेंगे ये कब हो रहा है जब हमारे थर्ड पॉइंट से मंगवाए गए पैसे खत्म हो गए और अब हमें उसके ज्यादा पैसे चाहिए थर्ड पॉइंट तक पैसा कहां से आ रहा था रिटेन अर्निंग से आ रहा था ओके okay. इसके बाद में हमारे पास है बीबीक्यू सेवेंटी सिक्स कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ डी लिमिटेड एज ऑन थर्टी फर्स्ट मार्च टू थाउजेंड ट्वेंटी थ्री गिवेन बिलो इक्विटी शेयर कैपिटल थर्टी लैख प्रीफरेंस शेयर कैपिटल टेन लैक डिवेंचर टेन लैक ओके करंट मार्केट प्राइस ऑफ इक्विटीज एटी रुपीज पर शेयर कंपनी हैज पेड पेड डिविडेंड फोर्टीन पॉइंट जीरो सेवन ये डी जीरो है सेवन ईयरस अगो इट पेड डिविडेंड ऑफ टेन पर शेयर एक्सपेक्टेड डिविडेंड सिक्सटीन ये डी वन हो गया ग्रोथ के लिए क्या करेंगे ग्रोथ के लिए फोर्टीन पॉइंट जीरो सेवन हो गया दस रुपए से बढ़कर सात साल में माइनस वन ये हमारे पास ग्रोथ आ जाएगी तो हमारे पास ये आ गई ग्रोथ फाइव परसेंट और सिक्सटीन रुपीज हमें दे दिया है डी वन पी जीरो हमारे पास अस्सी रुपये है ग्रोथ हमारे पास आगे निकल कर, हमारे पास के ही निकल जाएगा पूरा का पूरा डी वन डिवाइड बाई पी जीरो प्लस जी सिक्सटीन का डिविडेंड एक्सपेक्टेड अस्सी रुपये पी जीरो ग्रोथ हमारे पास ही आ गई ट्वेंटी फाइव परसेंट हमारे पास के ही निकल गया इसके बाद में कह रहे हैं सेकेंड पॉइंट एट परसेंट प्रीफ्रेंस शेयर्स आर रिडीमेबल एट सिक्स परसेंट प्रीमियम आफ्टर फाइव ईयर्स तो एन हो गया फाइव प्रीफ्रेंस शेयर सौ रुपये का है रिडेम्पन वैल्यू हो गई एक सौ छः रुपये करंट मार्केट प्राइस पर प्रीफरेंस शेयर इज वन जीरो फोर तो इशू प्राइस या नेट प्रोसीड जो हमारे पास है वो वन जीरो 4 हो जाएगी इसके बाद में ट्वेल्व परसेंट डिवेंचर रिडीमेबल है यानी में होगा. साल बाद गया. पांच पर है और डिवेंचर हमारे पास क्वेश्चन ने कुछ नहीं बोला तो सौ रुपए का हो गया पांच रुपए नाइनटी फाइव इसका नेट प्रोसीड आ जाएगा द कंपनी इज इन फोर्टी परसेंट टैक्स ब्रैकेट यहां तक है फर्स्ट नंबर पॉइंट डब्ल्यू निकालिए बुक वैल्यू वेट से अब हमारे पास ये आ गया के पी आठ रुपए का डिविडेंड वन जीरो सिक्स रिडेम्पन वन जीरो फोर हमने इशू प्राइस मान लिया के डी की बात करें तो एक सौ बीस रुपए रिडेम्पन नाइनटी फाइव हमारे पास नेट प्रोसीड आ गया सौ रुपए में इशू करा पांच रुपए फ्लोटेशन कॉस्ट ठीक है इसके बाद में हमारे पास ये बुक वैल्यू के बेसिस पर डब्ल्यू सीसी निकल गया इसके बाद में क्वेश्चन निकाले इन ऑर्डर टू फाइनेंस एन एक्सपेंशन प्लान द कंपनी इंटेंड टू बोरोन परसेंट लॉन्ग टर्म लोन ऑफ थर्टी लैक तो हमारे पास ये सब कुछ जो है इसमें अब तीस लाख रुपए का लोन और जोड़ने वाला है फिफ्टीन परसेंट का उसका रेट होगा ओके दिस फाइनेंस डिसीजन इज एक्सपेक्टेड टू इंक्रीज डिविडेंड ऑन इक्विटी शेयर सिक्सटीन टू एटीन अब नया के ही निकलेगा जिसमें अट्ठारह रुपए का डिविडेंड होगा हाउ एवर मार्केट प्राइस ऑफ इक्विटी शेयर डिक्लाइन एटी टू सेवेंटी टू अब पी जीरो सेवेंटी टू हो जाएगा ग्रोथ हमारी जो पाँच परसेंट थी वही रहेगी एटीन डिवाइड बाई सेवेंटी टू अब हमारे पास के ही हो जाएगा थर्टी परसेंट ठीक है जी कह रहे हैं आपको बताइए डब्ल्यू एस सी सी कितनी होगी एक्सपेंशन प्रोग्राम के बाद तो हमारे पास अब जो इक्विटी है उसका जो के है वो थर्टी हो जाएगा प्रिफ्रेंस शेयर और डिवेंचर हमने जो निकाले हैं वही रहेंगे और जो नया लोन आया है उसका हम रेट निकाल देंगे वन माइनस टैक्स है फिफ्टी परसेंट टैक्स है तो ये हमारे पास सेवन पॉइंट फाइव परसेंट आ जाएगा ये हमारे पास आ गई के ई डिवाइज थर्टी परसेंट के टी आई अच्छा चालीस परसेंट टैक्स है वन मिनट फोर्टी परसेंट टैक्स है ये पॉइंट फोर हमारे पास आ जाएगा नाइन परसेंट ओके ये नाइन परसेंट आ गया अब हमारे पास इक्विटी शेयर प्रिफ्रेंस डिवेंचर और एक नया टर्म लोन हो रहा गया इनकी के हमने निकाल रखी है डब्ल्यू सी सी निकल कर आ जाएगी इसका काम खत्म कॉस्ट ऑफ कैपिटल पूरी तरीके से ख़त्म कॉस्ट ऑफ कैपिटल के अंदर हमारे पास जितने भी कॉम्पोनेंट्स थे वो हमने सारे देख लिए और डब्ल्यू ए सी सी भी हमने सारा का सारा देख लिया मुझे बताइए कितने बच्चों को मजा आ गया और बिल्कुल कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्लियर हो गया बेटा इक्विटी फंडिंग 80 परसेंट है तो इक्विटी शेयर से जो भी पैसा आपके पास आ रहा है 11800 समथिंग वो 80 परसेंट टोटल फंड का होगा तो आपके पास आ सकता है जी थैंक यू सर इतना इजी बनाने के लिए मस्त मौज आ गई सर ये चैप्टर कितने मार्क्स का आता है फाइव टू टेन मार्क्स का ये चैप्टर आता है बिल्कुल एकदम सिंपल चैप्टर है बिल्कुल सिंपल अब हम लोग करेंगे कैपिटल स्ट्रक्चर लेकिन दस मिनट का लेते हैं ब्रेक कैपिटल स्ट्रक्चर में टाइम बहुत कम लगेगा वो बहुत आसान है बहुत ही सिंपल है बहुत ही आसान चैप्टर और ये ब्रेक ले लेते हैं हम कैपिटल स्ट्रक्चर में टाइम बहुत ज्यादा कम लगने वाला है सिक्स फिफ्टी सिक्स हो रहे हैं हम ले लेते हैं इसमें दस मिनट का ब्रेक और सेवन सिक्स पर हम स्टार्ट करेंगे ठीक है इतने वीडियो को लाइक करते रहिए वीडियो को लाइक करना बहुत जरूरी है उससे नंबर बढ़ेंगे आप लोगों के जी क्या होता है ना कोग्राम डालना होता है कुछ नेबलाइजर क्या चीज होती है नेबलाइजर नेबलाइजर क्या होता है ये नहीं हमने तो कुछ ऐसा चालू नहीं किया हम्म अच्छा होती क्या चीज है हाँ। हाँ जी अब लोग अब हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं कैपिटल स्ट्रक्चर बहुत ही सिंपल और आसान सा चैप्टर है इसमें कुछ थ्योरी है उनके बड़े बेसिक से न्यूमेरिकल होते हैं एग्जाम में इससे न्यूमेरिकल आता रहता है फाइव मार्क्स का अप्रोक्स आप इसको पकड़ के चलिए कि फाइव मार्क्स अप्रोक्स इसका आपको न्यूमेरिकल देखने के लिए मिल जाएगा हम लोग कर रहे हैं लाइव चैट को ऑफ और चालू करते हैं कैपिटल स्ट्रक्चर देखिएगा कैपिटल स्ट्रक्चर तो हमें पता है कि भाई कैपिटल स्ट्रक्चर का मीनिंग होता है कि कॉम्बिनेशन ऑफ फंड जो होता है जैसे इक्विटी से डेट से प्रीफ्रेंस से किस रेशो में पैसा आया तो एटी ट्वेंटी सिक्सटी थर्टी टेन इस तरीके से इसके ऊपर कुछ थ्योरी दी गई है कि भाई हमारे पास अगर हम पैसा डेट से मंगवाएं तो क्या होगा इक्यूटी से मंगवाएं तो क्या होगा अलग अलग अपने टाइम की अलग अलग थ्योरी लिखी गई हैं वो थ्योरीज और उनके न्यूमेरिकल यहां पर हम लोग देखेंगे इसका एक हिस्सा है ईबीआईटीपीएस एनालिसिस जो हमने फर्स्ट चैप्टर बना रखा है तो वो हमने तोड़कर अलग कर दिया तो ये चैप्टर ऑटोमेटिकली और छोटा हो गया है अब यहां पर जो ये पूरा का पूरा चैप्टर है इसमें आपको ये चीज ध्यान रखनी है कि इन्होंने बोला है थ्योरी लिखते हुए कि हम ये मानकर चल रहे हैं कि सिर्फ दो ही सोर्स हैं इक्विटी और डेट तो preference shares आपको इस पूरे चैप्टर में कहीं देखने के लिए नहीं मिलेगा उसी के ऊपर सारी थ्योरी दी गई है कैपिटल स्ट्रक्चर थ्योरी कैपिटल स्ट्रक्चर थ्योरी में कुछ है रेलिवेंस थ्योरी रेलिवेंस थ्योरी कहती है कि अगर आप कैपिटल स्ट्रक्चर में कुछ चेंज करोगे जैसे मेनली ये रहेगा कि डेट का इस्तेमाल ज्यादा करोगे तो आपकी जो मार्केट वैल्यू ऑफ फर्म है और मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी है उस पर इफेक्ट पड़ेगा तो रेलिवेंस थ्योरी कहती है कि डेट प्रपोर्शन को चेंज करने से आपकी मार्केट वैल्यू ऑफ फर्म और मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी बदल जाती है रेलिवेंस थ्योरी में नेट इनकम अप्रोच और ट्रेडिशनल अप्रोच दो अप्रोच रहेंगी दो थ्योरी रहेंगी इसके बाद रहती है इनरेलीवेंस थ्योरी इनरेलीवेंस थ्योरी कहती है कि डेट के इस्तेमाल से मार्केट वैल्यू ऑफ फर्म और इक्विटी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा इसमें नेट ऑपरेटिंग इनकम एनओआआई और मोदी गिलानी एंड मिलर दो अप्रोच रहती हैं दोनों सेम हैं मोदी गिलानी एंड मिलर ने कुछ एडमशन बस एक्स्ट्रा बता दिए हैं इसके बाद में कुछ अदर थ्योरी हैं जो न्यूमेरिकल बेस्ड नहीं है इस पर कोई न्यूमेरिकल नहीं बनेगा ये जनरल ट्रेड ऑफ और पैकिंग ऑर्डर थ्योरी हमारे पास रहेगी सबसे पहली अप्रोच है हमारी नेट इनकम अप्रोच ये अप्रोच कहती है कि कैपिटल स्ट्रक्चर डिसीजन रेलिवेंट है यानी अगर आप डेट इक्विटी के रेशो को बदलेंगे तो ऐसी सिचुएशन में मार्केट वैल्यू ऑफ फर्म बदल जाएगी अप्रोच के हिसाब से के डी और के ई कॉन्स्टेंट रहेंगे यानी आप डेट का प्रपोर्शन बढ़ाओ या कम करो आपके पास के डी और के ई कॉन्स्टेंट रहेगा मान लो के डी पंद्रह परसेंट है और के ई बीस परसेंट है तो दोनों कॉन्स्टेंट रहेंगे वो चेंज नहीं होंगे केओ डिक्रीज हो जाएगी यानी कॉस्ट ऑफ कैपिटल अगर आप डेट का इस्तेमाल करोगे तो बेसिकली डेट सस्ता सोर्स है सस्ते सोर्स का इस्तेमाल करोगे तो आपकी ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल कम हो जाएगी मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी और फर्म की वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी अगर आप डेट का इस्तेमाल करते हो तो, तो इनका कहना है कि डेट का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करो डेट का इस्तेमाल करने से क्योंकि वो चीप सोर्स है आपकी मार्केट वैल्यू ऑफ फर्म आपकी मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी इंक्रीज हो जाएगी ये काम किस तरीके से करता है वो मैं आपको एग्जाम्पल के फॉर्म में बता देता हूँ एक है हमारे पास अनलिवर्ड फर्म जिसमें कोई लोन नहीं है अनलिवर्ड यानी लोन के बिना है एक है लिवर्ड फर्म ठीक है तो मैं ले लेता हूँ यहाँ पर कई फिफ्टीन uh, परसेंट डेढ़ लाख रुपए की ऑपरेटिंग इनकम ई हमारा एक लाख पचास हजार है ठीक है इंटरेस्ट हमारे पास अनलिवर्ड में कोई इंटरेस्ट नहीं होगा और इंटरेस्ट का रेट है हमारा मान लीजिए एट परसेंट हमने दो लाख रुपए का लोन लिया है तो यहां पर सिक्सटीन थाउजेंड का इंटरेस्ट आपका माइनस हो जाएगा यह आपके पास आ गया अर्निंग बिफोर टैक्स ये आ गया वन लैख फिफ्टी थाउजेंड और ये आ गया वन लैख थर्टी फोर थाउजेंड ठीक है अब जो आपके पास अर्निंग बिफोर टैक्स है हम ये मान लेते हैं कोई टैक्स नहीं है टैक्स होगा तो वो भी माइनस होकर आगे बढ़ जाएंगे हम लोग तो हमारे पास कोई टैक्स नहीं है और चलो टैक्स भी ले लो टैक्स आपके पास थर्टी परसेंट है फोर्टी फाइव और वन थर्टी फोर माइनस थर्टी परसेंट थ्री एट हंड्रेड तो बचा है 93,800, 40,200 का टैक्स ये हो गया वन लैक फाइव थाउजेंड अब हम अर्निंग आफ्टर टैक्स आ गया यानी इक्विटी के लिए कमाई इक्विटी के लिए कमाई को हम केई से डिवाइड करेंगे मैं मान रहा हूं कि 15% परसेंट हमारा केई है तो ये कहता है कि केई यहां पर भी 15% ही रहेगा ओके जी अब जो मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर्स है जिसको हम एस या ई e से दिखाते हैं

और यहां पर आ जाएगी एट लैक ट्वेंटी फाइव थाउजेंड ट्रिपल थ्री ये एन आई अप्रोच इस तरह से चलता है इसका न्यूमेरिकल भी बिल्कुल ऐसे ही रहेगा बड़ा सिंपल है ऑपरेटिंग इनकम आ गई हमारे पास इंटरेस्ट माइनस करिए ईबीटी आ जाएगा टैक्स माइनस करिए ईएटी आ जाएगा जो भी अर्निंग आफ्टर टैक्स होती है या अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होती है उसे हम के से डिवाइड करते हैं तो मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर आ जाती है डेट फेस वैल्यू पे ऐड किया जाता है ये माना जाता है फेस वैल्यू मार्केट वैल्यू सेम है दोनों को ऐड करने के बाद मार्केट वैल्यू ऑफ फर्म आ जाती है अब अगर हम केओ कर देखें तो के ओ का फॉर्मूला हमारे पास क्या रहता था के ई डब्ल्यू के डी डब्ल्यू डी तो सबसे पहली चीज जो मार्केट वैल्यू ऑफ फर्म आपके पास में आ रही है इसके थ्रू भी आप के ओ निकाल सकते हैं एक के ई डब्ल्यू के डी डब्ल्यू डी वाला फॉर्मूला था जो हम कॉस्ट ऑफ कैपिटल में लगाते थे यहां यह भी इस्तेमाल किया जा सकता है और दूसरा फॉर्मूला इस्तेमाल किया जा सकता है पूरी फर्म की कमाई ईबीआईटी आफ्टर टैक्स क्योंकि cost of capital after tax होती है पूरी फर्म की कमाई को वैल्यू फर्म से डिवाइड कर दो तो के आ जाएगा जैसे यहां पे 1.5 लाख की कमाई है after tax किया उसको आपने और वैल्यू ऑफ फर्म 7 लाख से डिवाइड कर दिया तो डेढ़ लाख माइनस पचास परसेंट डिवाइड बाई सेवन लैख हमारे पास आ गया डेढ़ लाख रुपए टैक्स कितना है तीस 30% 1.5 लाख बाई 7 लाख ये आ गया 15% तो पहले वाले का केओ 15% आ गया हमारे पास अनलिवर्ड फर्म का के और केओ सेम रहता है रीजन इसके पास सिर्फ एक ही सोर्स ऑफ फाइनेंस है वो है इक्विटी तो 100% पैसा इक्विटी से आया तो इक्विटी 15% है तो केओ भी 15% हो जाएगा अब दूसरी फर्म के अंदर देखते हैं 1.5 लाख 1 टैक्स और एट लैख ट्वेंटी फाइव थाउजेंड ट्रिपल ये आसान तरीका है के निकालने का तो हम कैपिटल स्ट्रक्चर के अंदर क्या करके चलेंगे हम इसका जो के ओ निकाला करेंगे वो ई बी आई टी माइनस टैक्स यानी फर्म की आफ्टर टैक्स कमाई डिवाइड बाई वैल्यू ऑफ फर्म कर देंगे ये आ गया हमारे पास 12.72 पॉइंट तो हमने डेट का इस्तेमाल किया तो डेट का इस्तेमाल करने की वजह से हमारे पास वैल्यू ऑफ फर्म बढ़ गई और के ओ कम हो गई तो एनआई एप्रोच कहता है कि डेट का इस्तेमाल करना रेलिवेंट हुआ न्यूमेरिकल इसका बिल्कुल सिंपल होता है फर्म की वैल्यू कैसे निकालेंगे ईबीआईटी इंटरेस्ट कुछ होगा नहीं वन माइनस टैक्स लीजिए उसको के ही से डिवाइड कर दीजिए या के ओ से वैल्यू ऑफ इक्विटी आ जाएगी डेट है नहीं तो वैल्यू ऑफ इक्विटी और वैल्यू ऑफ फर्म इसमें सेम रहता है लिवर्ड के अंदर क्या करना होगा इंटरेस्ट माइनस करके ईबीटी पे आइए टैक्स है तो माइनस कर दीजिए नहीं है तो कोई बात नहीं फिर आप के से डिवाइड करेंगे के केई दोनों फर्म का सेम रहेगा एच पर एन आई अप्रोच इसके बाद में डेट की वैल्यू जोड़कर वैल्यू ऑफ फर्म आ जाएगी तो हमारे पास जो वैल्यू ऑफ फर्म है उसके अंदर डेट और इक्विटी का कॉम्बिनेशन रहता है अगर कभी आपसे पूछा जाए मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर बताओ तो वी में से आप डी हटा दीजिए अगर पूछता है डेट की वैल्यू बताओ तो वो फेस वैल्यू लेकर हमें चलना है अगर हम इसके न्यूमेरिकल्स देखें तो फॉर्मूले में अगर शेयर्स की वैल्यू निकालनी है ईटी माइनस आई इंटरेस्ट चला गया ई आ गया वन माइनस टैक्स से डिवाइड मल्टीप्लाई uh, करा आफ्टर टैक्स हो गया के ई से डिवाइड कर दीजिए आ जाएगा या फिर फर्म की वैल्यू पता है तो उसमें से डी हटा दो फर्म की वैल्यू में से डी हटेगा ई आ जाएगा आपके पास वैल्यू ऑफ डेट सिंपल है फेस वैल्यू लेनी होती है कोई दिमाग नहीं लगाना वैल्यू ऑफ फर्म में एस और डी को जोड़ दीजिए या फिर वैल्यू ऑफ फर्म के अंदर आप पूरी फर्म की कमाई को के ओ से डिवाइड कर सकते हैं पूरी फर्म की कमाई को के ओ से डिवाइड करोगे तो वैल्यू ऑफ फर्म आ जाएगा और पूरी फर्म की कमाई को वी से डिवाइड करोगे तो के ओ निकल जाएगा बड़ा सिंपल है पूरी फर्म की कमाई उठाओ आफ्टर टैक्स के ओ से डिवाइड करो तो वी आ गया और अगर वी से डिवाइड करोगे तो के ओ आ जाएगा ओके या फिर आप के ईडब्लू के डी डब्ल्यू डी करके भी कर सकते हैं के ईडब्ल्यू के डी डब्ल्यू डी लंबा प्रोसेस है यह प्रोसेस आसान रहेगा तो कैपिटल स्ट्रक्चर में कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकालना आपके लिए इजी होने वाला है अच्छा केई निकालने का तरीका क्या रहेगा आपके पास में आप इक्विटी शेयर होल्डर की कमाई यानी कि ईबीआईटी माइनस आई करा पहले फिर उसको आफ्टर टैक्स करा डिवाइडेड बाय पीडी है नहीं इस क्वेश्चन यहां इस चैप्टर में पीडी नहीं है वरना माइनस पीडी भी होता तो पीडी इस चैप्टर में ही नहीं तो ईबीआईटी माइनस आई 1 माइनस टैक्स किया के केई से डिवाइड किया तो वैल्यू ऑफ शेयर आ गया अगर एस से डिवाइड करोगे तो केई निकल आएगा तो अगर शेयर होल्डर के लिए जो कमाई है उसे ऐसे डिवाइड करेंगे तो केई निकल कर आ जाएगा अनलिवर्ड फर्म में केई और के ओ सेम रहते हैं ठीक है तो एक तो हो गई एन आई एप्रोच बड़ा सिंपल सा है अनलिवर्ड फर्म की सीधी वैल्यू निकल जाएगी केई से डिवाइड करेंगे वैल्यू ऑफ शेयर आ जाएगा केई की कमाई को लीवर्ड के अंदर आप इंटरेस्ट माइनस करते हुए जाएंगे वहां इंटरेस्ट भी होगा केई सेम रहेगा दोनों फर्म का के ही से डिवाइड करेंगे वहां पर आपके अन लिवर्ड फर्म के शेयर की वैल्यू आ जाएगी उसमें डेट जो भी होगा वो जोड़ देंगे वैल्यू ऑफ फर्म आ जाएगी के ओ निकालना बड़ा सिंपल है ई बी आई टी आफ्टर टैक्स करिए और डिवाइड बाई वैल्यू ऑफ फर्म रख दीजिए ठीक है इसके अंदर के डी और केई कॉन्स्टेंट रहते हैं जितना डेट का इस्तेमाल करोगे उतना फायदा होगा इसके बाद में दूसरी अप्रोच है ट्रेडिशनल अप्रोच ट्रेडिशनल अप्रोच कहती है कि तीन फेज होते हैं पहला फेज होता है जब के ई और के डी कॉन्स्टेंट रहते हैं देखिए यहां पर ये यह दोनों सीधे सीधे हैं उसके बाद में एक फेज आता है जब के ई बढ़ने लग जाता है के डी कॉन्स्टेंट रहता है फिर अगला फेज आता है जब के ई भी रहा होता है और के डी भी रहा होता है यानी यहां पर कुछ भी फिक्स नहीं है सब कुछ अनस्टेबल है तो एज पर ट्रेडिशनल अप्रोच ना के ई फिक्स है ना के डी फिक्स है ना ही के ओ फिक्स है ये सब बदलते रहते हैं तो आपको क्वेश्चन हर अलग अलग कैपिटल स्ट्रक्चर पर के डी ई की वैल्यू प्रोवाइड करेगा आप चेक करके देखेंगे के ओ निकाल कर के के ओ कितना रहा है तो जैसे मान लीजिए ये इक्विटी का प्रोपोर्शन ये डेट का प्रोपोर्शन हंड्रेड परसेंट पैसा इक्विटी से डेट से कुछ नहीं तो यहां पर के और के डी इस सिनेरियो में कितने होंगे बताएगा के डी तो है ही नहीं परसेंट है ओके फिर कह देगा अगर ये नाइन्टी परसेंट पैसा लगाएं टेन परसेंट पैसा लगाएं तो के ई अट्ठारह होगा के डी दस परसेंट हो जाएगा अच्छा जी ये एटी परसेंट पैसा लगाएं और ये ट्वेंटी परसेंट पैसा लगाएं तो के ई ट्वेंटी परसेंट हो जाएगा ये आपका टेन परसेंट हो जाएगा फिर ये सेवेंटी परसेंट पैसा लगाएं ये थर्टी परसेंट पैसा लगाएं तो ये आपका ट्वेंटी वन परसेंट हो जाएगा ये ट्वेल्व परसेंट ऐसे अलग अलग बता देगा के ई के डी तो आपको इनके वेट दिए जाएंगे साथ में तो आपको अलग अलग वेट के हिसाब से इनका हर केस का के ओ निकालना पड़ेगा कि केओ कितना कितना आ रहा है जिस लेवल पे केओ सबसे कम होगा मान लो यहाँ पर सबसे कम है तो वो ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर या बेस्ट कैपिटल स्ट्रक्चर कहलाएगा अब देखते हैं ट्रेडिशनल अप्रोच

उसके बाद में बढ़नी चालू हो जाएगी तो एच पर ट्रेडिशनल अप्रोच स्टार्टिंग में के ओ गिरता है और बीच में एक बार स्टेबल होने के बाद फिर बढ़ना शुरू कर देता है यहां पर के मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी फर्म सब कुछ वेरिएबल है यानी आपको हर बार के ओ अलग अलग कैपिटल स्ट्रक्चर पर निकाल कर देखना पड़ेगा कंपनी हैज टू सेलेक्ट कैपिटल स्ट्रक्चर विद लोएस्ट के ओ और हाईएस्ट मार्केट वैल्यू ऑफ फर्म तो हमें हर लेवल पे चेक करना होगा जब क्वेश्चन आएंगे इसके दिखाऊंगा मैं इसके बाद आती है एनओआई एन अप्रोच कहता है कि कैपिटल स्ट्रक्चर डिसीजन इरेलीवेंट हैं आप अगर डेट का इस्तेमाल करोगे तो उससे वैल्यू ऑफ फर्म पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा इसका कहना क्या रहता है कि जब आप डेट का इस्तेमाल करते हो तो डेट का इस्तेमाल करने की वजह से रिस्क बढ़ जाता है इक्विटी शेयर होल्डर के ऊपर और उनका केई इंक्रीज हो जाता है यानी कि ये किस तरह से कहते हैं जैसे मान लीजिए एक अनलिवर्ड फर्म है और एक लीवर्ड फर्म है अनलिवर्ड फर्म का केई मान लीजिए बीस है और उसका के ओ भी बीस परसेंट हो गया क्योंकि अनलीवर्ड में तो कोई हो रहा ही नहीं अब मान लीजिए लीवर्ड फर्म में के ई और के डी ठीक है के डी टेन परसेंट है और इनसे जो पैसा मंगवाया है वो हमने मंगवाया है एटी इस टू ट्वेंटी के रेश में अब अगर हम इसका के ओ निकालें तो इसका के ओ कैसा आएगा के ई ई प्लस के डी डब्लू डी तो ये कहता है कि देखो यहाँ का के ओ बीस परसेंट है ना तो यहां का भी बीस परसेंट ही रहेगा ये कहता है के फिक्स है अब के ई हमें पता नहीं लेकिन वेट है इसका एटी बाई हंड्रेड ओके परसेंट अब के डी कितना है दस परसेंट और उनका वेट कितना है ट्वेंटी परसेंट तो ये कितना हो गया दो परसेंट दो परसेंट सामने जाकर माइनस हो गया एटीन परसेंट इक्व टू के मल्टीप्लाई बाई एटी परसेंट अब ये एटी परसेंट डिवाइड हो जाएगा 18 80 तो फर्म का के बढ़ जाएगा के ओ सेम रहेगा तो जैसे जैसे आप लोन का इस्तेमाल करते जाओगे वैसे वैसे आपका केई इंक्रीज होता चला जाएगा ये कहती है एनओ आई अप्रोच पर ये जो थ्योरी है ये सिर्फ तब काम करती है जब टैक्स ना हो अगर टैक्स नहीं है अगर टैक्स है तो फर्क पड़ जाएगा तो एनओ अप्रोच में हमारे पास स्टेप क्या रहता है इसके अंदर स्टेप इस वन रहता है सबसे पहले वैल्यू ऑफ अनलिवर्ड फर्म निकाल लो आप अनलिवर्ड वैल्यू निकालना बड़ा सिंपल है अनलिवर्ड फर्म की आफ्टर टैक्स इनकम डिवाइडेड बाई अनिवर्ड फर्म का के तो जैसे मान लो ये दस लाख आ गया ठीक है जी अब स्टेप इस टू इसमें रहेगा वैल्यू ऑफ लिवर्ड फर्म के लिए वैल्यू ऑफ लिवर्ड और अनलिवर्ड सेम होते हैं

एम एम अप्रोच और एन सेम तरीके से बिल्कुल क्वेश्चन करते हैं पहले अनलिवर्ट की वैल्यू निकालो पूरी फर्म की आफ्टर टैक्स कमाई डिवाइड बाई के हो फिर लीवर्ड फर्म की निकालो जनरली टैक्स वाले ही क्वेश्चन आएगा वरना कोई रेलिवेंस नहीं फिर तो दोनों दस दस लाख हो जाएंगे अब यहाँ पर जैसे टेन पॉइंट नाइन लेकर आ गया इसमें शेयर्स की वैल्यू और डेट की वैल्यू की बात की जाए तो डेट तीन लाख रुपये बाकी जो बचा हुआ हुआ वो शेयर्स की वैल्यू आ जाएगी तो हमारे पास यहाँ पर ये कहता है कि के डी के ओ मार्केट वैल्यू ऑफ फर्म कॉन्स्टेंट रहेंगे विदाउट टैक्स स्ट्रक्चर टैक्स स्ट्रक्चर के केस में डेट के लेने से डेट लेने से आपको फायदा होगा ओके okay. अगर टैक्स स्ट्रक्चर है तो डेट लेने से मार्केट वैल्यू ऑफ फर्म लीवर्ड फर्म की पड़ जाएगी ओके okay. इसके अंदर स्टेप वन क्या रहेगा अनलीवर्ड फर्म की वैल्यू निकालिए फर्म की पूरी कमाई आफ्टर टैक्स डिवाइड बाई के ओ और फिर लीवर्ड फर्म की वैल्यू निकाल दीजिए अनलीवर्ड में प्लस कर दीजिए डी मल्टीप्लाई बाई टैक्स फिर हमारे पास आती है मोदी गिलानी एंड मिलर एप्रोच मोदी गिलानी एंड मिलर है लेकिन उसमें मानी जाए तो एनओ आई अप्रोच ठीक हो जाएगी बोले ये ही आपको याद रखनी है बोले कैपिटल मार्केट परफेक्ट होना चाहिए सारी की सारी इंफॉर्मेशन फ्रीली अवेलेबल होनी चाहिए कोई ट्रांजेक्शन कॉस्ट नहीं होनी चाहिए इन्वेस्टर्स रेशनल होने चाहिए आप इक्ट रिस्क क्लास में अलग अलग फर्म्स को ग्रुप कर सकते हो और कॉरपोरेट टैक्स नहीं होना चाहिए इनका मतलब क्या है पहले वो बता देता हूं कैपिटल मार्केट परफेक्ट है यानी कि मार्केट में जिस शेयर का जेन्युनली जो प्राइस होना चाहिए वही रहे उसमें फ्लक्चुएशन ना हो इसे कहते हैं कैपिटल मार्केट का परफेक्ट होना इन्फॉर्मेशन फ्रीली अवेलेबल होने का मतलब किसको कौन सा टेंडर मिल रहा है किसको कौन सा ऑफर मिलने वाला है ये सारी चीजें मार्केट में सबको पता होनी चाहिए ट्रांजेक्शन कॉस्ट ना होना यानी कोई एस कुछ कोई टैक्स वैक्स कुछ नहीं है ट्रांजेक्शन टैक्स नहीं है कोई ट्रांजेक्शन कॉस्ट नहीं है आप शेयर्स को खरीद सकते हो और वहां से क्विट करके दूसरी कंपनी के शेयर्स को कभी भी खरीद सकते हो आप फ्री हो एकदम रेशनल का मतलब है आप सभी लोग इंटेलिजेंट हैं इक्वल लेवल पर मैथमेटिक्स सबको आता है और सभी शेयर्स की वैल्यू को निकाल सकते हैं इक्विवेलेंट रिस्क क्लास में बांटने का मतलब है जिसका रिस्क ज्यादा है मान लीजिए एक लेवल से ज्यादा रिस्क वाली सारी कंपनी एक जगह पर एक लेवल से कम रिस्क वाली एक जगह पर यानी जिन कंपनियों का बीटा वन है वो एक जगह पर जिनका वन पॉइंट वन है वो एक जगह पर जिनका वन पॉइंट फाइव है वो एक जगह पर रहेंगी और टैक्स नहीं होना चाहिए तो ये एजम्पन आपसे पूछी जा सकती है एजम्पन के कैपिटल मार्केट परफेक्ट होना चाहिए कोई ट्रांजेक्शन कॉस्ट नहीं होनी चाहिए सारी इन्फॉर्मेशन फ्री में मिलनी चाहिए इन्वेस्टर रेशनल होने चाहिए आप फर्म्स को उनके रिस्क के हिसाब से ग्रुपिंग कर सकते हो और कोई कॉर्पोरेट टैक्स ना हो जो सोल्यूशन है अगर हम न्यूमेरिकल की बात करें जो सोल्यूशन है वो एनओ आई और MM के सेम होते हैं यानी न्यूमेरिकल में कोई फर्क नहीं है क्योंकि दोनों की थ्योरी सेम है बस इन्होंने कुछ एजमशन को एड ऑन कर दिया तो एग्जाम में MM के ऊपर क्वेश्चन आता है कि मोदी ग्लानी एंड मिलर की अप्रोच अगर पूरी हो रही है तो बताओ तो क्वेश्चन आपको एनओआ से ही करना है इसका इसके बाद में हमारे पास एक थ्योरी है ट्रेड ऑफ थ्योरी ट्रेड ऑफ थ्योरी का मतलब है बैलेंसिंग तो ट्रेड ऑफ थ्योरी बनी हुई है कि डेट के होने पर आपको कुछ फायदे और कुछ नुकसान है उनमें बैलेंसिंग होनी चाहिए फायदा क्या क्या है डेट के होने पर एक तो ये चीप सोर्स है सस्ता है और एक इसके इंटरेस्ट की जो पेमेंट होती है उस पर टैक्स बेनिफिट मिल जाता है तो ये बेनिफिट है सस्ता है और टैक्स बेनिफिट देता है नुकसान क्या है नुकसान दो तरीके के बताए बोले एक तो फाइनेंशियल नुकसान है और एक कुछ अदर नुकसान भी है अदर नुकसान क्या है अदर नुकसान में कहा गया कि शेयर होल्डर और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के बीच में लड़ाई हो सकती है अगर आप ज्यादा डेट लो या इंटरेस्ट रेट के ऊपर और दूसरा शेयर होल्डर और डिवेंचर होल्डर के बीच में भी डिस्प्यूट हो सकता है तो शेयर होल्डर और डेट के बीच में डिस्प्यूट और शेयर होल्डर और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के बीच में डिस्प्यूट हो सकता है इसको एजेंसी कॉस्ट बोलते हैं तो एक है हमारे पास डेट लेने से एजेंसी कॉस्ट के शेयर होल्डर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के बीच में झगड़ा या शेयर होल्डर और डिवेंचर के बीच में झगड़ा दूसरा है फाइनेंशियल फाइनेंशियल डिस्ट्रेस क्या नुकसान नुकसान हो सकता है इसमें नुकसान को दो कैटेगरी में बांटा है कि आप बैंक होने वाले हैं या आप बैंक हो चुके हैं क्योंकि आप इंटरेस्ट की पेमेंट टाइम से नहीं कर पा रहे तो अगर आप बैंक होने वाले हैं तो आती है नॉन बैंक कॉस्ट कोस्ट नॉन बैंक कहती है कि आपका बिजनेस डाउन हो रहा है लेकिन अब बैंक नहीं हुए तो क्या होगा जब आप बैंक की तरफ बढ़ रहे हो ऐसी सिचुएशन में आपका स्टाफ छोड़ के भागने लग जाएगा कंपनी जो कंपनी डूबने लगती है तो उस कंपनी का सबको पता चल जाता है धीरे धीरे बैंक की तरफ बढ़ रही है तो स्टाफ छोड़ के भाग जाता है दूसरा आपके जो सप्लायर हैं वो आपको उधार देना बंद कर देंगे तो हार्ड टर्म सप्लायर्स की आ जाएगी तो ये है बैंक की तरफ बढ़ते हुए कॉस्ट इसे नॉन बैंक कॉस्ट बोलते हैं और जब आप बैंक होंगे सब क्या-क्या बेयर करना पड़ेगा जब बैंकक्रप्ट होंगे तो एक तो लीगल एक्सपेंस होंगे बैंकक्रप्ट होने के और आपकी जो एसेट्स थी वो कोड़ियों के भाव में जाएंगी तो आपकी एसेट्स बहुत लोअर प्राइस पे जाएंगी तो ट्रेड ऑफ थ्योरी कहती है कि डेट के लेने से फायदा और नुकसान दोनों है फायदा है चीपर सोर्स है और टैक्स बेनिफिट है नुकसान क्या क्या है एक तो है एजेंसी कॉस्ट एजेंसी कॉस्ट में शेयर होल्डर और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के बीच में डिस्प्यूट और शेयर होल्डर और डिवेंचर होल्डर्स के बीच में डिस्प्यूट हो सकता है दूसरी है फाइनेंशियल डिस्ट्रेस फाइनेंशियल डिस्ट्रेस में बैंक्रप्सी और नॉन बैंक कॉस्ट है नॉन बैंक कॉस्ट के अंदर है कि स्टाफ आपका भागने लग जाएगा जब आपकी कंपनी डूबने की तरफ बढ़ रही है और दूसरा आपको जो सप्लायर हैं वो अच्छी टर्म्स नहीं देंगे यानी उधार देना बंद महंगा देना शुरू कैश डिस्काउंट देनी बंद ऐसा कुछ भी वो कर सकते हैं

उसमें से एक हिस्सा डिविडेंड में दे दीजिए बाकी बिजनेस में रोक लीजिए तो जितना पैसा आप बिजनेस में रिटेन करते जाएंगे उससे आपकी फंडिंग हो जाएगी तो फर्स्ट प्रीफरेंस इसी पर है इसमें कोई फ्लोटेशन कॉस्ट नहीं होती इसमें कोई प्रोस्पेक्टस वगैरह इशू नहीं होते कहीं जाकर आपको किसी आईपीओ पी ओ वाईपीओ पर क्वेश्चन निकालना घर के घर में पैसा आ जाता है रिटेन रर्निंग से दूसरा प्रीफरेंस है कि डेट से पैसा मंगवाना चाहिए और तीसरा प्रीफरेंस है कि आपको इक्विटी शेयर इशू करने चाहिए यानी फ्रेश इक्विटी शेयर सबसे लास्ट में इशू किए जाएंगे तो सबसे पहला सोर्स है ये एग्जिस्टिंग कंपनी के लिए है नई कंपनी के लिए नहीं नई कंपनी में तो पहले शेयर इशू होगा तो एग्जिस्टिंग कंपनी में सबसे पहले रिटेन रर्निंग से पैसा मंगवाओ उससे पैसा नहीं आ पा रहा तो डेट ले लो डेट से भी नहीं आ पा रहा तो लास्ट में जाके इक्विटी शेयर इशू करो ओके आर्बिट्रेट प्रोसेस अभी बाद में बताऊंगा अब इसके प्रैक्टिकल प्रॉब्लम देखते हैं बड़े आराम से देखेंगे बहुत सिंपल है कैलकुलेटर लेकर बैठ जाना बहुत सिंपल है लिमिटेड लिमिटेड एंड आर आइडेंटिकल एक्सेप्ट दैट टेन परसेंट डिवेंचर ऑफ नाइन लैख बोथ फर्म सीबीआई ट्वेंटी परसेंट ऑफ टोटल हो गया ट्वेंटी परसेंट थ्री लैख का इनका बी आई टी है एज्यूमिंग टैक्स रेट फिफ्टी परसेंट कैपिटलाइजेशन रेट एज फिफ्टीन परसेंट फोर एन ओल इक्टी फर्म तो जो ओल इक्टी फर्म अनिवर्ड है इसका कैपिटलाइजेशन रेट यानी के ओ फिफ्टीन परसेंट है और इसका केई भी फिफ्टीन परसेंट होगा क्यों भाई क्योंकि अनलिवर्ड फर्म का के और केई सेम होता है कह रहे हैं आप एन आई अप्रोच से वैल्यू फर्म निकालो तो सबसे पहले कमाई कितनी है दोनों फर्म की थ्री लैख

वैल्यू ऑफ शेयर में वैल्यू ऑफ डेट को जोड़ देंगे तो मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर आ गया इसमें डेट को जोड़ दीजिए फर्म की वैल्यू आ गई इसकी 16 लाख रुपए और इसकी 10 लाख ,000 रुपए ,000 जिसने डेट का इस्तेमाल किया उसकी मार्केट वैल्यू ऑफ फर्म ज्यादा है यही एनआई अप्रोच बोलता था सेकंड है एनओ आई अप्रोच लगाओ यही एग्जाम में पूछा जाता है मोस्ट ऑफ द टाइम तो एनओ आई के अंदर आप क्या करेंगे पहले वैल्यू निकालेंगे अनलिवर्ड फर्म की अनलिवर्ड फर्म की वैल्यू कैसे निकालेंगे यहां पर वाई अनिवर्ड कंपनी की कमाई आफ्टर टैक्स डिवाइडेड बाई कंपनी का के ओ तो यहां पर के ओ के ई सब कुछ फिफ्टीन परसेंट है लो जी फिफ्टीन परसेंट यह वैल्यू आ गई जी दस लाख अब इसके बाद में लीवर्ड फर्म की वैल्यू निकालिए अनलीवर्ड फर्म की कितनी वैल्यू है प्लस डी इंटू टी तो अनलीवर्ड फर्म की वैल्यू है दस लाख प्लस लोन है नाइन लैख का फिफ्टी परसेंट टैक्स है फोर्टीन पॉइंट फाइव लैख इसकी वैल्यू आ गई तो पहले अनलीवर्ड की वैल्यू निकालिए दस लाख फिर लीवर्ड की वैल्यू निकाले इसके बाद में कह रहे हैं ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल के ओ दोनों फर्म की बताओ एनओ आई से तो एनओ आई से पहले मैं वाई लिमिटेड की बता देता हूं पंद्रह परसेंट कैसे वाई लिमिटेड की तो के ओ के ही सब सेम रहेगा अब निकालना है एक्स लिमिटेड का तो सिंपल तरीका क्या है पूरी फर्म की कमाई उठाओ आ, यहां पर तीन लाख रुपए आफ्टर टैक्स करो और फर्म की वैल्यू से डिवाइड कर दो आ गया ये KWE वाला आपको कैपिटल स्ट्रक्चर में लगाने की जरूरत नहीं है इसमें मेहनत ज्यादा है आंसर सेम आता है तो मेहनत ज्यादा क्यों करें तो आप सिंपल लगाइए आफ्टर टैक्स सीबीआईटी और उसको वैल्यू फर्म से डिवाइड कर दीजिए बीबी क्यू सेवेंटी लिमिटेड एंड पी लिमिटेड आइडेंटिकल इन एवरी रेस्पेक्ट एक्सेप्ट कैपिटल स्ट्रक्चर एनआर लिमिटेड डॉट एम्प्लॉयड तो पी एन आर हो गई अनलिवर्ड इन इट कैपिटल स्ट्रक्चर वेयर एज पी एक्स आर लिमिटेड एम्प्लॉय ट्वेल्वेंटी हो गई लिवर्ड कह रहे हैं बी आई टी पांच लाख रुपए इक्विटी कैपिटेशन पी एन आर पी एन आर कौन सी थी अनलिवर्ड ट्वेंटी परसेंट है तो जो पी एन आर है उसका के ओ उसका सब कुछ ट्वेंटी परसेंट हो गया ठीक है जी ऑल ऑफ मोदी तो से करना है यानी एनओ आई अप्रोच से करना है वैल्यू ऑफ बोथ द फर्म तो सबसे पहले हम पी एन आर की वैल्यू निकालेंगे तो वैल्यू ऑफ पी एन आर पूरी आफ्टर टैक्स कमाई लो और के ओ से डिवाइड कर दो तो पांच लाख रुपए कमाई है आफ्टर टैक्स किया के ओ से डिवाइड किया सेवनटीन फिफ्टी आ गया अब वैल्यू ऑफ लीवर्ड फर्म यानी पी एक्स आर निकालना है तो अनलीवर्ड फर्म की वैल्यू लो ये जो लोन है बीस लाख रुपए का थर्टी परसेंट टैक्स से मल्टीप्लाई करके ऐड कर दो तो अनिवर्ड फर्म की वैल्यू प्लस लोन में थर्टी परसेंट मल्टीप्लाई करके ऐड कर दो 2350 इसका आ गया ओके जी अब कह रहे हैं वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल बताओ दोनों का तो पहले मैं पी का बता देता तो हूं बीस परसेंट है पहले से ही पता है के, के सब बीस है आगे जी अब दूसरी वाली का निकालना है तो क्या करो पूरी फर्म की कमाई को वैल्यू ऑफ फर्म से डिवाइड कर दो तो वैल्यू ऑफ फर्म से डिवाइड हो जाएगी यहां पर

लेकिन ये फ्यूचर में लीवर्ड हो जाएंगे ओके करंट मार्केट वैल्यू ऑफ कंपनी इलेवन फोर्टी लैक है इट्स कॉस्ट ऑफ कैपिटल ट्वेंटी परसेंट है तो अनलीवर्ड का के, के सब कुछ अभी 20 है अनलीवर्ड फर्म की वैल्यू इसको वी यू लिखते हैं इलेवन फोर्टी लैख है ओके okay. आगे कह रहे हैं इट्स अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स ई बी आई टी आर एक्सपेक्टेड टू रिमेन कॉन्स्टेंट इन फ्यूचर कह रहे हैं ईबीआईटी फ्यूचर में कॉन्स्टेंट रहेगा ये नहीं बताया ईबीआईटी कितना है तो हम निकाल लेंगे यहां पर वैल्यू ऑफ फर्म दी गई है वैल्यू ऑफ फर्म बताइए कैसे निकलता है ई बी आई टी वन माइनस टैक्स डिवाइडेड फर्म निकला होगा तो हमें ईबीआईटी नहीं मालूम ईबीआईटी बी वन माइनस टैक्स मालूम है के ओ हमें मालूम है बीस परसेंट है और फर्म की वैल्यू आ रही है इलेवन फोर्टी तो 1140 में 20 परसेंट को मल्टीप्लाई कर दो ए बी आई टी वन माइनस टैक्स टू इलेवन फोर्टी मल्टीप्लाई अब ये वन माइनस टैक्स हो गया सामने ले जाकर पॉइंट सेवन को डिवाइड कर दो तो यहां से हट गया ये आ गया भैया थ्री ट्वेंटी फाइव पॉइंट सेवन वन लैक्स तो थ्री ट्वेंटी फाइव पॉइंट सेवन वन हमारा 325.71 हमारा ईबीआईटी आ गया ये कॉन्स्टेंट रहेगा ईबीआईटी की तो जरूरत पड़ेगी ना क्वेश्चन में सोल्व करने के लिए ठीक है जी अब आगे क्वेश्चन क्या कह रहे हैं वो देखते हैं क्वेश्चन कह रहे हैं एक मिनट बस ये हटा दो ओके 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 ओके, ओके। हाँ जी इट्स एंटायर अर्निंग आर डिस्ट्रीब्यूटेड एट डिविडेंट एप्लीकेबल टैक्स रेट थर्टी परसेंट यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट द इम्पैक्ट ऑन द फॉलोइंग ऑन अकाउंट ऑफ द चेंज इन कैपिटल स्ट्रक्चर कैपिटल स्ट्रक्चर बदलने से क्या फर्क पड़ेगा एम एम हाइपोथेसिस से यानी एम एम अप्रोच लगानी है अब अवजय देखिए क्या नाम है इसका तो स्टॉप इस गो लिमिटेड तो स्टॉप गो जब अनलिवर्ड थी और स्टॉप गो जब लीवर्ड है इसका जो के ई है इसका जो के ओ है सब बीस परसेंट है ओके okay. इसकी जो वैल्यू ऑफ फर्म है वो इलेवन फोर्टी लैख है इसका इक्विटी की वैल्यू भी इतनी होगी डेट है नहीं इसमें अच्छा जी इसके बाद इसमेंट सेवन वन लैख है चलो जी ये इंफॉर्मेशन हमारे पास है अब ये कह रहे हैं अब बाद में क्या होगा किस किस चीज पे मार्केट वैल्यू ऑफ फर्म पे तो मार्केट वैल्यू ऑफ फर्म बताइए लीवर्ड वाले की कैसे निकलेगी लीवर्ड वाले की वैल्यू ऑफ फर्म निकलेगी वैल्यू ऑफ अन फर्म प्लस डी मल्टीप्लाई बाई टी तो इसकी वैल्यू थी ग्यारह सो चालीस लाख डेट ये टू हंड्रेड लैक का लेकर आ रहे हैं टैक्स रेट है थर्टी परसेंट तो ये हो गया 60, 1200 हो गई अब वैल्यू ऑफ फर्म तो नए वाली की वैल्यू ऑफ फर्म ट्वेल्व हंड्रेड होगी पुराने की इलेवन फोर्टी थी इंपैक्ट क्या पड़ा सिक्सटी लैख से आपकी फर्म की वैल्यू बढ़ गई तो यहां पर ट्वेल्व हंड्रेड लैक हो गई सिक्सटी लैख से आपकी फर्म की वैल्यू बढ़ गई दूसरा कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकालनी है तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल इसकी थी ट्वेंटी परसेंट अब इसकी देखते हैं पूरी फर्म की आफ्टर टैक्स कमाई थ्री ट्वेंटी फर्म की वैल्यू ट्वेल्व हंड्रेड फर्म की आफ्टर टैक्स कमाई डिवाइड बाई ट्रेडी फाइव पॉइंट सेवन माइनसेंट डिवाइडेड बाई ट्रेड ये हो गया भैया तो पहले कॉस्ट ऑफ कैपिटल ट्वेंटी थी अब नाइनटीन हो गई एक परसेंट से ये कम हो गई सिक्सटी लैख से बढ़ गया था ओके okay. तो हमारे पास अब कॉस्ट ऑफ कैपिटल पे क्या पड़ा नाइनटीन परसेंट हो गई 1 से कम हो गई लास्ट कह रहे ठीक है जी तो इसका जो कॉस्ट ऑफ इक्विटी था था वो 20 था, दोनों सेम ही रहते हैं अब लीवर्ड वाले की बात करते हैं लीवर्ड फम की वैल्यू है ट्वेल्व हंड्रेड लैख इसमें डेट का पैसा टू हंड्रेड है तो इक्विटी का कितना हो गया वन थाउजेंड लैक ओके अब हमें निकालना है के तो के ई के लिए इक्टी की कमाई ई बी आई टी माइनस आई वन माइनस टैक्स डिवाइड बाई इक्टी की वैल्यू तो ई बी आई टी है हमारे पास थ्री ट्वेंटी फाइव पॉइंट सेवन वन लैख माइनस इंटरेस्ट है टू हंड्रेड लैख के डेट किस रेट से लिए पंद्रह परसेंट से पंद्रह परसेंट से टू हंड्रेड लेख के डेट ले गए तो इसका मतलब थर्टी लैख का आपका इंटरेस्ट चला गया वन माइनस टैक्स डिवाइडेड बाई वैल्यू ऑफ इक्विटी इक्विटी की वैल्यू एस लिख सकते हैं तो वन थाउजेंड लैक इसकी वैल्यू है ये आपके पास 000, आ गया जी थ्री ट्वेंटी फाइव पॉइंट सेवन वन माइनस थर्टी लैख और माइनस तीस परसेंट टैक्स चला गया डिवाइड बाई वन थाउजेंड लैक परसेंटेज ट्वेंटी पॉइंट सिक्स नाइन नाइन सेवन तो ट्वेंटी पॉइंट सेवन जीरो परसेंट इक्विटी की वैल्यू आपकी कई हो गया यहां पर केवेंटी पॉइंट सेवन जीरो पहले कितना था ट्वेंटी परसेंट अब ट्वेंटी पॉइंट सेवन तो केवन जीरो परसेंट से बढ़ गया इस तरह से क्वेश्चन है आप देखेंगे इसको तो ये आपको लड्डू लगने लगेगा बस ये तो ऐसे वैल्यू निकालनी होती है इसे डिवाइड करना होता है काम खत्म इसके बाद में एक बीबीक्यू क्यू ए बहुत ज्यादा फेमस है एग्जाम एग्जामिनर को बहुत पसंद है पता नहीं क्यों लेकिन पूछता बहुत है एल्फा लिमिटेड एंड बीटा लिमिटेड आर आइडेंटिकल एक्सेप्ट फॉर कैपिटल स्ट्रक्चर एल्फा लिमिटेड है फिफ्टी परसेंट डेट एंड फिफ्टी परसेंट इक्विटी अच्छा जी बीटा है ट्वेंटी परसेंट डेट एंड एटी परसेंट इक्विटी तो एल्फा के पास फिफ्टी फिफ्टी है और बीटा के पास ट्वेंटी परसेंट डेट एटी इक्विटी है और ट्वेंटी डेट है नीचे वाला मैंने डेट ले लिया ऊपर वाला इक्विटी ले लिया ठीक है जी ऑल परसेंटेज आर इन मार्केट वैल्यू टर्म कोई फर्क नहीं पड़ता इससे बोरोइंग रेट इज एट परसेंट इंटरेस्ट का रेट आठ परसेंट है नो टैक्स वर्ड यानी कोई टैक्स वैक्स नहीं है कैपिटल मार्केट एज्यूम टू वी परफेक्ट है चलो जी कोई बात नहीं इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता इफ यू ओन टू परसेंट शेयर्स ऑफ एल्फा डिटरमाइन योर रिटर्न इफ द कंपनी हैज नेट ऑपरेटिंग इनकम थ्री सिक्सटी एंड ओवरऑल कैपिटलाइजेशन रेट इज एटीन परसेंट सबसे पहली चीज ओवरऑल कैपिटलाइजेशन रेट एटीन परसेंट है और ई बी आई टी थ्री सिक्सटी है तो देखिए इसका मतलब थ्री सिक्सटी हमारी ऑपरेटिंग इनकम है कैपिइजेशन रेट अट्ठारह परसेंट है तो आप अपनी कमाई को फर्म की अगर फर्म के के ओ से डिवाइड करेंगे तो फर्म की वैल्यू आ जाएगी कितनी आ गई है बीस लाख इसका मतलब वैल्यू ऑफ फर्म हो गई ओके कैसे किया मैंने फिर से बता देता तो, हूँ फर्म की कमाई टैक्स है नहीं तो पूरी फर्म की कमाई डिवाइड बाई पूरी फर्म का के ओ वी निकल आया बीस लाख अब जो एल्फा भाई है हमारा उसके पास आधा इक्विटी से तो दस लाख इक्विटी से दस लाख डेट से हो गया ओके अब हमारे पास कह रहे हैं हम पे दो परसेंट शेयर है तो हमारी कमाई बताओ तो पहले हम पूरी फर्म की कमाई निकालेंगे इक्विटी के लिए तो देखिए थ्री सिक्सटी की कमाई दस लाख रुपए के लोन एट परसेंट से एट्टी थाउजेंड गए टू लैख एंड आ गया इक्विटी शेयर होल्डर के लिए अर्निंग आपके पास दो परसेंट शेयर है तो इस कमाई का दो परसेंट आपको मिल जाएगा तो दो परसेंट टू एट्टी का आपको मिलेगा फिफ्टी सिक्स हंड्रेड आपको मिल जाएगा ठीक है जी इसके बाद में कह रहे हैं सेकेंड कैलकुलेट इंप्लाइड रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न ऑन इक्विटी इक्विटी के लिए इंप्लाइड रेट ऑफ रिटर्न कितनी है तो आपके पास पूरी फर्म की कमाई कितनी है 280 एटी इंप्लाइड रेट ऑफ रिटर्न यानी इक्विटी शेयर होल्डर को कितनी रिटर्न मिल रही है ये रिटर्न ऑन इक्विटी पूछ रहे हैं बेसिकली आपसे तो पूरी कंपनी को दो लाख अस्सी हजार की कमाई मिल रही है शेयर होल्डर्स को दस लाख रुपए लगाकर तो अट्ठाइस परसेंट रिटर्न इनकी आ रही है ओके okay. इसके बाद सेकंड कह रहे हैं आप दूसरी कंपनी पे आते हैं अगर इसकी भी सेम ऑपरेटिंग इनकम है अल्फा की जैसी तो इसका मतलब ये भी बीस लाख रुपए की फर्म है ठीक है जी इसका पैसा हुआ है, 80 इक्विटी में सोलह लाख इक्विटी में और चार लाख रुपए डेट में और चार लाख रुपए पे इंटरेस्ट का रेट आठ परसेंट रेट ऑफ इंटरेस्ट सेम था तो कह रहे हैं इसकी इंप्लाइड रिटर्न बताओ तो पहले इसकी कमाई निकालनी पड़ेगी फिर से थ्री सिक्सटी की कमाई एट परसेंट चार लाख पे देना है बत्तीस हजार पूरी फर्म की कमाई थ्री ट्वेंटी एट लैक है इक्विटी शेयर होल्डर के लिए और इक्विटी शेयर होल्डर का पैसा सोलह लाख रुपए लगा हुआ है तो सोलह लाख रुपए लगे हुए हैं थ्री ट्वेंटी एट कमाई ट्वेंटी पॉइंट फाइव परसेंट की कमाई है ओके जी ट्वेंटी पॉइंट फाइव परसेंट की कमाई आई है इसकी एनालाइज वाई डिफर फ्रॉम एल्फा एल्फा की कमाई अट्ठाईस थी इसकी ट्वेंटी है अलग क्यों है क्योंकि दोनों का कैपिटल स्ट्रक्चर अलग है ओके इसके बाद में ये हमारे पास एक ट्रेडिशनल का क्वेश्चन है ट्रेडिशनल अप्रोच का इसमें एक से लेकर सात तक ऑप्शन है के डी दिया गया है के ई दिया गया है ये बता दिया गया कि डेट कितना है तो ये डेट का रेशो है इसी के बराबर में इक्विटी का रेशो रख देता हूं यहां पर इक्विटी सारा पैसा ये पॉइंट में दिया हुआ है ये पॉइंट वन का मतलब दस परसेंट पैसा तो मैं भी पॉइंट में लिख रहा हूं इसके साथ में नाइनटी परसेंट पैसा एटी परसेंट सेवेंटी परसेंट सिक्सटी फिफ्टी फोर्टी परसेंट तो इक्विटी का रेशो आ गया अब के डी की परसेंटेज आ गई इक्विटी का रेशो आ गया के ई की परसेंटेज आ गई तो यहां पर यह हमारे पास आ गया डब्लू डी और यह है के डी यह है हमारे पास डब्ल्यू के ई ठीक है ये के ई और ये डब्ल्यूई ई तो के डी डी प्लस के ई डब्ल्यू ई इन दोनों को आप जोड़ेंगे तो आपके पास डब्ल्यू आ जाएगा ये निकल कर आ गया इसमें आपको चेक करना पड़ेगा सबसे सस्ता कौन है सबसे सस्ता है ट्वेल्व पॉइंट एट तो सेकेंड ऑप्शन बेस्ट है क्योंकि इसमें ट्वेल्व पॉइंट एट सबसे सस्ता बैठ रहा है तो ट्रेडिशनल अप्रोच का क्वेश्चन वैसे पूछता नहीं है क्योंकि बहुत ज्यादा सिंपल है हाँ अब हमारे पास दो क्वेश्चन है लास्ट आर्बिट्रेज के बचे हुए आर्बिट्रेज में बच्चे उलझते रहते हैं जबकि बहुत सिंपल प्रोसेस रहता है ये देखेगा आर्बिट्रेज का मतलब होता है कि कोई फर्म ओवर वैल्यूड है यानी उसकी जो जैनअन वैल्यू होनी चाहिए वो उससे ज्यादा है तो होगा क्या अगर जो ओवर वैल्यूड फर्म है उसके शेयर्स महंगे हैं तो उसके महंगे शेयर्स बेच के आप दूसरी फर्म में जाकर अगर इन्वेस्टमेंट करोगे तो आपके पास अगर आप उतना ही पैसा लगाओगे तो आपकी कमाई बढ़ जाएगी यानी जैसे मान लीजिए एक फर्म है जिसके शेयर्स 20 लाख रुपए के हो रखे हैं जबकि वो होने 15 लाख रुपए के चाहिए तो आप सोचिए आपके यहां पर 10 परसेंट शेयर होल्डिंग है तो आपने दो लाख के शेयर ले रखे हैं आप यहां से अपने शेयर बेचकर इस फर्म में जाइए जो जेनुअन रेट पे चल रही है तो ये ओवर वैल्यूड हो गई और ये नॉर्मल है ठीक है जी तो जो ओवर वैल्यूड फर्म होती है उससे अपनी शेयर होल्डिंग निकाल लो दस परसेंट आपकी है दो लाख रुपए की आपने यहां से निकाले अब आप यहां देखिए आप यहां पर दो लाख रुपए लगाएंगे तो आपको कितनी शेयर होल्डिंग मिल जाएगी थर्टीन पॉइंट थ्री परसेंट तो आप यहां पर शेयर होल्डिंग के के मालिक थे, या 13 के मालिक थे हैं तो आपके पास वाली फर्म की कमाई भी दो लाख रुपए पहले दो लाख रुपए में दस परसेंट हिस्सा था आपके पास दस परसेंट शेयर होल्डिंग थी अब आपका थर्टीन परसेंट हिस्सा होगा तो आपकी कमाई बढ़ जाएगी कुछ लोग तो ऐसा करते हैं कि अपनी कमाई बढ़ा लेते हैं कुछ लोग क्या करते हैं जैसे यहां पर टेन परसेंट शेयर होल्डिंग थी तो वो क्या करते हैं वो कहते हैं हम यहां पर अपने शेयर बेचते हैं यहां भी टेन परसेंट शेयर होल्डिंग ले लेते हैं तो शेयर होल्डिंग कितनी मिली वन पॉइंट फाइव लैक में मिल गई आपको दस परसेंट तो आपके पास दो लाख रुपए थे पचास हजार रुपए आपके सेव हो गए आपको कहीं इन्वेस्ट नहीं करने पड़े और आपका काम पचास हजार कम में हो गया अगर सेम शेयर होल्डिंग लेनी है सेम कमाई रखनी है तो इसमें दो तरीके का ट्रेट में ऑप्शन रहता है कि एक फर्म महंगी है एक सस्ती सस्ती है है महंगी फर्म फर्म से शेयर बेचकर आपको सस्ती फर्म में जाना है। तो यहां पर दो ऑप्शन रहते हैं सारा पैसा लगा दोगे तो कमाई बढ़ जाएगी यही आईसीआई सी एंटर में इसके एग्जाम्पल दिए हुए हैं तो आईसीआई ने एग्जाम्पल ये दिए हुए हैं सारा पैसा लगा दो दूसरा ऑप्शन भी होता है पर वो सीए इंटर में नहीं है दूसरा ऑप्शन ये होता है कि अगर आप सारा पैसा ना लगाओ उतनी ही शेयर होल्डिंग लो तो आपकी कमाई नहीं बढ़ेगी लेकिन इन्वेस्टमेंट कम हो जाएगा तो अगर आपका पहली फर्म में इन्वेस्टमेंट दो लाख था और आप बीस हजार कमा रहे थे तो दूसरी फर्म में बीस हजार कमाने के लिए आपको सिर्फ डेढ़ लाख रुपए लगाने पड़ेंगे तो पचास हजार रुपए कम लगाकर आपकी सेम कमाई हो जाएगी ये सीए इंटर में नहीं है सीए इंटर में दो लाख रुपए एक जगह पर लगाकर बीस हजार कमा रहे थे दूसरी जगह पर वो पूरे दो लाख रुपए लगा दो और वहां पर आपकी कमाई बीस हजार की जगह पच्चीस तीस हजार हो जाएगी आपकी कमाई बढ़ जाएगी ठीक है तो आरबी में दो सिचुएशन रहेंगी पहली सिचुएशन लीवर्ड फर्म है जो लीवर्ड फर्म है जिसके पास लोन था वो ओवर वैल्यूड है तो आप लीवर्ड फर्म से अनलीवर्ड की तरफ जाएंगे सबसे पहले आप अपने सारे शेयर बेच दीजिए बेच दिए अब आप क्या करेंगे आप लीवर्ड फर्म में थे जहां पर लोन था अब आप क्या करेंगे आप बाहर जाएंगे तो मार्केट से भी लोन उठाएंगे जिससे आपके सर पे लोन हमेशा बना रहे तो मार्केट से लोन उठाइए डेट इक्विटी रेशो को मेंटेन करना है हमेशा तो सेम डेट इक्विटी रेशियो में जैसे टू पर लोन तो यहाँ भी टू इज टू वन में मार्केट से लोन उठा लो अब जो आपके पास शेयर बेच के पैसा आया प्लस जो आपने लोन उठाया वो जो पैसा है सारा पैसा लो और जाकर दूसरी फर्म के शेयर खरीद लो इससे आपकी इनकम बढ़ जाएगी दूसरा है सेम शेयर होल्डिंग लो सेम रिटर्न चाहिए तो वो सीए में उसका एग्जाम्पल है ही नहीं तो इंक्रीज इन इनकम वाला ही करेंगे हम इसी पे ध्यान देंगे अच्छा जी दूसरा अगर अनलिवर्ड फर्म ओवर वैल्यूड है यानी बिना लोन वाली फर्म ओवर वैल्यूड है तो आप क्या करेंगे सबसे पहले अपने शेयर्स बेचिए अब जो आपके पास शेयर होल्डिंग आ गई मतलब शेयर बेच के पैसा आ गया लीवर्ड फर्म में जाइए और उसके शेयर्स और डिवेंचर दोनों चीजें खरीद लीजिए डेट इक्विटी रेशो में तो जो भी आपके पास पैसा है अवेलेबल फंड उसको लगा दीजिए डेट और शेयर्स के अंदर डेट इक्विटी रेशो में इससे आपकी इनकम बढ़ जाएगी ये मैं आपको सामने से करके बताऊंगा अभी कैसे फिर से बताता हूं लीवर्ड फर्म में हो वहां से शेयर बेच के बाहर निकलो सेम रेशो में लोन उठाओ और पूरा पैसा दूसरी कंपनी में डाल दो ठीक है अगर अनलिवर्ड में हो वो ओवर वैल्यूड है वहां के सारे शेयर बेचो लीवर्ड कंपनी में जाकर वहां के शेयर और डिवेंचर दोनों के दोनों डेट इक्विटी के रेशो में परचेज कर लो आपकी इनकम बढ़ जाएगी बस इतना सा ये है बच्चे इसमें बहुत कंफ्यूज होते हैं अब देखिए दो मिनट में आपको चीज समझ में आ जाएगी अरे सर ये तो बहुत ही सिंपल निकला दो क्वेश्चन है इसके पहला है एटी टू देखिएगा कैपिटल एम्प्लॉय टू लैख है बी आई है के ई ट्वेल्व है दो कंपनियों के बारे में बात चल रही है लीवर्ड का डेट एक लाख रुपए का और इक्विटी एक, एक लाख रुपए का है तो वन वन का डेट इक्विटी है ठीक है अनलीवर्ड में सारा पैसा इक्विटी से है ये इनकी बुक वैल्यू दी हुई है अब कह रहे हैं कि आपके पास फिफ्टीन परसेंट होल्डिंग है लीवर्ड कंपनी में लीवर्ड कंपनी में कैलकुलेट इंक्रीज इन एनुअल अर्निंग आप अपनी अर्निंग को कैसे बढ़ा सकते हो अगर आप होल्डिंग लीवर्ड की बेचकर अनलीवर्ड में चले जाओ तो तो लीवर्ड कंपनी की होल्डिंग है आपकी आपके सर पे लोन है लीवर्ड कंपनी यानी लोन वाली कंपनी आप क्या करेंगे अपनी शेयर होल्डिंग को लीवर्ड से बेचेंगे सेम डेट इक्विटी में डेट इक्विटी रेशियो हो गया इसका वन इस टू वन। जितने डेट इक्विटी रेशो में बाजार से उठाएंगे लोन और सारा पैसा अनलीवर्ड में लगा देंगे जितना भी आएगा आपकी कमाई बढ़ जाएगी ओके अब यह देखिए पहले वैल्यू ऑफ फर्म निकालेंगे कमाई कितनी है जी तीस हजार ओके तीस हजार तीस हजार यहां पर एक लाख रुपए पे दस परसेंट इंटरेस्ट चला गया दस हजार यहां कोई लोन नहीं है यहां बीस हजार की कमाई यहां तीस हजार की कमाई ये शेयर होल्डर्स की कमाई है, ओके। रेट है। से किया। को जोड़ा ये फर्म हो गई टू सिक्सटी की और ये हो गई टू फोर्टी की तो ये ओवर वैल्यूड है महंगी है अब हमारे पास इसमें फिफ्टीन परसेंट शेयर है इसके शेयर की वैल्यू कितनी है वन सिक्सटी पंद्रह परसेंट शेयर तुम्हारे पास है एक साठ मल्टीप्लाई पंद्रह परसेंट चौबीस हजार के शेयर तुम्हारे पास हैं इसमें ठीक है क्या करोगे चौबीस हजार के शेयर बेच दो बेच दिए जी बेच दिए चौबीस हजार के शेयर हमने बेच दिए ठीक है अब आपके पास में आपके पास शेयर होल्डिंग कितनी थी फिफ्टीन परसेंट यहां पर लोन कितना है इस कंपनी में एक लाख रुपए का एक लाख रुपए का लोन है फिफ्टीन तुम्हारी शेयर होल्डिंग थी तो आपके पास डेट का भी 15 परसेंट हिस्सा होना चाहिए यहां पर क्या था यहां डेट इक्विटी रेशियो वन एस टू वन मैच हो रहा था यहां पर मार्केट वैल्यू की वजह से वो हिल गया है कोई बात नहीं अब आप क्या करोगे यहां के पंद्रह आपकी जो शेयर होल्डिंग थी पंद्रह आपके पास शेयर थे तो यहां का जो डेट है पंद्रह डेट बाजार में जाके आप उधार पैसा उठा लो तो आपने बाजार से एक लाख रुपए का डेट है इसका पंद्रह परसेंट गए और बाजार से उठा लिया अब जरा देखिए वन सिक्सटी में पंद्रह परसेंट शेयर आपके हैं उन्हें बेचो और जितना लोन है इसके पास उसका पंद्रह परसेंट लोन बाजार से उठा लो उठा लिया उनतालीस हज़ार रुपये आपके पास हो गए अब ये उनतालीस हज़ार रुपये दूसरी कंपनी में लगा दो उनतालीस हज़ार हमने अनलीवर्ड में लगा दिए अब हम देखते हैं हमारी कमाई कितनी हो जाएगी उनतालीस हज़ार रुपये जो आपने लगाए इस कंपनी में कमाई कितनी है ट्वेल्व पॉइंट आपकी ट्वेल्व पॉइंट की आपकी कमाई होने लग गई इसको आप ऐसे भी निकाल सकते हो कि तीस हजार की कमाई टू लैख फोर्टी थाउजेंड पर है तो थर्टी नाइन थाउजेंड पर कमाई कितनी होगी की कमाई होगी ऐसे भी निकाल सकते हो वरना सीधे ट्वेल्व पॉइंट फाइव परसेंट की कमाई है ठीक है तो थर्टी नाइन थाउजेंड लगा इस कंपनी में फोर एट सेवन फाइव की कमाई हुई तुमने पंद्रह हजार का लोन लिया था लोन का रेट कितना चल रहा है बाजार में दस परसेंट तो आपने जो पंद्रह हजार का लोन बाजार से उठाया इस पर आपको पंद्रह सौ रुपए ब्याज देना पड़ेगा तो पंद्रह सौ रुपए का ब्याज इस पर हमने दे दिया अब हमारी कमाई नेट बची थ्री थ्री सेवन फाइव तो नई कंपनी में आए फोर एट सेवन फाइव की कमाई है जो लोन लिया था पंद्रह सौ रुपए उसका जो लोन लिया था पंद्रह हजार का उस पर पंद्रह सौ रुपए का इंटरेस्ट चला गया थ्री थ्री सेवन फाइव की कमाई है अब हम देखेंगे पिछली फर्म में कितनी कमाई थी तो पिछली फर्म में बीस हजार रुपए शेयर होल्डर्स की कमाई थी इसका पंद्रह परसेंट तुम्हें मिलता था तो मार्केट वैल्यू निकाल लो पंद्रह परसेंट की शेयर होल्डिंग को बेच दो आपके पास जितना भी पूरी कंपनी पे लोन है एक लाख का उसमें पंद्रह परसेंट का हिस्सा आपका भी था पंद्रह परसेंट का बाजार में जाके लोन ले लो आप उसके बाद में सारा पैसा नई कंपनी में लगाओ इनकम कैसे देखेंगे नई कंपनी का जो भी रिटर्न है ट्वेल्व पॉइंट फाइव है वो ट्वेल्व पॉइंट फाइव आपकी रिटर्न हो गई जो लोन लिया था उस पर आपको ब्याज देना पड़ेगा माइनस किया थ्री थ्री सेवन फाइव नेट आपकी कमाई बची पुरानी फर्म में आपके पास जो शेयर्स थे उस पर आप तीन हजार रुपये कमा रहे थे अब थ्री सेवेंटी फाइव की कमाई बढ़ गई है दूसरा अब अनलीवर्ड से लीवर्ड में जाएंगे तो अनलीवर्ड से जब लीवर्ड में जाओगे तो वहां के शेयर्स और डिवेंचर दोनों में इन्वेस्ट करना है ठीक है कैपिटल एम्प्लॉय टू लैख थर्टी थाउजेंड की ईबीआईटी है डेट दे दिया वन लैख और इक्विटी वन लैख यहाँ दो लाख रुपए के ही दोनों का अलग अलग है आपके पास अनलिवर्ड में फिफ्टीन परसेंट शेयर्स हैं ठीक है जी पहले फर्म की वैल्यू निकालेंगे तो दोनों की कमाई थर्टी थाउजेंड आ गई जी इसने इंटरेस्ट दिया इस पर कोई इंटरेस्ट नहीं है ट्वेंटी और थर्टी इसका कई ट्वेंटी है इसका ट्वेल्व पॉइंट फाइव है डिवाइड किया वैल्यू ऑफ शेयर आ गई वैल्यू ऑफ डेट जोड़ा ये टू फोर्टी की है ये टू लैख की तो ये ओवर वैल्यू डेट अब आपके पास इसके फिफ्टीन परसेंट हैं, तो चौबीस हजार का बेच दो में जो भी इसका डेट इक्विटी रेशो आ रहा है उस रेशो में लगा दो तो थर्टी सिक्स थाउजेंड यहां पर वन लैख वन लैख है अट्ठारह हजार के इक्विटी खरीदो अठारह हजार लोन में लगा दो ठीक है अब देखिए थर्टी सिक्स में बिके अट्ठारह हजार लोन में और अट्ठारह हजार की इक्विटी लगा दी अब कमाई देखो बीस हजार की कमाई हो रही है और रिटर्न ट्वेंटी परसेंट है ट्वेंटी परसेंट रिटर्न है तो अट्ठारह हजार के इक्विटी पे ट्वेंटी परसेंट रिटर्न थर्टी सिक्स हंड्रेड की कमाई हो गई और अट्ठारह हजार का जो डेट लिया है उस पर दस परसेंट आपको ब्याज मिल जाएगा तो आपने डिवेंचर और शेयर दोनों खरीद लिए दस परसेंट ब्याज मिल गया एटीन हंड्रेड आपको इंटरेस्ट मिल गया थर्टी सिक्स हंड्रेड आपको शेयर होल्डिंग वाला प्रॉफिट मिल गया थर्टी सिक्स हंड्रेड एटीन हंड्रेड चौवन सौ रुपए मिल गए अब पहली कंपनी में कितने मिलते थे तुम्हें पहली कंपनी में छत्तीस हजार रुपए का ट्वेल्व पॉइंट फाइव परसेंट आपकी कमाई थी तो पहली कंपनी में हमारी कमाई फोर्टी फाइव हंड्रेड थी तो हमारी कमाई नौ सौ रुपए बढ़ गई यारहवीं ट्रेज वाला जनरली आज तक मतलब एग्जाम में आज तक कभी पूछा नहीं गया और थोड़ा सा घुमाकर भी है ये थोड़ा लंबा कंसेप्ट है तो रिवीजन में जितना मैक्सिमम कवर कर सकता था मैंने उतना कर लिया आप एक बार इसको ना समझ में आए तो देख लेना और लाइटली इसको पढ़ना ज्यादा इसमें इन डेप्थ में जाना क्योंकि एग्जाम ओरिएंटेड ये इतना है नहीं और बच्चे को फंसाता ही ज्यादा है ये हमारे पास कैपिटल स्ट्रक्चर और कॉस्ट ऑफ कैपिटल दोनों का काम खत्म हो गया छह सेशन हमारे पूरे खत्म हो चुके हैं अब जो हमारा लास्ट सेशन है उसमें हम रिस्क एनालिसिस और डिविडेंड डिसीजन करेंगे और हमारा पूरा एफएम का रिवीजन कंप्लीट हो जाएगा मुझे पूरा यकीन है कि आप लोगों को बहुत सही मजा आया होगा मेरा मेरी मीटिंग थी आज रात कहीं पर तो अब मेरे को निकलना होगा आप लोगों से मुलाकात होगी कल टेलीग्राम पे कनेक्टेड रहना क्योंकि अगर कल हो पाया तो मैं सुबह को सेशन लूंगा दस ग्यारह बजे के आसपास तो जो लास्ट सेशन है वो दस या ग्यारह बजे के आसपास कल हो सकता है अभी नहीं बता सकता क्योंकि अभी मेरे को कहीं काम से जाना है उस हिसाब से कल का मेरा शेड्यूल बनेगा अगर कल दिन में नहीं हुआ दस ग्यारह बजे तो फिर शाम को पांच बजे लेंगे ओके जी सबको टाटा बाय बाय